Okay, good evening guys. So finally we are starting a new topic which is Ind AS 116 leases jo ki naya standard aaya hai aur isne Ind AS 17 ko replace kiya hai. Theek hai, Ind AS 17 ka bhi naam leases tha aur Ind AS 116 aa gaya hai. Ind AS 116 applicable hai 1/4/2019 फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1/4/2019 ऑनवर्ड्स. मतलब कोई भी रनिंग कंपनी जो Ind AS ऑलरेडी लगा रही है, जिसने Ind AS 17 पहले से ही लगाती आ रही है जब से Ind AS अप्लीकेबल हुआ था, उस कंपनी को 1/4/19 से Ind AS लगाना पड़ेगा. जो कंपनी Ind AS में अभी नहीं है पर आगे चल के हो सकता है वो Ind AS में आ जाए, तो उसको तो पहले दिन से ही Ind AS 116 लगाना पड़ेगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आई फेस सम चैलेंजेस इन डेवलपिंग द नोट्स ऑफ दिस Ind AS 116. सम टाइप ऑफ चैलेंजेस आई फेस, लाइक जैसे तैसे शेड्यूल जो मेरा टाइट चल रहा था उसको कैसे भी करके मैनेज करके, कभी कुछ करके नोट्स फाइनली बन गए. क्योंकि मेरा मानना था, अभी आई थिंक शायद मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ Ind AS 116 देने में, क्योंकि मुझे Ind AS 116 जो ये मैं आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर रेगुलर बैच. मतलब ये Ind AS 116 बेसिकली मैं सारे टाइप के बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहे वो मेरा Ind AS मतलब रेगुलर बैच का स्टूडेंट हो, चाहे वो फास्ट ट्रैक बैच का स्टूडेंट हो, चाहे वो बूस्टर बैच का स्टूडेंट हो. क्योंकि ये जो वीडियो है वो कॉमन फॉर ऑल है. ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, स्पीड के अकॉर्डिंग बनाऊंगा. पहली बार पढ़ा रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रेंक, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा डेवलपमेंट में मुझे भी टाइम लगे. बट येस, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक दीज नोट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट्स कहाँ से बनाए गए हैं? नोट्स बनाने के जो सोर्सेज हैं, दैट वॉज फर्स्ट ICAI का मॉड्यूल, और जो दूसरा था वो इंस्टीट्यूट ने ही मेंबर्स के लिए एक बुकलेट निकाला है Ind AS 116 पे. मेंबर्स के लिए देर आर सम FAQs फॉर द मेंबर्स, देर आर सम FAQs फॉर द मेंबर्स. तो उसके बेसिस पर मैंने नोट्स डेवलप किए हैं. क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं? क्वेश्चंस के लिए मैंने अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन शीट बनाई है, और ये सेपरेट क्वेश्चन शीट बनाई है, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने तकरीबन, आप देखिए एक बार कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 45. आउट ऑफ 45, 43 क्वेश्चंस मैंने ICAI के मॉड्यूल से लिए हैं. एज इट इज 43 के 43 क्वेश्चन वही सीरीज में वैसा का वैसा ही क्वेश्चन मैंने लिया है, कोई आंसर चेंज नहीं किया है. अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगा भी तो, जहां तक है मैंने देखा कोई क्वेश्चंस के आंसर्स में गड़बड़ी नहीं है. दो क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं. ऐड तो मुझे कई सारे और क्वेश्चंस करने थे, बट बाय द पीरियड ऑफ टाइम मैं और क्वेश्चंस ऐड करते रहूंगा. बड़ा स्टैंडर्ड हो चुका है, पहले लीजेस का स्टैंडर्ड छोटा हुआ करता था. किसी को आप में से याद है लीजेस आपने कभी पहले पढ़ा है? IPCC डेज में, इंटरमीडिएट डेज में पढ़ा हो? हाँ, AS 19 हुआ करता था. लीजेस कितने टाइप की होती हैं, एटलीस्ट ये हमें शुरू से थोड़ा बहुत एक पता है. क्या था? फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज. कम से कम नाम सुना होगा, एटलीस्ट नाम ही सही, बस नाम तो सुना होगा एटलीस्ट, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज. अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सबसे बड़ा चेंज क्या है, ये Ind AS 116 क्यों चेंज हुआ, ऐसा क्या हो गया, तो Ind AS 116 ने लेसी की अकाउंटिंग चेंज की है. लेसर की अकाउंटिंग आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी. मतलब Ind AS 116 पे सिर्फ और सिर्फ जो चेंज हुआ है वो लेसी की अकाउंटिंग पे हुआ है. लेसर आज भी उसी तरीके से ही फॉलो करता है Ind AS को, ट्रीटमेंट को, जैसे पहले चलता था. मतलब वही ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज जैसे होता था. अब वो आपको याद हो चाहे नहीं हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है. लेसी की अकाउंटिंग चेंज हुई है. ये लेसी की अकाउंटिंग चेंज क्यों हुई है? पहले लेसी को बोला जाता था कि या तो तू भाई ऑपरेटिंग मान या तो फाइनेंस मान.
अगर तू फाइनेंस लीज मानेगा, अगर तू फाइनेंस लीज मानता है, तो तेरे को जो तू असेट खरीदा तो नहीं है तूने असेट, पर तूने जो असेट लीज पर लिया है तो उस असेट को तू अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, तू उसको अपनी असेट को अपनी असेट मानेगा। इन शॉर्ट, लेसी को डीम्ड ओनर माना जाता था पहले की अकाउंटिंग में, फाइनेंस लीज में लेसी को डीम्ड ओनर मानते हुए लेसी को कहा जाता था कि तुम असेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करो। ये मान लो कि तुमने असेट लोन पे ली है और धीरे धीरे तुम पेमेंट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, असेट बुक करो, असेट असेट बुक करो। और दूसरा लीज होता था ऑपरेटिंग लीज, जहां लेसी को बोला जाता था कि नहीं, असेट बुक मत करो, तुम कुछ दिखाओ ही मत, तुम असेट यूज कर रहे हो पर तुम असेट अपनी बुक्स में मत दिखाओ, तुम जो पेमेंट कर रहे हो बस उस पेमेंट को अपनी बुक्स में एक्सपेंस करते जाओ, एक्सपेंस 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 एक्सपेंस। भले असेट तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास राइट्स हैं, अब तुम अपनी बुक्स पर बस एक्सपेंस बुक करते हो, असेट वसेट कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इंड एस 16 116, मतलब IFRS 16, पहले IFRS 16 आया, उसको देखकर इंड एस 116 आया, सीधी बचे बात है। इंटेंशन क्या था, क्यों लाया गया इंड एस 116? जनरली इंडस्ट्री में यह देखा गया कि मैक्सिमम केसेस में लीज का क्लासिफिकेशन लेसी लोग, लेसी एंटिटीज, जो बड़ी बड़ी एंटिटीज होती थी जो लीज पे लेती थी असेट्स को, उसका क्लासिफिकेशन गड़बड़ करती थी। ऑपरेटिंग होता था पर वो मान लेती थी कि फाइनेंस है, फाइनेंस होता था तो मान लेती थी कि ऑपरेटिंग है, मतलब वो क्लासिफिकेशन करने में उनको गड़बड़ होती थी, जेन्युइन गड़बड़, ऐसा नहीं कि वो इंटेंशनली गड़बड़ करती थी। और इंटेंशनली भी विंडो ड्रेसिंग करने का उनको एक मौका मिलता था। इंड एस 116 का कहना था कि यार दो टाइप की लीजेस रखने का रीजन ही क्यों बनाए, जहां आप ये कह रहे हो लीज का मतलब क्या होता है, लीज का मतलब होता है कि लेसर के द्वारा असेट से जुड़े हुए अधिकार लेसी को कुछ पीरियड के लिए ट्रांसफर किए जाएं। क्या ट्रांसफर किए जाए? अधिकार, मतलब राइट्स। लीज का मतलब होता है, लीज मींस एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। आई एम नॉट रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस इंड एस 116, बट क्वाइट सेम जनरल लेवल पे, एक लेमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करें तो लीज मतलब क्या, लीज मींस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन पार्टी प्रोवाइड्स राइट्स टू अदर। वन पार्टी मींस लेसर, क्या लेसर लेसी जानते हो कौन होता है? लेसर हु इज गिविंग द राइट टू यूज दैट असेट, एंड लेसी मीन्स हु इज टेकिंग द राइट्स अगेंस्ट पेइंग कंसिडरेशन। सो इंड एस 116 का कहना था, मैं वापस उस ऑब्जेक्टिव पे आ रहा हूं, इंड एस 116 का कहना था कि जब ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है, अल्टीमेटली दोनों में राइट ही दिए गए हैं ना लेसी को, लेसी को तो अधिकार मिल रहा है। अब वो अधिकार चाहे एक दिन के लिए मिले, चाहे 10 दिन के लिए मिले, चाहे 100 दिन के लिए मिले, चाहे 10 साल के लिए मिले, चाहे 1 साल के लिए मिले, चाहे 100 साल के लिए मिले, राइट तो मिल रहा है ना। ऑपरेटिंग लीज कहता था कि नहीं, राइट्स कुछ ही टाइम के लिए मिल रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए राइट्स मिल रहे हैं ना, इसलिए असेट मत दिखाओ। फाइनेंस लीज कहता था लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए तुम्हें राइट्स दिए गए, फाइनेंस लीज का कहना था कि तुम्हें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए राइट्स दिए गए इसीलिए असेट दिखाओ। ऑपरेटिंग का कहना था कि नहीं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए तुम्हें राइट्स मिले हैं तो इसलिए तुम असेट मत दिखाओ। इंड एस 116 का कहना था कि पागल हो गए हो क्या, राइट्स तो मिले हैं ना, चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए हो चाहे लॉन्ग पीरियड के हो, क्यों ना राइट्स को ही असेट दिखा दो, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे फाइनेंस हो। ये फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का हिसाब किताब ही हटा के, वाई शुड नॉट अ लेसी बुक राइट्स एज द असेट, नॉट असेट, नॉट द फिजिकल असेट इन इट्स बुक्स। लेसी शुड रिकॉर्ड व्हाट लेसी इज गेटिंग, लेसी इज गेटिंग द राइट टू यूज द असेट। सो नाउ इंड एस 116 सेज लेसी शुड नॉट रिकॉर्ड द असेट, लेसी शुड रिकॉर्ड द राइट्स गिवन टू हिम एज एन असेट। नहीं आया समझ में? अभी तक फाइनेंस लीज में लेसी असेट को, फिजिकल असेट को अपनी बुक्स में दिखाता था उसी असेट के नाम से। मैंने मशीन लिया तो मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग लिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। नाउ अगर मैं मशीन लूंगा
मैं बिल्डिंग लूंगा, मैं व्हीकल लूंगा, तो मैं उनका नाम नहीं दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा राइट टू यूज मशीन, राइट टू यूज बिल्डिंग, राइट टू यूज व्हीकल, बिकॉज चाहे मुझे वो 10 दिन के लिए राइट्स मिल रहे हैं, अगर मुझे 10 दिन के लिए राइट्स मिल रहे हैं तो 10 दिन के राइट्स तो मेरे असेट हो गए ना। तो उसमें ऑपरेटिंग और फाइनेंस का मतलब ही क्या हुआ? ऑपरेटिंग करके तुम राइट ले भी रहे हो दो दो साल तीन तीन साल के लिए, पर तुम राइट्स होने के बावजूद तुम अपनी बुक्स में असेट नहीं दिखा रहे हो, रॉन्ग अकाउंटिंग। तो कई सालों से लेसी रॉन्ग अकाउंटिंग करता आ रहा था और रॉन्ग क्लासिफिकेशन भी होता था, ऑपरेटिंग की जगह फाइनेंस हो गया, फाइनेंस की जगह लाइफ ऑपरेटिंग हो गया। बट नाउ जो मैं आपको ये बोल रहा हूं, हम जितने भी लेक्चर लेने वाले हैं इंडिया 116 के, आई डोंट नो हम कितने लेक्चर लेने वाले हैं, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट फर्स्ट टाइम है, तो मैं अभी कुछ कमिटमेंट नहीं करूंगा कि कितने नंबर ऑफ लेक्चर लेने वाले हैं। बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि नाउ द लेसी व्हाट लेसी विल डू, लेसी के लिए कोई फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज का खत्म सिस्टम ही नहीं है। अब वो सिस्टम नहीं बचा कि जहां लेसी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे लिए ऑपरेटिंग लीज है कि मेरे लिए फाइनेंस लीज है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अब लेसी को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ लेसी को ये देखना पड़ेगा कि ये लीज है कि नहीं है। अगर ये लीज है तो आई हैव टू बुक द राइट्स एज एन असेट, या तो ये लीज ही नहीं है, बात खत्म, ये लीज ही नहीं है, ये अल्टीमेटली सेल है। या तो असेट जो तूने मुझे दिए, या तो मैंने तेरे से परचेज ही कर ली, भले मैं तेरे को पेमेंट किश्तों में कर रहा हूं, बात समझ में कि नहीं? तो पहले अब इंडेस 116 बोलता है कि बस इतना सेटिस्फाई कर लो कि ये लीज कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। अगर ये लीज कॉन्ट्रैक्ट है तो इंडेस 116, और अगर ये लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो माइट बी इट इज अ सेल, इट इज अ परचेज, देन गो टू द इंडेस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? बट अगर ये लीज है और इस लीज के अनुसार लेसी को 10 दिन के भी राइट मिले हैं, तो लेसी उस 10 दिन के लिए भी अपनी बुक्स में असेट दिखाएगा, बात खत्म। और असेट असेट नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा? राइट टू यूज द असेट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? राइट टू यूज द असेट अपनी बुक्स में राइट दिखाएगा। नो, सेपरेट लाइन, टेंजिबल भी नहीं, इंटेंजिबल भी नहीं, थर्ड आइटम आ जाएगा। यस, जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखता है, जैसे चौथा नंबर इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट दिखता है, पांचवा दिखने लगेगा राइट टू यूज द असेट्स अंडर लीज एग्रीमेंट, सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट ऑल्सो, सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट, सारी बातें बोलता ही है, पर वो बहुत आगे की बातें हैं, हम आने वाले दूसरे लेक्चर्स तीसरे लेक्चर्स की बात करेंगे वो। बट यस, सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट ऑल्सो, दैट मीन्स राइट टू यूज द असेट, वॉट यू आस्क मी कि ये राइट टू यूज द असेट कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में दिखेगा। तो सर टेंजिबल के साथ दिखेगा? नहीं। इंटेंजिबल के साथ दिखेगा? नहीं, सेपरेट लाइन आइटम। तो क्या वो सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट होगा? यस। सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन होगा? यस। वो डेप्रिशिएट भी होगा वो राइट, इट इज एज गुड एज योर इंटेंजिबल बट टू बी प्रेजेंटेड सेपरेट। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड? वी हैवेंट स्टार्टेड 116, मैं बस 116 के बारे में आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर 116, बट दिस इंड एज 116 हैज रिटेन्ड द सेम अकाउंटिंग फॉर लेसर। लेसर के लिए इसने वही सेम अकाउंटिंग रखी। क्यों? लेसर को इसको वही अकाउंटिंग फॉलो करनी है, या तो उसके लिए ऑपरेटिंग लीज है या तो उसके लिए फाइनेंस लीज है। उसके भी रीजन हम समझेंगे आगे चल के कि उसके लिए वही अकाउंटिंग फिर क्यों है, फिर उसके लिए वो अकाउंटिंग क्यों है, उसके लिए भी तो फिर सेम होना चाहिए। नहीं, कारण है, हम कारण को आगे समझना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हम स्टार्ट नहीं कर पाए। अगर हम कारण ढूंढते रहे तो बस उस पर फिर चर्चा आधा घंटा चलना शुरू हो जाएगी। एनीवेज, बात करते हैं इस इंड एज की। हाउ आई डिजाइंड द नोट्स, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं कभी पेजेस देखता नहीं हूं, मैं ज्यादा इतने पेजेस पे ध्यान नहीं देता हूं। मेरे ये भी नहीं पता कि आईसीआई के जो नोट्स हैं उसमें कितने पेजेस थे, बट मेरा अंदाजा है कि शायद 120 130 से ज्यादा पेजेस थे, माइट बी 140 के आसपास पेजेस थे। मैंने इन नोट्स को कितने पेजेस में कवर किया है? तकरीबन तकरीबन 36 नंबर ऑफ पेजेस में मैंने इसको कवर कवर किया है, एक्सक्लूडिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन शीट मैंने अलग ही बना दी। इट वुड बी बेटर कि क्वेश्चन का एक शीट ही अलग बन जाए, वो ज्यादा अच्छा है। वैसे भी मुझे ये नोट्स अपनी इंडेज कॉन्सेप्ट बुक में इनकॉर्पोरेट करने थे।
अब इन नोट्स को मैंने कैसे डिजाइन किया है, आपको दिख रहा होगा सबसे पहले जैसे ही हमारा लीज स्टार्ट हो रहा होगा, नोट्स स्टार्ट हो रहे होंगे, सबसे पहले पार्ट वन दिख रहा होगा। ऐसे करके आप देखोगे तो आपके पूरे नोट्स में आपको 7 पार्ट्स दिखेंगे, आपके पूरे नोट्स 7 अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया है, आपके पूरे इंडेस 116 को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये जरूरी था। अगर हम 7 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, बस एक ही स्ट्रेच में पढ़ते जाते, हमें लगता कि हाँ बस होता जा रहा है, अभी हम पार्ट्स पार्ट्स वाइज चलेंगे, फिर पार्ट्स को रिवाइज करेंगे, तो हमें रियलाइज होगा कि हाँ हमने इतना पोर्शन एटलीस्ट अच्छे वाला कर लिया है, ये पोर्शन में क्या है, वो पोर्शन में क्या है, कम से कम एक रिटेंशन पावर पार्ट्स पार्ट्स करने में रहेगी। उन पार्ट्स को भी सोच समझ के पार्ट्स बनाया गया है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे पार्ट्स बनाए गए। सबसे पहला पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू पार्ट है कि ये इंड एस 116 कब से एप्लीकेबल है और इसका स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब पता है क्या होता है, स्कोप मतलब किस टाइप के लीजेस, किस टाइप की असेट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल हो सकता है और किसके ऊपर नहीं हो सकता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पर ये इंड एस 116 एप्लीकेबल होगा और कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर इंड एस 116 एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका मतलब होता है स्कोप। तो पहले पार्ट में हम ये सिर्फ पढ़ रहे हैं कि ये एप्लीकेबल कब से होगा और इसका स्कोप क्या है। जहां तक बात है एप्लीकेबिलिटी की, द इंपॉर्टेंट थिंग इज द इट इज एप्लीकेबल, ऑलरेडी एप्लीकेबल मतलब इंडस्ट्री में ये पहले से ही एप्लीकेबल हो चुका है। कौन से फाइनेंशियल ईयर से? 1920, मतलब 1 अप्रैल 2019 से ये ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है। इसका सबसे आखिरी पार्ट पता है क्या है? सबसे आखिरी पार्ट ये है कि वो कंपनीज जो ऑलरेडी लीजेस पे चल रही थी, जिन्होंने असेट्स को ऑलरेडी लीजेस पर लिया था, जिनके ऊपर ऑलरेडी इंडिया 117 इंडिया 17 लग चुका है और ऑडिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 में वो ऑपरेटिंग लीज दिखा रही है या फाइनेंस लीज दिखा रही है, तो उनको उन एग्जिस्टिंग लीजेस को ट्रांजिशन प्रोविजन कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। यू नो यू अंडरस्टैंड ना, ट्रांजिशन प्रोविजन मतलब फ्रॉम 17 टू इंडियस 116 वो कैसे आएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए रेलेवेंट है, वो जो रेलेवेंट है ही नहीं बाकी था, क्योंकि उस ट्रांजिशन प्रोविजन का रेलेवेंस आगे के सालों में नहीं होने वाला है, सिर्फ तभी होने वाला है जब कोई न्यू कंपनी पहली बार इंडियस में आएगी और वो AS 19 से इंडियस 116 में आएगी तो अलग बात होगी। तो ट्रांजिशन प्रोविजन भी इंपॉर्टेंट है इस इंडेस 116 का सिर्फ करंट ईयर के, विच आई प्रैक्टिकली थिंक कि प्रैक्टिकली तो इंडस्ट्री में है ही है इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम वाइज इतना बड़ा स्टैंडर्ड है, ट्रांजिशन से पूछेंगे नहीं पूछेंगे आई डोंट नो, बट ट्रांजिशन का एक क्वेश्चन उन्होंने बहुत शानदार दिया है और लिटरली मजा आ गया उसको जब आप करोगे, आपको रियलाइज फील होगा कि अच्छा ट्रांजिशन ऐसे भी होता है, इस तरीके से ट्रांजिशन होता है जो हम करेंगे। नाउ इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1920, पहला फाइनेंशियल ईयर का 1920 रहेगा। एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग और कोई बातें नहीं है, मतलब नहीं है, एमसीएस को लेके आया और वो हम सबको पता है कि इंडियस लेने वाली लेके आने वाली अथॉरिटी कौन है, एमसीए। ठीक है, 116 ब्रॉट फॉलोइंग मेजर चेंजेस एज कंपेयर टू 17। 116 में मेजर चेंजेस क्या है, जो मैंने आपको पहला बताया मेजर चेंज क्या आया, मेजर चेंज आया लेसी की अकाउंटिंग, लेसर की अकाउंटिंग नहीं, किसकी अकाउंटिंग, लेसी की अकाउंटिंग, और दूसरा लीज की नई डेफिनेशन, लीज की न्यू डेफिनेशन, मतलब अभी तक हम लीजेस को डिफाइन जो करते थे तो वो डिफाइनेशन अलग थी, अब लीज को अलग तरीके से और भी थॉरली उसको डिफाइन किया गया, लीजेस का स्कोप बढ़ा दिया गया है, लीजेस में उन्होंने डेफिनेशन के उसकी डेफिनेशन में उसका स्कोप बढ़ा दिया है, तो लीज की एक न्यू डेफिनेशन अराइज हुई है। आ रही है मेरी बात समझ में, पढ़िए एक बार इसको, मेजर चेंजेस। पढ़िए एक बार, ओके ठीक है, क्या चेंजेस हुए हैं, ये मतलब दो चेंजेस हुए हैं, एक तो लीजेस का स्कोप बढ़ा दिया गया है, लीज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट अब शामिल कर दिए गए जो शायद पहले हम लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते थे, और दूसरा
लेसी की अकाउंटिंग चेंज की है, लेसर की अकाउंटिंग चेंज नहीं की है। हाँ एक और चेंज है, थर्ड चेंज एक और है जिन्होंने डायरेक्टली यहां पर नहीं बताया गया है। आपने नाम सुना था सेल एंड लीज बैक, एक सेल एंड लीज बैक करके एक पॉइंट हुआ करता था AS 19 और IND AS 17 लीजेस में, ठीक है ना। मैं बार बार AS 19 वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जनरली यहां पर जो मुझे बच्चे सुन रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं, वो मैं मान के चल रहा हूं कि उन्होंने IND AS 17 तो पढ़ा ही नहीं होगा, तो मैं IND AS 17 का इसलिए नाम ही नहीं लेना चाह रहा हूं, क्योंकि वैसे भी IND AS 17 और AS 19 एक ही था, IND AS 17 और AS 19 में कोई फर्क नहीं था। तो मैं इसलिए बार बार AS 19 ले रहा हूं कि जो जो पहली बार लीजेस पढ़ रहे हैं तो उनके लिए क्या IND AS 17, वो तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो कम से कम इंटरमीडिएट पे AS 19 तो पढ़ के आए। और मैं बस बार बार नाम ले रहा हूं, दैट डजेंट मीन्स कि मैं मतलब ऐसा बोलूंगा ये तो आता ही होगा चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसी बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि वो सब चीजें हम भूल जाते हैं बाय द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा वाई IND AS 116 हम बात कर चुके हैं, मैं इस पर फोकस नहीं करूंगा क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि क्यों जरूरत क्यों पड़ी, राइट को रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट था। अभी तक लेसी ऑपरेटिंग लीज में कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं करता था और फाइनेंस लीज में वो पूरा का पूरा असेट ही रिकॉग्नाइज कर देता था, तो दोनों तरीके से हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे थे। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट्स रिकॉग्नाइज करेंगे, भले वो राइट्स हमें 10 दिन के लिए क्यों ना मिले हो। तो इस IND AS में हम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लीजेस का, लीजेस को मेजरमेंट किस पे किया जाता है वो भी यूज देखेंगे, प्रेजेंटेशन जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम कैसे प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में, और फाइनली उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स हैं, हम चारों चीजों पर ध्यान देने वाले हैं इस IND AS में, राइट। सबसे पहले हम अपने पार्ट वन पर हैं, तो अभी तक मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है, अभी वो पार्ट टू में आएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्कोप क्या है, मतलब ये IND AS 116 किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है और किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। 116 ये पांच चीजों को छोड़कर बाकी सारे लीज कॉन्ट्रैक्ट पे ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये पांच चीजों के ऊपर लीज, भले इन चीजों की लीज हुई भी है, भले इन चीजों की लीज हुई है, पर फिर भी IND AS 116 इन चीजों की लीजेस को अपने में कवर नहीं करता है। पहला कौन सा है, अगर आप मेरे साथ साथ पार्ट लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। पहला कौन सा है, लीजेस टू एक्सप्लोर फॉर और यूज मिनरल ऑयल नेचुरल गैस एंड सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का जो लीजेस होता है वो इसलिए कवर नहीं किया गया है क्योंकि उसके लिए अलग से IND AS 106 ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। और वैसे भी IND AS 110 1106 खुद ही बोलता है कि जो ये आपको नेचुरल रिसोर्सेज का जो लीजेस रहता है ना एक्सप्लोर करने का, वो 106 वैसे भी बोलता है कि उसको राइट ही मानना है, मतलब वो वैसे भी 106 बोलता है कि जो आपको राइट्स मिलते हैं एक्सप्लोर करने के नेचुरल रिसोर्सेस, तो वो आप उन अपनी बुक्स में एज अ राइट की तरह दिखाओगे, तो वो वैसे ही ऑलरेडी मिनरल रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन वो सब कवर ऑलरेडी किस में है, 106 में ऑलरेडी कवर है, तो यहां पर हमें किस डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजिकल असेट, आपको याद होगा हमने जितनी भी अभी तक IND AS पढ़े हैं, बहुत सारे IND AS में बार बार बायोलॉजिकल असेट्स को एक्सक्लूड ही किया गया है, बहुत सारी, चाहे वो आपका IND AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्यों ना हो, चाहे आपका वो IND AS 36 इंपेयरमेंट क्यों ना हो, क्योंकि बायोलॉजिकल असेट के ऊपर इंपेयरमेंट भी कैसे होगा वो IND AS 41 ही बताएगा। बायोलॉजिकल असेट को स्पेसिफिकली 41 में कवर किया गया, चाहे उसका इंपेयरमेंट हो, चाहे उसका रिवैल्यूएशन हो, चाहे कुछ भी हो, इसका मतलब चाहे उसका लीजेस भी क्यों ना हो उसको भी कहां कवर किया गया है, IND AS 41 में। बात समझ में आई कि नहीं, तो 41 ही बात करेगा कि वो चीज तेरे लिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बायोलॉजिकल असेट्स जो कि जनरली हमेशा हर IND AS से अलग ही होता है। तीसरा सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स, अगर कोई मेरा स्टूडेंट होगा तो डेफिनेटली हमने IND AS 115 में सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, टोल रोड्स के हमने देखे थे, BOT कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, बेल्ट ऑपरेट ट्रांसफर आपको याद होगा, जिसमें हम दो प्रकार के अलग अलग केसेस देखते थे। केस वन जहां पर एंटिटी को ऑपरेटर को राइट्स मिलते हैं टू कलेक्ट द एग्जैक्ट कैश फ्लोस फ्रॉम द गवर्नमेंट, वह जहां पर वो फाइनेंशियल असेट बनाता है, और दूसरा जहां पर उसको राइट्स मिलते हैं पब्लिक से कलेक्ट करने के, जहां पर एग्जैक्ट कैश फ्लो नहीं होता तो वो इंटेंजिबल असेट अपनी बुक्स में दिखाता है। याद है आपको, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, हमने इसके क्वेश्चन भी देखे थे। तो वो सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स होते हैं जहां पर वो IND AS 115 कवर करता है, 115। तो अगर वो आपको लीज पे दिया गया, और यस एक्चुअली वो लीज पे ही होता है, अगर आप ध्यान से देखें हमने जब क्वेश्चन किया था कि जैसे मान लो आपका मुंबई पुणे का एक एक्सप्रेसवे बन रहा है और बन गया, उसके बाद आप वहां पर टोल चार्जेस कलेक्ट कर सकते हो, सरकार ने आपको राइट दिया,
टेक्निकली वो एक लीज डीड साइन होती है, पर वो जो लीज डीड साइन होती है वो उसका ट्रीटमेंट इंड एस 115 बताता है, भले वो एक लीज डीड है उसका ट्रीटमेंट 116 नहीं बताता है, क्योंकि 115 ने स्पेसिफिकली इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर किया हुआ है। अंडरस्टूड गाइस? तो पहला एक्सप्लोरेशन मिनरल रिसोर्सेज का, दूसरा बायोलॉजिकल असेट्स का लीजेस, तीसरा सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स का, चौथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रांटेड बाय लेसर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रांटेड बाय लेसर, अगर आपको लाइसेंस मिल रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज? पेटेंट्स है ना, कॉपीराइट्स, जिस पे आपको रॉयल्टी पे करना पड़ता है, यू रिमेंबर? तो ऐसे अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करने के आपको लाइसेंस दिए जा रहे हैं, अगर सरकार भी कई सारे लाइसेंस देती है, तो वो लीजेस तो हो सकते हैं, पर वो लाइसेंस जो होते हैं उसका ट्रीटमेंट अलग से बात की गई है, और वो कवर होता है आपका इंड एस 115 में ही। 115 में क्यों? क्योंकि 115 बोलता है एक तरीके से, वो एक तरीके से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और कंट्रोल पास ऑन हो जाता है, जब कंट्रोल ही पास ऑन हो जाता है तो यहां पर लीजेस नहीं मानेंगे, यहां पर टेक्निकली एक तरीके से रेवेन्यू ही मानेंगे, सेल मानेंगे, तो इसीलिए वो आपका कवर होता है इंड एस 115 में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? कौन सी चार चीजें? एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस का लीजेस, बायोलॉजिकल असेट्स का लीजेस, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स हो गए कवर इसमें, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स आपको दिए रहते हैं, लाइसेंस आपको प्रोवाइड होते हैं, उनको भी आउट ऑफ द स्कोप हो गया, मतलब उसमें 116 काम नहीं आएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट्स हेल्ड बाय अ लेसी अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स फॉर सच आइटम्स सच एज मोशन पिक्चर फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, प्लेस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। ये चीज मैंने आपको इंडिया 38 में पढ़ाई थी, उस टाइम पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि फिल्म प्रोड्यूसर पीवीआर को पूरे राइट्स दे रहा है। फिल्म प्रोड्यूसर मतलब मैंने पूरा मूवी बनाया, मैंने पूरा पैसा लगाया, मैं प्रोड्यूसर हूं, और मैंने राइट दे दिए पीवीआर को कि तू पूरे राइट्स ले ले मेरे से, और पीवीआर बांटेगा सबको मूवीज। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स किसको दे दिए? पीवीआर को दे दिए। अब पीवीआर ने वो राइट्स हमसे खरीद लिए, वो राइट्स जो उसने खरीदे हैं वो पीवीआर के लिए इंटेंजिबल असेट्स माने जाते हैं, और वो कवर होते हैं कौन से एएस में? इंड एएस 38 में कवर होते हैं। तो अगर मान लो ऐसे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स और पिक्चर फिल्म्स इस टाइप के अगर मान लो लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर राइट ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो वो भी कवर होते हैं इंड एस 38, मतलब वो भी राइट्स होते हैं बेसिकली। अब मैंने आपको जब शुरुआत की इंड एस 116 की, तो मैंने आपको बोला कि 116 क्या बोलता है, राइट्स को बुक करो, तो ये भी तो कहीं ना कहीं राइट्स है ना, पर ये राइट्स ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं 38 में, तो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते इन चीजों को, ये पड़ी रहे इंड एस 38 के अकॉर्डिंग ही चले। समझ में आई बात की नहीं? तो कौन से पांच पॉइंट्स हैं? एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, यूज ऑफ बायोलॉजिकल असेट्स, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स, लाइसेंसेस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, और राइट्स टू ऑप्टेन वीडियो रिकॉर्डिंग्स, मोशन पिक्चर फिल्म्स वगैरह, ये सब इनके सबके राइट्स जो होते हैं वो सब 38 में कवर होते हैं। तो ये पांच चीजें इंड एस 116 के बाहर रखी गई हैं। एग्जाम पर्पज से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल पर्पज से ऑब्वियसली हर चीज इंपॉर्टेंट होती है कि किसके ऊपर मुझे 116 लगाना है, किसके ऊपर नहीं लगाना है। एग्जाम पर्पज के लिए इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। नाउ दो चीजें ऐसी हैं जिनको अगेन 116 के बाहर रखा गया है, और एक्चुअली में वो लीज है। वो लीज एक बिल्डिंग की लीज हो सकती है, वो लीज एक मशीन की लीज हो सकती है, वो लीज एक व्हीकल का लीज हो सकता है। कार मैंने आपसे लीज पर लिया, ट्रक मैंने आपसे लीज पर लिया, बिल्डिंग मैंने आपसे लीज पर लिया, मशीन मैंने आपसे लीज पर लिया, ये सारी लीजेस तो कवर होनी चाहिए 116 में। यस, ये कवर है, क्योंकि ऊपर तो पांच पॉइंट्स में तो ये बिल्डिंग, व्हीकल्स, ये सब तो आ नहीं रहते, ये सब तो नहीं आ रहे थे। इसका मतलब बिल्डिंग का लीज कवर है, मशीन्स का लीज कवर है, व्हीकल्स का लीज कवर है। तो ये सब जब लीजेस कवर हैं, तो क्या, तो उसके बावजूद ये सभी बिल्डिंग, ये सभी मशीन्स के लीजेस अगर इनमें से कोई एक है, तो इंड एस 116 बोलता है कि आपको मैं एग्जम्पशन देता हूं
कि जब अगर ये दोनों चीजें आती हैं तो चाहो तो मुझे फॉलो करो, चाहो तो मुझे फॉलो मत करो, क्योंकि ये छोटे मोटे आइटम्स हैं, इनके लिए 116 लगाने बैठे तो तुम्हारी कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी और खर्चा ज्यादा आ जाएगा, खर्चा दिमाग का भी खर्चा ज्यादा आ जाएगा और कुछ मिलेगा नहीं। इन चीजों में तुम मत पढ़ो, तुम एक काम करो 116 फॉलो, चाहो तो मत करो। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? हाँ, अलेस ही कैन इलेक्ट, हेयर दे सेड कैन इलेक्ट, मतलब लेसी चाहे तो, मतलब लेसी के पास यहां पर खुला ऑप्शन है। क्या? नॉट टू अप्लाई इंडियस 116 रिकॉग्निशन रिक्वायरमेंट। 116 की रिकॉग्निशन रिक्वायरमेंट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। किसके ऊपर? दो टाइप की लीजेस के ऊपर। कौन सी दो टाइप की लीजेस हैं? कौन सी दो टाइप की लीजेस है? आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? शॉर्ट टर्म लीजेस। शॉर्ट टर्म लीजेस, आई बात समझ में कि नहीं? शॉर्ट टर्म लीजेस जनरली अ टर्म ऑफ 12 मंथ्स और लेस। एक ऐसी लीज जहां पर जो लीज आपने ली कितने टाइम के लिए? 12 महीने से कम टाइम पे अगर आपने ली है, 2-4 महीने के लिए, 6-8 महीने के लिए ली है, आपके बोले इसी साल में स्टार्ट हुआ, मान लो हो सकता है शायद इसी साल में खत्म हो जाएगा, तो आप इंडियस 116 फॉलो मत करो। इंटेंशन क्या था इंडियस 116 का? कि मैं उन लीजेस पे अप्लाई हों जो लीजेस 1 साल से ज्यादा पीरियड की होती है, जो बड़ी बड़ी एंटिटीज में, बड़ी बड़े बड़े मशीन्स, हैवी इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के ऊपर लगती है लीजेस। जो 12 महीने से छोटे पीरियड की लीजेस हैं उनको फॉलो करना। अगर मान लो ऐसी कोई एंटिटी है जो छोटा मोटा लीज पे लेती रहती है, बस एक ही बार लिया। अब सुनना, इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मान लीजिए मैंने परेश आपको बोला कि परेश आपका एक ग्राउंड है, आपका एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, और वो ग्राउंड ऐसा है कि आपने वो बड़ा बनवाया है, आपने एक बनाया है, हर किसी को आप किराए पर देते रहते हो, पर मेरा परेश के साथ एग्रीमेंट हो गया कि हर साल परेश आप मुझे वो ग्राउंड 3 महीने के लिए हर साल दोगे, हर साल 3 महीने के लिए दोगे, ऐसा एग्रीमेंट हो गया कि हर साल, साल में सिर्फ मुझे 3 महीने, ये जनवरी फरवरी मार्च में मुझे आपसे वो ग्राउंड चाहिए रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक स्कूल रन करता हूं, मैं एक कॉलेज रन करता हूं, और वो जो 3 महीने होता है वो 3 महीने मेरे स्कूल कॉलेज में एक्टिविटी होती है, और वो नेवर एंडिंग एक्टिविटीज है, वो तो हमेशा होती रहेंगी। तो मैंने आपसे एक बुक कर लिया कि हर साल के लिए आप मुझे वो ग्राउंड लीज पर दोगे। इसको मैं शॉर्ट टर्म लीज नहीं मानूंगा, क्योंकि ये वन टाइम नहीं है, ये हर साल मैं आपसे ले रहा हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 3 महीने के लिए ले रहा हूं तो आप इसको हटाओ। मैंने ये एग्रीमेंट किया है, एक एक बार का नहीं, ये मैंने एग्रीमेंट किया है हमेशा के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं माना जा सकता। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये लीज माना जाएगा, भले साल में 3 महीने का है, मतलब ये लीज माना जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? शॉर्ट टर्म लीज मतलब वन टाइम लीज, मतलब एक ही बार ली, खत्म कर दिया बस 12 महीने के अंदर अंदर। समझ में मेरी बात आ रही कि नहीं? आ रही है मेरी बात समझ में? और दूसरा लो वैल्यू लीजेस। सर ये लो वैल्यू लीजेस क्या होता है, कोई बताएगा? नाम से क्या समझ में आ रहा है? जहां पर एक छोटी मोटी असेट की लीज ले रहे हो, असेट की वैल्यू ही ना के बराबर है, उसको तुम लीज पे ले रहे हो। जैसे तुम लैपटॉप लीज पे ले रहे हो, एक सिंगल तुम लैपटॉप लीज पे ले रहे हो, लैपटॉप की वैल्यू क्या है? 20-25 हज़ार। तुम्हारे ऑफिस में तुमने क्या किया, अचानक से थोड़ा सा काम बढ़ गया, कुछ ऑर्डर्स आने लगे, तो तुमने 4 लैपटॉप लीज पे ले लिया, लैपटॉप की वैल्यू है 20-25 हज़ार रुपये, और तुमने लैपटॉप लीज पर ले लिया कुछ टाइम के लिए, तो माइट बी द इट कैन बी कंसिडर्ड एज लो वैल्यू लीज। बट इंडियस 116 क्या कहता है? जरूरी नहीं कि तुम मेरी बात मानो, तुम चाहो तो फॉलो करो इंडियस 116। लो वैल्यू लीजेस के ऊपर, शॉर्ट टर्म लीजेस के ऊपर 116 फॉलो कर सकते हो, और चाहो तो ना भी करो, क्योंकि झंझट बहुत सारे आने वाले हैं। अभी तो खतरनाक लेवल पे झंझट आने वाले हैं 116 में, तो अगर उन सब चीजों के लिए तैयार हो तो मुझे फॉलो करो। पर इधर मैं तुम्हें एग्जम्पशन दे रहा हूं एक तरीके से, कि लो वैल्यू लीजेस मतलब जहां पर असेट की वैल्यू ही बहुत छोटी है। अब ना असेट इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि असेट की वैल्यू कितनी, असेट की वैल्यू कितनी छोटी मतलब कितनी छोटी, वो आपको खुद अपने साइज ऑफ एंटिटी से जज करना पड़ेगा, नेचर ऑफ वर्क से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कि जिस काम के लिए आपने असेट लिया है वो असेट उस काम के लिए तो बहुत ही छोटी है। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? तो इस टाइप की लीजेस को एक्सक्लूड किया गया है, एक्सक्लूड मतलब ऑप्शनली एग्जम्पशन दिया गया है, कि ये दोनों लीजेस को चाहो तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इनका बाहर रख सकते हो, मतलब इनके लिए रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग का इंडियस 116 मत देखना। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सर अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बाहर रखा गया, मतलब हम 116 अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इनके ऊपर फिर फॉलो क्या होगा? जब भी पे करोगे पेंडल में डालोगे, दैट्स इट। जब भी पे करोगे तो पेंड, मतलब इट इज एज गुड एज लाइक पुराना वाला ऑपरेटिंग लीज, हम पे करते थे रेंट को और पेंडल में डालते थे, तो
इनको अगर तुम अपना 116 नहीं लगाते हो तो जितना भी तुम लीज पेमेंट करते हो, लीज पेमेंट जब भी तुम जितना भी पे करते हो वो तुम उसको डायरेक्टली P&L में बुक कर सकते हो। मैंने वो बोला कि अगर मेरा परेश से कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया कि 15 साल तक मुझे परेश अपना ग्राउंड हर 3-3 महीने में पे करता रहेगा, देता रहेगा, तो ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं है। हाँ, अभी और हम डिस्कस करेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें हैं। तो दो टाइप की लीजेस पर एग्जम्पशन दी गई है। कौन सी दो टाइप की लीजेस? शॉर्ट टर्म लीजेस, जहाँ पर जनरली टर्म क्या हो 12 महीने से कम हो, और दूसरा लो वैल्यू लीजेस। एग्जैक्टली, मैंडेटरी नहीं है, मतलब इंडिया 116 चाहो तो ना भी फॉलो करो, चाहो तो फॉलो करो। आई बात समझ में? शॉर्ट टर्म लीजेस और लीजेस फॉर विच अंडरलाइंग असेट इज ऑफ लो वैल्यू। इफ लेसी, हाँ अब इस पे आए, इफ लेसी इलेक्ट्स टू अप्लाई द अबव रिकॉग्निशन एग्जम्पशन, अगर लेसी एग्जम्पशन लेता है, द लेसी शैल रिकॉग्नाइज द लीज पेमेंट एसोसिएटेड विद दोज लीजेस एज एन एक्सपेंस। वो डायरेक्टली उसको क्या मानेगा? अगर वो 116 फॉलो नहीं करता है, पर लीज पे तो लिया है ना, तो जो लीज पेमेंट पे कर रहा है उसको क्या करेगा? उसको डायरेक्टली एक्सपेंस मानेगा, मतलब उसको राइट एज अ असेट नहीं मानेगा, राइट टू यूज द असेट नहीं मानेगा, एक्सपेंस मानेगा, ईदर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द लीज टर्म और अनदर सिस्टमेटिक बेसिस इफ दैट बेसिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव। वो लीज पेमेंट को हर साल बुक करता जाएगा P&L में। आई बात समझ में कि नहीं? अरे हर साल मींस आप ये समझो कि भाई लो वैल्यू लीज हुई तो हो सकता है वो 4 साल के लिए लो, लो वैल्यू हुई तो हो सकता है 4 साल के लिए, शॉर्ट टर्म हुई तो फिर ठीक है 11 महीने 12 महीने के लिए, तो जो हर महीने का जो किराया दे रहा हर महीने 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 फिर आप उसको पेंटल में डालते जाओगे। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? लो वैल्यू में अगर 10 साल के भी मैंने लीज पे ले लिया तो भी हो सकता है मैं कवर ना करूं 116। डेप्रिशिएट किसको कर रहा हूं मैं? नहीं, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, इट इज नॉट लाइक दैट। मैं वापस से पहले बोल देता हूं, फिर मैं ट्रीटमेंट बताता हूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी लीजेस जो लो वैल्यू लीजेस हैं या शॉर्ट टर्म लीजेस हैं उसके ऊपर 116 अगर अप्लाई नहीं करते हो, पर लीजेस तो हैं, इसका मतलब आपको पेमेंट तो करना पड़ता होगा, बोलो पेमेंट तो करना होता है ना, तो जो आप पेमेंट कर रहे हो उस पेमेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा? उस पेमेंट को हर साल एक्सपेंस मानो। कैसे एक्सपेंस मानो? प्लीज गिव मी सम टाइम। मान लीजिए लो वैल्यू लीज है, कौन सी लीज है? लो वैल्यू लीज है, और मैंने ऑप्ट किया कि मैं 116 फॉलो नहीं करूंगा, और मान लो ये लो वैल्यू लीज है 3 साल की। ये थोड़ी बोला गया कि लो वैल्यू में भी शॉर्ट टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म को अलग रखा गया और लो वैल्यू को अलग रखा गया, ये नहीं बोला गया कि लो वैल्यू भी हो प्लस शॉर्ट टर्म भी हो, बीच में और लगाया गया है भाई, बीच में आप और लगा सकते हो, या तो शॉर्ट टर्म लीज है या तो लो वैल्यू लीज है। बात समझ में आई कि नहीं? तो लो वैल्यू लीज है और 3 साल के लिए मैंने लीज पर लिया है, पहले साल का किराया डिसाइड हुआ, फर्स्ट ईयर का मेरा किराया डिसाइड हुआ, सपोज लो वैल्यू लीज है तो मेरा फर्स्ट ईयर का किराया डिसाइड हुआ सपोज 5,500 रुपए, कितना? अब लो वैल्यू लीजिए तो किराया भी तो छोटा मोटा ही होगा ना, किराया थोड़ी 2-4-5 लाख रुपए होगा, ठीक है मैं साइज ऑफ एंटिटी के साथ चल रहा हूं, पर एक ऐसी कोई कंपनी रिलायंस जियो, रिलायंस टाटा बिरला, इनके लिए भी तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख भी तो लो वैल्यूज हो सकते हैं। अब लो वैल्यू किसने बोला कि सिर्फ हजारों में हो सकती है? लो वैल्यू तो डिपेंड करता है एंटिटी के जजमेंट पे कि वो कितना पॉइंट कितने अमाउंट का लो वैल्यू मान रहा है कि नहीं मान रहा है। फिलहाल मैं मान रहा हूं कि पहले साल का लीज पेमेंट मुझे पे करना पड़ेगा, डिसाइड हो गया है कि मैं आपको फर्स्ट ईयर पे करूंगा 5,500, मैं सेकेंड ईयर आपको पे करूंगा 6,000 और मैं थर्ड ईयर पे करूंगा आपको 6,500। आया समझ में कि नहीं? टेल मी, इंडियस कहता है कि अगर तुम इंडियस 116 फॉलो नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो तीनों को ऐड करो कितना हो रहा है? 18,000। तीनों को ऐड करो कितना हो रहा है? 18,000। 18,000 डिवाइड बाई 3, हर साल 6,000 का एक्सपेंस बुक करो, लीज रेंट एक्सपेंस बुक करो। कैसे? रुक जाइए, अभी भी मुझसे डाउट मत पूछिएगा। हर साल 6,000 का एक्सपेंस बुक करो, मतलब तुम फर्स्ट ईयर को क्या एंट्री करोगे? फर्स्ट ईयर में एंट्री करोगे लीज रेंट एक्सपेंस टू लेसर, कितना?
6,000, जबकि तुमने पहले साल उसको पे कितना किया? 5,500। तो तुम एंट्री क्या करोगे? लेसर टू बैंक कितना? 5.5। बाकी तुम्हारी बुक्स में क्या दिखेगा? बाकी तुम्हारी बुक्स में लाइबिलिटी दिखेगी। अरे लेसर तुमने कितने से बुक किया है? 6 से। तुम्हें पे कितना करना चाहिए था? 6। तुमने पे कितना किया? 5.5। तो 500 रुपये का तुम्हारा लेसर में लेसर करंट करंट लाइबिलिटी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? करंट लाइबिलिटी। फिर अगले साल तुमने फिर से क्या बुक किया? लीज रेंट एक्सपेंस। अरे बोलो ना, क्या बुक किया? लीज रेंट एक्सपेंस टू लेसर। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? और सेकेंड ईयर एंट्री क्या पास करोगे? लेसर टू बैंक। इधर पेमेंट कितना करना था? 6,000। इस बार तो सच्ची में 6,000 ही करना है। अभी भी तुम्हारी बुक्स में 6,500 रुपये क्या दिखता रहेगा? एज अ लाइबिलिटी। तीसरे साल में एंट्री क्या पास करोगे? लीज रेंट एक्सपेंस टू लेसर। बोलो ना, 6,000। अरे बोलो ना यार, ठीक है। और दूसरा एंट्री क्या पास करोगे? लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पे करना था? 6,500। 6,500 पे कर दोगे तो मेरे हिसाब से तुम्हारी बुक्स में से वो 500 भी खत्म हो जाएंगे। कोई तुमने अपनी बुक्स में कोई असेट वसेट नहीं बताई, कोई राइट टू यूज नहीं बताया, तुमने बस एसएलएम बेसिस पे लीज पेमेंट को रिकॉग्नाइज किया। तो जरूरी है कि सर मैं एसएलएम पे ही करूं क्या? मेरे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता क्या? वो बोल रहा है कि जब तक तुम्हारे पास कोई दूसरा अप्रोच नहीं है सिस्टमेटिक एसएलएम से बेहतर, तब तक तुम एसएलएम ही यूज करोगे। क्यों एसएलएम? क्यों? ऐसा क्यों? अगर मैं परेश से ग्राउंड ले रहा हूं 3 साल के लिए, और मैंने परेश को बोला सर परेश मैं तेरे को 5,500 पहले पहले 3 महीने मतलब पहले साल के लिए मैं तेरे को 5,500 दूंगा, हाँ दूसरे साल के मैं तेरे को 6,000 दूंगा, और तीसरे साल के लिए 6,500 दूंगा। टेक्निकली ग्राउंड तो ग्राउंड है ना। ऐसा थोड़ी कि मैं पहले साल कम यूज करूंगा, दूसरे साल ज्यादा यूज करूंगा, तीसरे साल और ज्यादा यूज करूंगा। लीज पेमेंट कैसा है? 5,500 6,065। तो क्या मैं जब मैं 5,500 रुपये दूंगा तो मैं ग्राउंड कम यूज करूंगा क्या? और जब मैं 6,000 दूंगा तो क्या ग्राउंड क्या ज्यादा यूज करूंगा क्या? ग्राउंड तो मैं सेम लेवल पे यूज करूंगा ना, कैपेसिटी तो सेम है ना, मैं तो सेम लेवल पे बेनिफिट्स जनरेट करना चाहूंगा। तो इंडियस मानता है कि जनरली तुम जो असेट ले रहे हो बेनिफिट्स 3 साल में इक्वल लेवल पर लोगे। बेनिफिट्स तुम्हें इक्वल लेवल पे मिल रहे हैं, पेमेंट तुम अलग अलग कर रहे हो, उससे क्या मतलब है? जब तुम्हें बेनिफिट्स इक्वल लेवल पे मिल रहे हैं तो तुम्हें खर्चा भी मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्वल लेवल पे बुक करना चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल रेवेन्यू के अगेंस्ट एक्सपेंस दिखाना। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? तो इंडियस मानता है कि तुम्हें एसएलएम बेसिस पे ही बुक करना चाहिए, क्योंकि तुम हर साल कंज्यूम जो कर रहे हो बेनिफिट उस ग्राउंड से उस असेट से वो सेम लेवल पे कर रहे हो। पर अगर तुम्हें लगता है क्या लिखा है, और अनदर सिस्टमेटिक बेसिस इफ दैट बेसिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैटर्न ऑफ लेसीज बेनिफिट। अगर लेसी को लगता है कि नहीं मेरा जो बेनिफिट लेने का जो जो कंजम्पशन करने का जो बेनिफिट है, जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है वो अलग पैटर्न में मिल रहा है, मैं पहले साल सबसे ज्यादा यूज कर रहा हूं, अगले साल शायद मैं कम यूज करूंगा, उसके अगले साल मैं और कम यूज करूंगा, तो तू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लीज रेंट को बुक करेगा। तो तू और कोई भी प्रपोर्शन कर सकता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बट स्टिल आई वुड नॉट सेड सेड कि यहां पर तू राइट टू यूज असेट दिखाएगा। कुछ आई बात समझ में कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? आपको क्लियर? आपको क्लियर? सबको क्लियर है कि नहीं? तो बताइए क्या पॉइंट है, पॉइंट क्या है? दो ऐसी कौन सी लीजेस है जहां चाहे तो नहीं कर सकते, मतलब उसको नाम क्या बोला गया है? शॉर्ट टर्म लीजेस। और दूसरा लो वैल्यू। और इनमें क्या करोगे फिर? अगर नहीं अप्लाई करोगे तो क्या कर? अगर करोगे अप्लाई करोगे तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो इंडिया 7(6) अप्लाई करो। अगर नहीं फॉलो करोगे तो टोटल एक्सपेंस को क्या करोगे? एसएलएम बेसिस पर रिकॉग्नाइज करोगे, अंटिल एंड अनलेस यू हैव अनदर सिस्टमेटिक बेसिस विच इज मोर रिप्रेजेंटेटिव, विच इज बेटर, विच इज मोर अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न ऑफ टेकिंग द बेनिफिट्स। दैट बेसिस शुड बी एज पर द पैटर्न ऑफ टेकिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। अंडरस्टूड और नॉट? अदरवाइज हम ये मानेंगे कि तेरा पैटर्न जो है वो इक्वल है, तू बेनिफिट हर साल सेम सेम लेता है। पर अगर तेरे को लगता है कि तेरा बेनिफिट सेम सेम नहीं है, तेरा बेनिफिट अलग अलग टाइप से मिलता है, तो तू उस पैटर्न के अकॉर्डिंग रेशियो डिसाइड कर सकता है। सॉरी कौन से एक्सपेंस का? लीज रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। लीज रेंट एक्सपेंस आपका जनरली अदर एक्सपेंस में जाएगा, पीएनएल की अगर बात करें तो। हाँ और कोई कैटेगरी नहीं है अदर एक्सपेंस नहीं आएगा ना मैम? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन असेट का मैं दिखाई कर रहा हूं, मैं कहां दिखा रहा हूं असेट जिसको मैं डेप्रिशिएट करूं अमोर्टाइज करूं? कहां है असेट? आपको यहां पर कोई असेट दिख रही क्या? मेरे को तो असेट नहीं दिख रही। कौन सी असेट को डेप्रिशिएट करूंगा मैं? बस दैट्स इट। अभी आपको यह क्लियर हो रहा है कि मेरी बुक्स में कोई असेट नहीं है? मेरे पास असेट है पर मेरी बुक्स में कोई असेट नहीं है, क्योंकि मैंने इंडेस 116 फॉलो नहीं किया। अगर फॉलो करता तो भी मेरी बुक्स में असेट नहीं दिखती, राइट टू यूज असेट दिखती।
समझे, समझने की कोशिश करो। अब जिंदगी में कभी भी मेरी बुक्स में बिल्डिंग नहीं दिखेगी, अगर मैंने बिल्डिंग लीज पे ली है, मेरी बुक्स में क्या दिखेगी? राइट टू यूज द बिल्डिंग। अंडरस्टूड और नॉट? ऑल दो यहां पर कोई असेट नहीं है, तो कोई अमोर्टाइजेशन, कोई इंपेयरमेंट, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? शॉर्ट टर्म लीजेस, 2 मिनट पहले मैं चाह रहा हूं कि इसको पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म लीजेस और इसके बाद का लो वैल्यू लीजेस, आई एक्चुअली वॉन्ट कि 2 मिनट आप प्लीज पहले पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि हमने तो डिस्क्राइब कर लिया बट आपका पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। जो मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे, जो मुझे देख रहे हैं अपने लैपटॉप पे, तो प्लीज आप भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं। अगर आपको इसको पढ़ना चाहते हो, 116 को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, सो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस लेवल आपको लगेगा। आप पेशेंस लीज को समझें, समझने की कोशिश करें और उसी टाइम पे ये वीडियो देखें जिस टाइम पे आप अकेले बैठे हैं और आपको लिटरली पढ़ने का मन कर रहा है। जल्दबाजी में ये वीडियो मत देखिएगा। सॉरी, इसका हमारा डॉक्यूमेंट क्या रहेगा? पहला डॉक्यूमेंट लीज एग्रीमेंट। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, क्या दिक्कत आएगी? एग्जैक्टली क्या दिक्कत आएगी? हाँ, उसको तो वो जो आर्टिकल ट्रेनी है उसको तो हर चीज में दिक्कत आती है। अल्टीमेटली उसको तो फोन लगाना पड़ता है अपने बॉस को। वैसे भी नहीं, ऑब्वियसली वो तो फिर गाइडलाइंस लेगा अपने बॉस से, ऑब्वियसली वो तो गाइडलाइंस लेगा अपने सीनियर से। इंडिया 17 में ऑपरेटिंग लीज में यही ट्रीटमेंट था, ऑपरेटिंग लीज में यही ट्रीटमेंट था, सेम सेम ट्रीटमेंट था। इंडिया 19, AS 19 में भी यही ट्रीटमेंट था, सेम ट्रीटमेंट था। प्लीज डू रीड दिस। हाँ कृपया करके पढ़ लीजिए प्लीज। जो व्यूअर्स देख रहे हैं ये वीडियो, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप नोट्स के लिए मुझे बार 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 कॉल मत करिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब में जो ये वीडियो आपको दिख रहा है उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर दीजिएगा। प्लीज मुझे नोट्स के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, मैं आपको एक भी मैसेज रिप्लाई बैक नहीं कर पाऊंगा। सो नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं।
हाँ
हाँ जी शॉर्ट टर्म लीजेस, सर शॉर्ट टर्म लीज इज अ लीज दैट एट द कमेंसमेंट डेट हैज अ लीज टर्म ऑफ 12 मंथ्स और लेस एंड डज नॉट इंक्लूड एन ऑप्शन टू परचेज द अंडरलाइंग असेट. यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डज नॉट इंक्लूड द ऑप्शन टू परचेज द असेट. अब मान लो मैंने आपको लीज पे असेट दिया और मैंने आपको एक ऑप्शन भी दे दिया कि ये लीज खत्म होने के बाद तुम चाहो तो ये असेट मुझसे परचेज कर सकते हो, एंड इट इज सर्टेन कि तुम परचेज कर पाओगे. इसका मतलब सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स तो तुम्हारे पास वैसे भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये एक्चुअल सेंस में शॉर्ट टर्म लीज नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लीज है. मतलब इसमें तो मैक्सिमम राइट्स तुम्हें ट्रांसफर हो रहे हैं. बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर राइट दिया जा रहा है तुम्हें कि तुम आगे चल के ऑप्ट कर सकते हो परचेज करने का, तो ये शॉर्ट टर्म लीज फिर नहीं होगी. कंडीशंस, दिस एग्जम्पशन शैल बी अप्लाइड टू द इंटायर क्लास ऑफ अंडरलाइंग असेट्स ऑन विच लेसी हैज राइट टू यूज. अब शॉर्ट टर्म लीज, तुमने डिफरेंट टाइप ऑफ असेट्स की शॉर्ट टर्म लीज ली है. अब ऐसा नहीं करोगे कि तुम एक असेट के ऊपर तुम शॉर्ट टर्म लीज मानते हुए इंड एस 116 फॉलो नहीं कर रहे हो और एक असेट के ऊपर तुम इंड एस 116 फॉलो कर रहे हो. अगर तुम इंड एस 116 फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम्हें इंटायर क्लास ऑफ शॉर्ट टर्म लीज को एक्सक्लूड करना पड़ेगा इंड एस 116 से. कुछ आया समझ में? जैसे मैंने फर्नीचर लिया 3 महीने के लिए, मैंने लैपटॉप लिया 3 महीने के लिए, अलग 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 व्यक्ति से लिया, मैंने अलग व्यक्ति से लिया पर दोनों तीन तीन महीने के लिए लिया. अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं लैपटॉप को इंड एस 116 के अंदर रखूं और फर्नीचर को इंड एस 116 का एग्जम्पशन दे दूं. अगर मैं एग्जम्पशन देना चाहता हूं तो मुझे इंटायर क्लास ऑफ शॉर्ट टर्म लीज को एग्जम्पशन देना पड़ेगा. फिर मेरी शॉर्ट टर्म लीजेस के एग्रीमेंट अलग अलग व्यक्तियों से 10-15 एग्रीमेंट हो चुके हैं, सबको मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा. आई बात समझ में? लेसी हैज टू मेक अ पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज द लीज पेमेंट इन रिलेशन टू शॉर्ट टर्म लीजेस, इट मे बी एसएलएम और एनी अदर सिस्टमेटिक बेसिस, एंड अप्लाई दिस पॉलिसी फॉर ऑल द फ्यूचर शॉर्ट टर्म लीजेस. और ये पॉलिसी उसको एसएलएम की सारी शॉर्ट टर्म लीजेस पे अप्लाई करनी पड़ेगी. मैम देखिए ना, सिंपल सी बात है. वैसे भी हम अभी किस पे फोकस करके चल रहे हैं, लेसी पे कि लेसर पे? पहले लेसी पे. तो लेसी अगर स्टूडेंट है तो वो इंडिया 116 तो फॉलो करेगा ही नहीं. लेसी अगर स्टूडेंट है तो इंडिया 116 तो फॉलो करेगा ही नहीं. वैसे भी वो तो पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, तो पर्सनल. हाँ, आपकी बात को मैं वैसे ही और मतलब बटर लगा के बता रहा हूं कि वैसे भी इंडिया 116 फॉलो नहीं करेगा, तो पर्सनल लीजेस तो वैसे भी बाहर हो गई. जो आप बोल रहे हो क्यों बाहर हो गई? क्योंकि स्टूडेंट कैन नेवर अप्लाई इंडियस. मतलब ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? कमर्शियल एंटिटीज के लिए, कमर्शियल एंटिटीज के लिए. रिन्यूअल ऑप्शन, इफ द ऑप्शन ऑफ रिन्यूअल ऑफ टर्म बियॉन्ड 12 मंथ इज अवेलेबल एट द कमेंसमेंट डेट, हाँ सच ऑप्शन इज रीजनेबली सर्टेन नॉट अ शॉर्ट टर्म लीज. अब पहले से ही बोल दिया गया कि 8 महीने की लीज है, शुरू में ही बोल दिया गया 8 महीने की लीज है, पर तू इसको आगे चल के रिन्यू कर सकता है. और ये पहले दिन ही मैंने बोल दिया और पहले दिन ही लेसी को पता है कि मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, तो ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं है. ऑप्शन इज नॉट रीजनेबली सर्टेन शॉर्ट टर्म लीज. आई डोंट आई आई बात समझ में कि नहीं? मतलब शॉर्ट टर्म लीज मानना अपने आप में भी पहले एक क्वेश्चन है कि मतलब शॉर्ट टर्म लीज में क्या क्या आ सकता है कि नहीं आ सकता है. क्या होगी शॉर्ट टर्म लीज? सिर्फ टर्म देखेंगे? नहीं, अब सिर्फ टर्म नहीं देखना है. टर्म ऑफ लेस देन 12 मंथ इंक्लूडिंग नॉट, इट शुड नॉट बी, इट शुड नॉट कवर एनी काइंड ऑफ ऑप्शन टू परचेज द असेट. इट शुड नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ रिन्यूअल ऑप्शन ऑल्सो. इफ देयर इज एन ऑप्शन टू परचेज द असेट, इफ दैट ऑप्शन इज गिवन एंड इट इज रीजनेबली सर्टेन, यू कैन नॉट ट्रीट दैट लीज इज ए शॉर्ट टर्म. अंडरस्टूड और नॉट? तो शॉर्ट टर्म होने की कंडीशन क्या क्या की अपन ने? शॉर्ट टर्म लीज, हाँ कंडीशन क्या क्या है? शुड बी लेस देन 12 मंथ्स, शुड नॉट कवर ऑप्शन टू परचेज, और
हाँ वही हो गया। हाँ उसमें मैं जानबूझ के, उसको जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो मेजर पॉइंट तो परचेज का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, फिर रीजनेबल सर्टेनिटी तो वैसे ही कवर हो जाएगा उसमें। और रीजनेबली सर्टेन दैट नॉट विल बी, विल नॉट बी रिन्यूड। विल नॉट बी रिन्यूड, ये क्या है? कंडीशंस, तभी अपन शॉर्ट टर्म लीज मानेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? आगे बढ़ सकते हैं। लीजेस ऑफ अ लो वैल्यू असेट, लो वैल्यू लीजेस जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, जिसमें असेट की वैल्यू लो है। इंडिविजुअल असेट हैविंग लो वैल्यू कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ इंड एस 116। हाउएवर इंड एस 116 डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन द लीजेस ऑफ लो वैल्यू असेट, उसमें ये नहीं बताया गया लो वैल्यू मतलब क्या। दिस एग्जम्पशन, द एग्जम्पशन फॉर द लीजेस ऑफ लो वैल्यू आइटम्स इंटेंड्स टू कैप्चर लीजेस दैट आर हाई इन वॉल्यूम बट लो इन वैल्यू। एग्जाम्पल, लीजेस ऑफ स्मॉल आईटी इक्विपमेंट्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, सिंपल प्रिंटर्स, लीजेस ऑफ ऑफिस फर्नीचर एक्सेट्रा। इंड एस 116 इज साइलेंट ऑन एनी थ्रेश होल्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू फॉर क्लासिफाइंग एनी असेट एज लो वैल्यू असेट। मतलब यहां पर किसी, इंड एस 116 ने वैल्यू डिटरमाइन नहीं की है। वैल्यू डिटरमाइन करने का काम किसका है? मैनेजमेंट का। ऑब्वियसली मैनेजमेंट का काम है कि ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लो वैल्यू होगा चाहे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कंपनीज लाइक बिग एमएनसीज, अगर वो छोटे मोटे लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, आईटी इक्विपमेंट्स वगैरह, फर्नीचर वगैरह अगर लीज पर लेती हैं, जिनकी वैल्यूज उनके, कंसीडरिंग उनकी नेटवर्थ, कंसीडरिंग उनके रेवेन्यू, कंसीडरिंग उनके अदर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस बहुत ही एक छोटा सा एक्सपेंस है, माइन्यूट सा एक्सपेंस है, तो वो क्या बोलेंगे? वो उसको लो वैल्यू मान सकते हैं। अब वो वैल्यू उनके लिए हो सकता है 2-4 लाख रुपए भी लो वैल्यू हो, किसी कंपनी के लिए 2-4 लाख रुपए लो वैल्यू हो भी सकता है, किसी कंपनी के लिए 2-4 लाख रुपए लो वैल्यू नहीं भी हो सकता है। बट हम यहां पर भूले ना, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंड एस किसके ऊपर अप्लाई होता है? लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। बात समझ में आ रही कि नहीं? नाउ लिस्टेड कंपनी कौन होती है? जनरली बिग एमएनसीज है ना। अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर जिनकी नेटवर्थ मिनिमम 250 करोड़ से ऊपर है, हम 250 करोड़ की अगर नेटवर्थ लेके बैठे हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर टर्न ओवर, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर कंसिडरिंग देयर अदर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, अगर ये लीज पेमेंट बहुत ही छोटा सा है, तो उसको वो लीज, लो वैल्यू लीज मान सकते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार ये हमारे लिए 2 लाख रुपए भी बड़ा है, तो वो फिर उनके हिसाब से फिर इंड एस 116 फॉलो करें। मतलब सीधी बात है, यहां पर मैं कह सकता हूं कि उनके पास एक बचने का एरिया है 116 से, अपने बेसिस पे डिस्क्लोजर देके भागने का एरिया है, मतलब निकलने का एरिया है कि भैया हम तो, हमारे हिसाब से तो ये लो वैल्यूज है, हम तो फॉलो नहीं करेंगे। और ये चीज क्यों होती है? क्योंकि जब इंड एस 116 पहली बार फॉलो हो रहा है ना इस साल में, तो इसी साल में कंपनीज के सीएफओस को, अकाउंटेंट्स को टेंशन होने लगता है, यार साला क्या इतनी सारी लीजेस, यार इतनी सारी असेट हमने इक्विपमेंट्स लीजेस पे लिए हुए हैं, एक काम करो एग्जेम्पशन को यूज करते हैं, भगो यहां से। अब बड़ी बड़ी असेट्स, 2-4 जो मेन मेन असेट्स हैं उनको बस 116 फॉलो करेंगे। अगर छोटी मोटी पे फॉलो करना शुरू किया तो वो प्रेजेंट वैल्यू का चक्कर, समझ में आ रही कि नहीं? प्रेजेंट वैल्यू, राइट टू यूज असेट वगैरह दिखाना, वो कौन करेगा? छोड़ो यार इसको ना, एग्जेम्पशन ले लेते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? एज अ कंसल्टेंट वी ऑल्सो कैन सजेस्ट कि क्या तू टेंशन ले रहा है, हटा इसको, लो वैल्यू मान ले, हम तेरे को डिस्क्लोजर बना के देंगे कि कैसे इसको डिस्क्लोज करना है लो वैल्यू में। बात समझ में आई कि नहीं? सो ये सब चीजें, हाँ एक बार कर लिया तो वो तो फिर उसके हिसाब से आपको हमेशा चलाना पड़ेगा, दिक्कत क्या है? बल्कि एंटिटीज के लिए सही चीज है। अगर एंटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी टेंशन कम हो गई ना भाई, उनकी टेंशन कम हो गई ये सब अकाउंटिंग लगाने से। क्यों आप ऐसा बोल रहे हो सर? क्योंकि आगे अभी आपको मालूम पड़ेगा कि अकाउंटिंग किस टाइप की है। अभी आप देखो तो सही, क्या मालूम पड़ेगा? अभी तक तो चलो ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, अभी बीच में थोड़ा सा कंटेंट ऐसा आएगा जो आपको बहुत ही बोरिंग सा लगेगा, बहुत ही बोरिंग सा कंटेंट लगेगा, बट वी हैव टू मैनेज।
इंडिविजुअल असेट्स हैविंग लो वैल्यू कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंडिया 7(6) ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. पहला, सच असेट कैन प्रोवाइड बेनिफिट टू लेसी ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज विच आर रेडिली अवेलेबल. सच असेट इज नॉट हाईली डिपेंडेंट ऑन हाईली इंटर और हाईली इंटररिलेटेड विद अदर असेट्स. और है वो ऑन नहीं है, मतलब सीधी बात है, वो जो लो वैल्यू असेट है ना वो इंडिपेंडेंट असेट होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट असेट होनी चाहिए. मतलब वो ऐसा नहीं कि आपने किसी मशीन के साथ आपने कुछ इक्विपमेंट्स लिए हैं लीज पे और वो इक्विपमेंट्स उन मशीन के साथ ही यूज हो सकते हैं, तो आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि मशीन लो वैल्यू लीज नहीं है और जो छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हैं जो मशीन के साथ ही यूज हो सकते हैं वो मेरे लो वैल्यू लीज है. भैया जो छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट मशीन, वो ऑन इट्स ओन यूज नहीं हो सकते. आई बात समझ में कि नहीं? तो लो वैल्यू असेट लीजेस तभी एग्जेम्प्टेड होंगी जब वो जो असेट है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल असेट है दैट कैन गिव यू सेपरेट बेनिफिट्स, दैट कैन गिव यू सेपरेट बेनिफिट्स. इट इज नॉट डिपेंडेंट, हाईली डिपेंडेंट और हाईली इंटर रिलेटेड विद अदर असेट. बात समझ में आ रही कि नहीं? पर्सनल कंप्यूटर्स, स्मॉल आइटम्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर, टैबलेट्स, व्हेन अ न्यू असेट इज टिपिकली नॉट ऑफ अ लो वैल्यू then this exemption will not be applied. Example, lease of a cars would not qualify because new car would typically not of a low value. Generally, ये माना जाता है कि car की value को low value थोड़ी मानेंगे आप. अगर आप lease, car lease पे लेते हो, जो generally बड़े-बड़े corporates करते रहते हैं, बड़े-बड़े corporates क्या करते हैं? वो बोलते हैं यार हमें cars चाहिए, अब हम इतनी cars में investment करें, बेहतर है कि हम cars का lease contract कर लेते हैं किसी बाहर के parties से. तो वो एक कार नहीं, वो हो सकता है एक कार, हो सकता है चार कार, हो सकता है 40 कार का उनका लीज एग्रीमेंट हो, तो वो उसको लो वैल्यू लीज नहीं बोल सकते. तो इनिशियली अगर असेट की वैल्यू अच्छी खासी है तो आप उसको लो वैल्यू लीज तो बोल ही नहीं सकते हो. सबलेटिंग ऑफ लीज असेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया. इफ अ लेसी सबलेट एन असेट और एक्सपेक्ट टू सबलीज एन असेट, द हेड लीज, हेड लीज मतलब ओरिजिनल लीज. सबलेटिंग सबलेटिंग मतलब क्या होता है? ए ने बी को लीज पर दिया, बी ने सी को लीज पर दिया. तो जो ए ने बी को लीज पर दिया इसको बोलते हैं हेड लीज, और जो बी ने सी को दिया उसको बोलते हैं सब लीज. क्या बोलते हैं? सब लीज. एक होती है हेड लीज मतलब ओरिजिनल लीज, एक होती है सब लीज. तो अगर लेसी मतलब बी, यहां पर बात चल रही है बीच वाले पार्टी की, यहां पर बात चल रही है बीच वाले पार्टी की, बी की. इफ लेसी सब लीज इज एन असेट और एक्सपेक्ट टू सब लीज एन असेट, the head lease does not qualify a lease of a low value asset, that is an intermediate lesser matlab b who subleases or expect to sublease an asset cannot account for the head lease as a lease of low value asset. lease of low value asset aap tabhi bhi follow nahi kar sakte agar aap asset lease par leke lease ko dete ho, to fir aap ye wali lease contract ko Ind AS 116 mein aapko cover karna hi padega. fir low value ho chahe kuch bhi ho, aap head lease ko Ind AS 116 mein hi cover karoge. sir kyon? क्योंकि सब लीज के ऊपर स्पेसिफिकली इंडियस 116 ने अलग से ट्रीटमेंट बताया है. तो एक एक्सेप्शन क्या आ गया? सब लीसेस ऑफ इवन अ लो वैल्यू असेट इज नॉट टू बी कवर्ड अंडर एग्जम्पशन, इज नॉट कवर्ड अंडर एग्जम्पशन. तो लो वैल्यू असेट लीज है और उसमें सब लीज इन्वॉल्व नहीं है तो वह एग्जम्पशन में आ सकती है. लो वैल्यू असेट लीज है और उसमें सब लीज इन्वॉल्व है, मतलब वो लो वैल्यू असेट लीज जो हेड लीज होगी ओरिजिनल, उसको आप Ind AS 116 के अंदर ही रखोगे, आप उसको Ind AS 116 के बाहर नहीं कर सकते हो. है? तो वो तो अल्टीमेटली फिर पूरा का सी, अच्छा आप सी का पूछ रहे हो, किसका पूछ रहे हो आप? इसका ना, बी को तो अब ओरिजिनली 116 फॉलो करना पड़ेगा. हाँ गलती कर दी, ठीक है गलती कर दी सी को देकर. हाँ हाँ लो वैल्यू लीज है पर क्योंकि सब लीज कर दिया तो अब उसको 116 फॉलो करना पड़ेगा. मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सी, दैट इज व्हाट अबाउट सब लीज, ट्रीटमेंट ऑफ सब लीज फॉर सी? इट कैन, ही कैन, यस यस यस, सी कैन टेक एग्जम्पशन ऑफ 116, सी कैन टेक एग्जम्पशन बट वी कैन नॉट. सी कैन टेक बट वी कैन नॉट. अंडरस्टूड और नॉट? बी can not take exemption. हाँ, B cannot take exemption.
सी कैन टेक एग्जेम्पशन ऑफ लो वैल्यू लीज। बी अपनी बुक्स में लेसर बन जाएगा और बी अपनी बुक्स में जो भी बनेगा वो आगे का आपको मालूम पड़ेगा, सब लीज का एक बी अपनी बुक्स में एक तरफ से लेसी होगा और दूसरी तरफ से लेसर होगा, तो जब एक तरफ से लेसी होगा तो वो राइट टू यूज एसेट दिखाएगा और दूसरी तरफ से जब लेसर होगा तो वो लेसर की अकाउंटिंग भी फॉलो करेगा। तो आप सर ये बोलना चाहते हो कि बी अब दो दो अकाउंटिंग फॉलो करेगा, सब लीज के रिगार्डिंग क्या अकाउंटिंग है वो आपको आगे मचल के मालूम पड़ेगा, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए स्पेशली 2 घंटे लगेंगे। एक अलग ही सब लीज एक अलग ही किस्सा बन गया है, पार्ट बन गया है। यही तो एक इम्पॉर्टेंट है, एक सेकंड में आपको 2 मिनट आपको एक झलक दिखला देता हूँ कि वो आपको कहाँ दिखेगा, मैं आपको बता देता हूँ, आपको वो बहुत आगे दिखेगा, अगर आपको मेरे से पहले दिख जाए तो मुझे बताना। निशन एक सेकंड, फाइनेंस लीज वो बहुत आगे दिखेगा, पार्ट 6 सब लीज अलग से ही मैंने पार्ट 6 दिया है, सब लीज इंटरमीडिएट लेसर, हेड लीज, सब लीज, इंटरमीडिएट लेसर, ये सब पूरा अलग है। हाँ ठीक है, नहीं प्लीज वो लगे नहीं नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट नहीं समझाया, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट की बात चल रही है, नहीं समझ में आएगा आपको और ना ही मैं इतना अभी इनिशियली समझा पाऊंगा क्योंकि मुझे उसको समझाने के लिए पहले आपको पूरा बाइफर्केट करके देना पड़ेगा, ठीक है ना, करना तो अभी है वैसे भी, मतलब करना तो है ही सही अभी, अब तो थोड़ा सा बस पेशेंस। हाँ एनीवेज पार्ट वन इज ओवर। क्या था पार्ट वन में? सबसे पहले पार्ट वन में हमने देखा एप्लीकेबिलिटी, कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल है, ठीक है सर, 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल है। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सारे प्रकार की लीज कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल है, सिर्फ 5 प्रकार के लीजेस बिल्कुल भी कवर नहीं है। कौन कौन से? एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, बायोलॉजिकल एसेट का यूज, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स, लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और मोशन पिक्चर फिल्म्स और वीडियो रिकॉर्डिंग के लाइसेंस राइट्स, इन 5 पे। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर एग्जम्पशन दिया गया है, लेसी चाहे तो ऑप्ट करे IND AS 116 से बाहर निकल जाए उन चीज़ों पर, या तो वहीं पर रहे। कौन सी 2 चीज़ें? शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू। शॉर्ट टर्म लीज का एग्जम्पशन यूज करने के लिए 3 कंडीशन है, एक तो टर्म शुड नॉट बी मोर देन 12 मंथ्स, दूसरा देर शुड नॉट बी एनी ऑप्शन टू परचेस, और अगर रिन्यू का ऑप्शन है दैट शुड बी रीजनेबली सर्टेन दैट लेसी विल नॉट एक्सरसाइज, तो ही वो शॉर्ट टर्म लीजेस को IND AS 116 के बाहर कर सकता है। और दूसरा लो वैल्यू लीज, ये लो वैल्यू लीज क्या है? जहां पर वैल्यू बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू द साइज एंड साइज ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है, तो वैल्यू बहुत ही कम है। लो वैल्यू लीज का भी एडवांटेज कब ले सकते हैं? जब सब लीज ना हो, जब सब लीज ना हो तो हम लो वैल्यू लीज का एग्जम्पशन का एडवांटेज उठा सकते हैं। पर अगर मैंने इंटरमीडिएट लेसर ने, इंटरमीडिएट लेसर मतलब लेसी जो लेसर बन गया, ने अगर सब लीज पे दे दिया तो वो व्यक्ति 116 का एग्जम्पशन का एडवांटेज फॉलो नहीं कर सकता, एडवांटेज नहीं ले सकता, तो उसको 116 लगाना पड़ेगा। पर जो फाइनल लेसी है, फाइनल लेसी वो ले सकता है चाहे तो। आई बात समझ में कि नहीं? सो पार्ट वन इज ओवर। नाउ पार्ट टू, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आगे के पार्ट्स के कौन कौन से नाम है। पार्ट टू में डेफिनेशंस कवर है, हम डेफिनेशन अभी पढ़ नहीं रहे हैं, क्या क्या पार्ट टू में कवर है। पार्ट टू में डेफिनेशन क्या कवर है कि भाई लीज क्या होती है। मैंने अभी अभी अपन ने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि IND AS 116 में 2 बड़े चेंजेस हुए हैं, एक तो लेसी की अकाउंटिंग और दूसरा लीज की डेफिनेशन, लीज की डेफिनेशन। तो लीज की डेफिनेशन यहां पर है, इंसेप्शन और कमेंसमेंट ऑफ लीज क्या होता है, ये पहले भी था IND AS 17 में,
कि इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, राइट टू कंट्रोल, ये एक नई चीज आई है, ये पहले लीज में नहीं था डिफाइंड कि राइट टू कंट्रोल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा आगे चल के हो सकता है माइट भी आपको हल्का सा एक बोरिंग टाइप का फील दे, हल्का सा, क्योंकि राइट टू कंट्रोल पे अपने आप में एक डिस्कशन, बहुत बड़ा डिस्कशन इसमें हो सकता है, मतलब 40-45 मिनट्स का डिस्कशन भी हो सकता है अगर अपन ने डिस्कशन करना शुरू किया तो। एक्चुअली आइडेंटिफाइड असेट, आइडेंटिफाइड असेट मतलब जिस, यहां पर असेट की बात चल रही है कि जिस असेट को आपने लीज पर लिया है उसको ये लोग आइडेंटिफाइड असेट के नाम से बुला रहे हैं। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। पीरियड, पीरियड के बारे में बताया गया कि लीज पीरियड क्या होता है, उसमें क्या टर्म लीज टर्म में कवर होगा, क्या टर्म नहीं कवर होगा वगैरह वगैरह, कैंसिलेबल लीज, नॉन कैंसिलेबल लीज वगैरह वगैरह, बहुत सारी डेफिनेशन है। मतलब इतना पार्ट भी अगर आज के लेक्चर में अपना हो जाए, जो कि नहीं होगा मुझे पता है, मुझे लगता नहीं है कि इतना पार्ट भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर अपन आज के लेक्चर में पार्ट 2 तक भी कवर कर लें तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पार्ट 3 से एक्चुअली आपका इंटरेस्टिंग चीज शुरू होना शुरू हो जाएगी। पार्ट 3 से मेरी गारंटी है कि मैं आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होने दूंगा। बट पार्ट 2 में मैं बोलना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा प्लीज हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस। पार्ट 2 में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लगेगा कि अरे यार थोड़ा वेग जा रहा है, ऐसा लग सकता है कि यार यार बहुत वेग जा रहा है यार ये तो, बट यू हैव टू कीप पेशेंस बिकॉज पार्ट 3 इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है पार्ट 3, और पार्ट 3 पे ही क्वेश्चन बनेगा, गारंटीड है पार्ट 3 पे ही क्वेश्चन बनेगा। पार्ट 2 जितना उन्होंने, अरे बाप रे, मतलब पार्ट 2 में जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में उन्होंने पार्ट 2 को जो दिया है, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में पार्ट 1 2 3 करके नहीं है, पर पार्ट 2 की जितनी बातें उन्होंने मॉड्यूल 1 में कवर की है, इतनी सारी कवर की है, आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, आपको बोरियत हो जाए, फील होने लगेगी अरे क्या पढ़ रहा हूँ। पर आई हैव ट्राइड कि मैं थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बना पाऊं, कुछ बातें मैंने इसमें डाली हैं। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब जो डेफिनेशन है वो मतलब डेफिनेशन है, अपने को वो डेफिनेशन को एक बार रीड तो करके ही डिस्कस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द डेफिनेशंस। व्हाट इज लीज, लीज को हम डिफाइन कर रहे हैं अभी। अब लीज के ही डेफिनेशन में देखना सारी बातें आएंगी जो हम अलग अलग से डिफाइन करेंगे। देखो आपको राइट टू कंट्रोल दिख रहा है, उसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। आइडेंटिफाइड एसेट दिख रहा है, पीरियड दिख रहा है, ठीक है, ये सबको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा कि ये सब क्या है। एट इंसेप्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, 1 सेकेंड, एक और इंपॉर्टेंट बात, लीज की डेफिनेशन अभी मत पढ़ो, पहले दो चीजों को इंपॉर्टेंटली डिफाइन कर दो, इंसेप्शन क्या होता है और कमेंसमेंट क्या होता है। अगर बेसिकली देखा, अगर अगर लेमेन अगर बात करें लेमेन लैंग्वेज में, तो इंसेप्शन और कमेंसमेंट में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। इंसेप्शन मतलब बिगनिंग, कमेंसमेंट भी कहीं ना कहीं बिगनिंग, पर दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इंडियस 17 ने भी फर्क किया था और इंडियस 116 भी कहता है कि इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या इंसेप्शन मतलब, क्या इंसेप्शन ऑफ लीज मतलब वो डेट जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ है, जिस डेट पे क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है दो पार्टीज के बीच में कि चलो मैं आपको लीज पे दूंगा, आपने बोला ओके आप मुझे लीज पे देना, पर मैंने आपको एक्चुअली मैं अभी तक राइट दिया नहीं है, मैंने आपको बोला कि 2 महीने बाद से आपका राइट शुरू होगा, तो जो वो 2 महीने बाद की डेट है उसको बोलेंगे कमेंसमेंट ऑफ लीज। समझ में आई बात कि नहीं? तो इंसेप्शन ऑफ लीज और कमेंसमेंट ऑफ लीज दोनों की डेट्स सेम भी हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है। दोनों के बीच में हो सकता है 15 दिन का भी गैप हो सकता है दोनों के बीच में दो दो तीन तीन महीने का भी गैप हो। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? इंसेप्शन ऑफ लीज, लेट्स रीड दिस। द इंसेप्शन ऑफ लीज इज द अर्लियर ऑफ, दोनों में से जो इवेंट पहले आ गया, द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, और द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज टू द प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफ लीज, जिस दिन एग्रीमेंट, लिखित एग्रीमेंट करवा दिया, या तो फिर एग्रीमेंट नहीं भी किया, कमिटमेंट हो गया कि भाई मैं तेरे को लीज पे दूंगा डोंट वरी, और एग्रीमेंट करवाया 4 दिन बाद, तो कौन सी डेट इंसेप्शन होगी, जो कमिटमेंट वाली डेट है, और जनरली कमिटमेंट पहले हो ही जाता है, एग्रीमेंट तो होने में टाइम लगता है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो अर्लियर ऑफ क्या लिखा है, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज और डेट ऑफ कमिटमेंट बिटवीन द पार्टीज बाय बाय लेसर और टू लेसी। अंडरस्टूड और नॉट? रिगार्डिंग द प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफ लीज, अंडरस्टूड और नॉट? अर्लियर ऑफ फॉलोइंग, इन शॉर्ट अगर बात करें सिंपली, इंसेप्शन ऑफ लीज मीन्स द डेट ऑफ कमिटमेंट, डेट ऑफ कमिटमेंट और डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट, आप कुछ भी बोलो बस कुल मिला के जो एग्री जिस दिन पे डेट पे हुए। समझ में आई बात कि नहीं? बट नाउ रीड द कमेंसमेंट ऑफ लीज, रीड द कमेंसमेंट ऑफ लीज। कमेंसमेंट ऑफ लीज इज द डेट ऑन विच अ लेसर मेक्स एन अंडरलाइंग असेट अवेलेबल फॉर यूज।
बाय अ लेसी, जिस दिन से लेसर लेसी के लिए उस असेट के राइट्स अवेलेबल करवा रहा है, मैंने तेरे को बोला कि तू अगले महीने की 1 तारीख से ये गाड़ी यूज करना शुरू कर, तो मैंने तेरे के लिए इस गाड़ी के यूज करने के राइट्स अवेलेबल तेरे को कब से करवा रहा हूं? अभी से क्या? अभी तू टच भी मत करना। तेरे को कब से करवा रहा हूं? अगले महीने की 1 तारीख से। तो अगले महीने की 1 तारीख को क्या बोलूंगा? कमेंसमेंट ऑफ लीज। क्या बोलूंगा? मतलब इसको क्या बोलोगे? कमेंसमेंट। फिर से बोलो क्या होना चाहिए कमेंसमेंट, बिना देखे क्या होना चाहिए कमेंसमेंट? जिस दिन से एक्चुअली लेसी असेट यूज कर रहा है यार। इसको सिंपल लैंग्वेज में अपन यही बोलेंगे ना, जिस दिन से असेट यूज की जा रही है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? द डेट ऑन विच लेसर मेक्स एन अंडरलाइंग असेट अवेलेबल फॉर यूज बाय लेसी, जिस दिन से लेसी उस असेट के यूज करना शुरू कर सकता है। मतलब लेसी को राइट मिल गया, अब लेसी यूज करे चाहे नहीं करे, लेसी को उस दिन से राइट मिलना शुरू हो चुका है। अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि यहां पर भी फर्क है। लेसी को राइट मिलना शुरू हो चुका है और लेसी राइट्स यूज करना शुरू कर चुका है। दोनों में भी तो डेट में अंतर आ सकता है। नहीं, मैंने बोला 1 तारीख से तुम ये असेट यूज करना शुरू करोगे, एग्रीमेंट में भी लिख दिया 1 तारीख, और तुमने एक्चुअली 15 तारीख से यूज करना शुरू की। तुमने स्टार्टिंग के 15 दिन असेट को यूज किया ही नहीं, नहीं किया। यू आर बिजी, योर कंपनी वॉज बिजी इन सम प्रोजेक्ट, यू आर नॉट एबल टू यूज दैट। क्या होगी कमेंसमेंट डेट? 1 तारीख की 15 तारीख? 1 तारीख। लेसर ने तो अवेलेबल करवा लिया ना, जिस दिन आपको राइट अवेलेबल हो चुका है, जिस दिन लेसी एक्चुअली उस असेट को यूज कर रहा है वो नहीं। पर जनरली जनरली 99% केसेस में क्या होता होगा? ये डेट एक ही होती होगी, जिस दिन राइट अवेलेबल करवाया गया और जिस दिन वो यूज कर रहा है, जहां से वो यूज करना स्टार्ट कर रहा है, जनरली एक ही डेट होती होगी। बट अगर चेंज हुई तो जो जिस दिन से अवेलेबल करवाया गया राइट, उस डेट को क्या बोलते हैं? कमेंसमेंट। तो सर इन दोनों डेट्स को अलग अलग क्यों रखा गया है? अब यहां पर मुद्दा यह है कि इन दोनों डेट्स को अलग अलग क्यों रखा गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंसेप्शन को और कमेंसमेंट को अलग अलग क्यों रखा गया है? इंसेप्शन पे आपको डिसाइड करना है कि असेट की फेयर वैल्यू क्या होगी। आगे चल के असेट की फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट आएगा कि असेट फेयर वैल्यू के बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना। डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लेना है, ठीक है ना, डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लेना है, लीज मानना है कि नहीं मानना है, ठीक है ना। अब ऑपरेटिंग फाइनेंस का तो फंडा ही चला गया, पर लीज मानना है कि नहीं मानना है, डिस्काउंटिंग रेट कौन से डे का लेना है, फेयर वैल्यू कौन से डे की लेनी है, ये सब डेट्स रेलेवेंट हैं इंसेप्शन पर। और दूसरी कमेंसमेंट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट ऑफ लीज, कमेंसमेंट ऑफ लीज मतलब जिस दिन से लेसी जर्नल एंट्री करना शुरू करेगा, रिकॉर्डिंग करना शुरू करेगा। लेसी जर्नल एंट्री इंसेप्शन से स्टार्ट नहीं करता। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना कहां से शुरू करेगा? रिकॉर्डिंग करना, रिकॉग्निशन लीज का कब से होगा? कमेंसमेंट से। रिकॉग्निशन कब से होगा? कमेंसमेंट से। पर रिकॉग्निशन करने से पहले वैल्यूज डिटरमाइन जो होंगी वो कौन सी डेट पर होंगी? इंसेप्शन। अंडरस्टूड और नॉट? एक बार उसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। आपको इंसेप्शन और कमेंसमेंट ये दोनों क्लियर है कि नहीं? आपको इंसेप्शन और कमेंसमेंट दोनों क्लियर है कि नहीं? दोनों क्लियर है कि नहीं? टेल मी। आगे बढ़ते हैं। इंसेप्शन ऑफ लीज और कमेंसमेंट क्या लिखा है यहां पर? एज एट दिस डेट द लेसी शेल असेस इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स लीज। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें लीज है भी कि नहीं है, वो कौन सी डेट पर असेस करेगा? इंसेप्शन पे। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? कब डिसाइड किया जाएगा कि लीज है कि नहीं? इंसेप्शन पे, कमेंसमेंट पे नहीं। कब डिसाइड किया जाएगा? इंसेप्शन पे। तो इंसेप्शन डेट में बोल सकता हूं द डेट ऑफ असेसमेंट, द डेट ऑफ असेसमेंट। व्हाट असे, व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट? वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज लीज और नॉट, वेदर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, इट इज टू बी डिसाइडेड ऑन इंसेप्शन डेट। बट व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कमेंसमेंट डेट? हाँ, क्या लिखा है एक बार देखते हैं। एट दिस डेट लेसी इनिशियली रिकॉग्नाइज अ लीज लायबिलिटी एंड रिलेटेड राइट ऑफ यूज असेट। मतलब यहां से लेकर वो असेट और लायबिलिटी दिखाना शुरू करेगा, मतलब बुक जर्नल एंट्री पास करना शुरू करेगा। समझ में आया कि नहीं? लेसर भी इसी डेट से अकाउंटिंग करना शुरू करेगा। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं? लेसर और लेसी जिस दिन से अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे वो डेट कमेंसमेंट डेट होनी चाहिए। इन सिंपल टर्म्स जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट।
समझ में आया कि नहीं? अरे नहीं आया क्या? आई थिंक आपको क्लियर होगा, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट दोनों अलग अलग हो सकती हैं और दोनों डेट्स पर अलग अलग रेलेवेंस है। कमेंसमेंट डेट पर अकाउंटिंग शुरू होगी, पर अकाउंटिंग से पहले, लीज अकाउंटिंग शुरू करनी है उससे पहले पता तो होना चाहिए कि लीज है कि नहीं। वो लीज है कि नहीं वो असेसमेंट कब होगा? इंसेप्शन पे। अंडरस्टूड और नॉट? अब पढ़ते हैं लीज की डेफिनेशन, क्योंकि इसमें भी लीज के डेफिनेशन में ये वर्ड आ रहा है। देखो कहीं ना कहीं ये वर्ड है शुरू से ही। देखो व्हाट इज लीज, पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज लीज? एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंसेप्शन वर्ड आ गया, इंसेप्शन। कमेंसमेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि कमेंसमेंट से तो अकाउंटिंग होगी। डेफिनेशन डिफाइन कब किया जाएगा? इंसेप्शन पे। हाँ, तो यहां पर क्या होता है? टू डिफाइन अ लीज ऑन दैट डेट, इस डेट पर लीज को डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एन एंटिटी शेल असेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स अ लीज। फॉर दिस पर्पज अ लीज इज डिफाइंड एज। अब लीज की डेफिनेशन को मैंने तोड़ के चार पॉइंट्स में लिखा है, ये मैंने जानबूझ के तोड़ा है। लीज इज डिफाइंड एज, अब लीज क्या होती है? अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब? एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट लीज का होगा, बोलना भाई। और पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसमें तू मुझे गुड्स एंड सर्विस बेच रहा है कुछ, और कुछ पोर्शन तू मुझे लीज पे दे रहा है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कॉम्पोनेंट होते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लीज और नॉन लीज कॉम्पोनेंट होते हैं, जिसमें मैं तेरे से एक चीज लीज पर ले रहा हूं पर दूसरी चीज मैं तेरे से लीज पर नहीं ले रहा हूं, सर्विस पे ले रहा हूं। अरे माई, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बेटा। जैसे जैसे मैंने तेरे से एक सॉफ्टवेयर, हैवी सॉफ्टवेयर लीज पर लिया, सैप, SAP नाम सुना है? सैप नाम सुना है ना? SAP। मैंने तेरे से एक हैवी सॉफ्टवेयर लीज पर लिया, 15 साल की लीज पर लिया, पर मैंने साथ साथ तेरे को बोला कि मुझे इस सैप को ऑपरेट करने के लिए एक सुपरवाइजर की जरूरत है। मेरे पास वो सुपरवाइजर नहीं है एंड आई नीड दैट एम्प्लॉई, आई नीड दैट सुपरवाइजर एटलीस्ट फॉर अ 4 ईयर्स सो दैट वो मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे सके। तो मुझे उस कंपनी ने बोला कि हम आपको सैप लीज पर दे रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको 4 साल के लिए दो बंदे भी दे रहे हैं, दो बंदे दे रहे हैं, और वो दो बंदे आपको 4 साल तक सर्विस, हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं। टेल मी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? इसमें मुझे क्या मिल रहा है? इसमें मुझे सॉफ्टवेयर मिल रहा है क्या लीज पर, और मुझे सर्विस मिल रही है 4 साल की? अरे बोलो ना यार, मुझे ह्यूमन रिसोर्स मिल रहा है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने ह्यूमन रिसोर्स को लीज पे लिया है? नहीं, ह्यूमन रिसोर्स कैन नॉट बी एन अंडरलाइंग असेट। अंडरस्टूड और नॉट? मुझे ह्यूमन रिसोर्स की सर्विस दी जा रही है। अंडरस्टूड और नॉट? चलो दूसरा छोड़ो इसको। मैंने सॉफ्टवेयर लिया लीज पर और कंपनी ने मुझे बोला कि हम आपको इसके साथ साथ 5 साल का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एनुअल मेंटेनेंस, आपको हम एनुअल मेंटेनेंस देंगे। तो ये मुझे सर्विस मिलेगी नहीं? तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है कि इसमें कॉम्बिनेशन है? किस चीज का कॉम्बिनेशन है? लीज ऑफ एन अंडरलाइंग असेट, अंडरलाइंग असेट मतलब जो असेट है उसका लीज, और उसके साथ साथ सर्विसेस। अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी, क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक इक्विपमेंट का मैंने लीज लिया आपसे, एक इक्विपमेंट का लीज लिया, वो इक्विपमेंट का मैंने आपसे 5 साल के लिए लीज पे लिया, पर उस इक्विपमेंट को रन करने के लिए, उस इक्विपमेंट को रन करने के लिए आपने मुझे बोला जो फ्यूल लगेगा, जो डीजल लगेगा, वो भी आपको मुझसे लेना पड़ेगा। मशीन को रन करने के लिए जो आपको फ्यूल लगेगा, वो फ्यूल भी आपको मुझसे ही लेना पड़ेगा। कंसिडरेशन कॉमन है, कंसिडरेशन इकट्ठा मिला के एक ही रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब हाँ, थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ। अगर इंडेस 115 याद आ रहा है तो 115 में हम अलोकेशन करते थे ट्रांजैक्शन प्राइस का, दो चीजों में अलोकेशन करते थे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एक से ज्यादा होती थी तो हम अलोकेट करते थे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस पर। याद आ रहा है कि नहीं? ऐसी कुछ चीजें आने वाली हैं कि जब एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में
एक लीज कंपोनेंट है और एक नॉन लीज कंपोनेंट है, तो दोनों के लिए अगर मान लो कंसिडरेशन कॉमन है, तो उनको अलग अलग करने के लिए प्राइस कंसिडरेशन को भी तो अलग अलग करना पड़ेगा, तो शायद स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस देखने पड़ेंगे। बोलना बेटा, तो ये क्यों बोल रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई दे आर सेइंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज इंटायर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, और कैन बी? अंडरस्टूड और नॉट? बिकॉज इन द इंटायर कॉन्ट्रैक्ट देयर मे बी सम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैम समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अंडरस्टूड? मैंने मशीन आपसे लिया, ठीक है ना, मैंने मशीन आपसे क्या लिया? अच्छा अभी इलेक्ट्रिक बस आ चुकी है, आ गई कि नहीं? इलेक्ट्रिक बस मैंने लीज पर ली आपसे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक बस क्या होती है? चार्ज होती है। मेरे पास चार्ज करने की फैसिलिटी नहीं है, वो आपके पास ही है। वो चार्ज करने की फैसिलिटी आपके पास ही है, तो रोज रात को मुझे वो बस वापस से आपके प्लेस पे आके खड़ा करना पड़ता है, सो दैट आप उसको चार्जिंग पे लगा सको, और वो चार्जिंग के भी आप मुझसे पैसे लेते हो। मैम एग्जाम्पल दे रहा हूं। नहीं, आप दीजिए ना, पर मेरा तो सुन लीजिए पहले। मेरी बात समझ में कि नहीं? आप बताइए, जो मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल आपसे लिया, लीज पर लिया, लीज डिफाइन करनी पड़ेगी, वो देखेंगे, वो लीज पर लिया, व्हीकल लीज पर लिया, पर व्हीकल को चार्ज करने के लिए मैं आपसे एक सर्विस भी ले रहा हूं। क्या वो सर्विस लीज पर ले रहा हूं? क्या नहीं, सर्विस नहीं लीज पर ले रहा हूं। सर्विस कभी लीज पर नहीं जाती, असेट लीज पर ली जाती है। अरे लीज पर लेने के लिए कोई मूवेबल, कोई टेंजिबल आइटम होना चाहिए, और सर्विस क्या है? इनटेंजिबल है, तो सर्विस का लीज कभी नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो कैन आई से कॉम्बिनेशन ऑफ इंड एस 115 एंड इंड एस 116, मतलब दोनों इंड एस एक साथ अप्लाई हो रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट पे। अंडरस्टूड और नॉट? जी मैम, नाउ योर टर्न। बड़ी बड़ी कंपनीज जो गेस्ट हाउस लेती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, लीज पे लेते हैं, ठीक है ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है जिन्होंने अपना मनाली में गेस्ट हाउस करके रखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक होटल के साथ, एक होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि साल में हमेशा के लिए दो रूम्स हमारे होंगे, दो रूम्स की ऑक्यूपेंसी तेरे को हमारे लिए हमेशा के लिए रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। दो रूम्स की ऑक्यूपेंसी हमेशा हमारे लिए रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज उधर मनाली में अपने कुछ ना कुछ काम से आते ही आते हैं, तो उनको गेस्ट हाउस चाहिए रहेगा, तो हमने एक गेस्ट हाउस होटल को बना दिया। होता है ऐसा प्रैक्टिकली? समझ में मेरी बात आ रही कि नहीं? नाउ पर साथ साथ आपको हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। गेस्ट हाउस तो आप हमें दोगे ही दोगे, मतलब होटल्स के दो रूम्स तो हमें आप दोगे ही दोगे, बट साथ साथ हमें कुछ सर्विसेज भी आपको देनी पड़ेंगी। कौन सी सर्विसेज? सप्लाई ऑफ फूड आइटम्स। हाँ, क्या सप्लाई ऑफ फूड आइटम्स लीज में आएगा क्या? नहीं। हाँ, सप्लाई ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज लाइक क्या क्या हो सकती है? आप बताइए क्या क्या हो सकता है। क्लबिंग, क्लब वगैरह हुआ, वो सर्विस आपको आपको हमें देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज के लिए, क्लब वगैरह एक्स्ट्रा है तो। और क्या, मतलब रूम सर्विस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी अलग से, रूम सर्विस और ये फूड वगैरह, तो वो क्या हुआ? नॉन लीज कंपोनेंट। क्या बोलेंगे अपन उसको? एक कॉन्ट्रैक्ट का लीज कंपोनेंट, एक उसी कॉन्ट्रैक्ट में एक नॉन लीज कंपोनेंट। नॉन लीज कंपोनेंट क्या होता है? सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, और लीज कंपोनेंट क्या होता है? प्रोवाइडिंग अंडरलाइन असेट फॉर राइट टू यूज। फिर से पूछ रहा हूं, लीज कॉम्पोनेंट मतलब प्रोवाइडिंग द असेट फॉर एज अ राइट टू यूज, और नॉन लीज कॉम्पोनेंट नॉट प्रोवाइडिंग एनी असेट फॉर राइट टू यूज। सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाइंग द सर्विसेज, इन शॉर्ट आई थिंक आई हैव गिवन रीजनेबल एग्जाम्पल्स। अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी। यस, यू वॉन्ट टू से समथिंग? हाँ नहीं मैम, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लिस्टेड अनलिस्टेड?
एनीवेज शैल वी मूव अहेड, टेल मी आगे बढ़े। अभी तो डेफिनेशन का पहला पॉइंट ही पढ़ा है, क्या लिखा है डेफिनेशन में? डू यू नीड अ ब्रेक? क्या हुआ अभी से ही, मतलब थोड़ा सा बोरिंग पना? बहुत सारी बातें आने वाली है, मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता। मैं जितना हो सकेगा मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता जाऊंगा। मैंने भी आपको बोला आई एम टीचिंग दिस फर्स्ट टाइम, मुझे पता है कि मैं अगली बार पढ़ाऊंगा तो मेरी और क्वालिटी बढ़ेगी, तीसरी बार पढ़ाऊंगा तो और क्वालिटी बढ़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। मैं ओपनली बोल रहा हूँ अब इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। मैं जानबूझ के ये इन डेज आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ, जहाँ कम्युनिकेशन टू वे हो, ताकि यूट्यूब स्टूडेंट्स को फायदा हो। पर अगर सिंगल कम्युनिकेशन हुआ तो मेरी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी 50% पे। अगर मेरे सामने बच्चे ना बैठे ना तो दिमाग ही खराब हो जाए मेरा भी। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं तो बस रटवाते हुए जा रहा हूँ, बस रीड करवाते हुए जा रहा हूँ। आगे बढ़े। What do you mean by lease? A lease is defined as contract or part of the contract. ये तो समझ में आ गया कि हाँ एक contract का part भी, छोटा सा part भी lease हो सकता है। That conveys the right to control the use of identified asset. Asset के use पर control करना। When we say control, that means you can do anything for that period. ये तेरा है, तू जाने इस period के लिए तू कुछ भी कर सकता है। लिमिटेड सेंस में बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि कुछ भी कर सकता, मतलब जाके बेच सकता है। बात समझ में आएगी? नहीं, तू कुछ भी कर सकता है, मींस तू सब लीज पर भी दे सकता है, ठीक है ना? तू अपने बिजनेस में यूज कर सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अंडरस्टूड और नॉट? वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू एनी थिंग बिकॉज आई हैव गिवन यू राइट, आई हैव गिवन यू कंट्रोल, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट। राइट टू कंट्रोल को हम आगे चल के डिफाइन करेंगे कि राइट टू कंट्रोल क्या होता है। For a period of time in exchange for consideration. The important thing is consideration. अगर बिना consideration के दिया तो, suppose if the consideration is not involved, it is not a lease. It is a charity. It is not a lease. Consideration should be there. Consideration must be there. And for a period of time, with the time is defined. With the time is defined क्या? Period is defined क्या? कि 12 महीने, 2 महीने, 4 महीने डिफाइंड है क्या? नहीं, बस उन्होंने इतना बोल दिया कि अगर 12 महीने से कम का है तो तू देख ले, शॉर्ट टर्म मान रहा है तो तू देख ले, एग्जम्पशन यूज करना चाहे तो कर ले फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। लीज क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज व्हाट? राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट। राइट टू कंट्रोल द यूज, कंट्रोल द यूज, कंट्रोल द यूज। I am giving you right. Which kind of right? To control the use. Use किसी भी तरीके से तू use कर। किस चीज का? Identified asset. Now, sir, why they are calling this identified asset? They should have called asset. नहीं, यही तो problem है ना, identified asset. जैसे मैंने तेरे को TV दिया, अभी identified asset की definition में जाऊंगा, पर मैं आपको एक teaser दे रहा हूं आपको एक। मैंने आपको एक TV दिया, मैंने आपको बोला ये तो टीवी है ना, 51 इंच के साइज का टीवी, मैं आपको लीज पे दे रहा हूं कुछ पीरियड के लिए। अरे बोलो ना यार, 51 इंच के साइज का टीवी मैं आपको लीज पे दे रहा हूं। एक महीने बाद मैं आया, मैंने बोला वो जो 51 इंच के साइज का टीवी है ना वो वापस करो, दूसरा वाला टीवी 51 इंच के साइज का टीवी दे रहा हूं दूसरी कंपनी का। फिर कुछ दिन बाद आया, अब ये भी दे दो वापस, दूसरा टीवी ले लो, दूसरा टीवी ले लो। कोई भी एसेट आइडेंटिफाई हो पा रही है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? द असेट मस्ट बी आइडेंटिफाइड, मतलब मुझे किस टाइप की असेट मिल रही है वो एक मुझे आइडेंटिफाइड होना जरूरी है। स्टिल वी विल डिफाइन दिस कि आइडेंटिफाइड असेट क्या होती है। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। हाँ, हो सकती है लाइफ टाइम के लिए लीज। पीरियड ऑफ टाइम तो कुछ भी हो सकता है ना, इनफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। किसने बोला पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2 साल ही होंगे, 20 साल ही होंगे? पीरियड ऑफ टाइम तो इनफिनाइट भी हो सकता है भाई। पीरियड ऑफ टाइम एक पीरियड है, मतलब डिफाइन नहीं किया हमने। 99 ईयर्स, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू यूज दैट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। अब इस डेफिनेशन में मैं बाद में आऊंगा, पता है क्यों? याद करो जब मैंने आपको इंडियस 115 पढ़ाया था, 115, तब मैंने 5 स्टेप पढ़ाने से पहले, वो सीपीटी एआर की 5 स्टेप पढ़ाने से पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ 115 पढ़ाया था।
डेपिक्स वाला हाँ, और मैंने आपको बोला था कि ये ऑब्जेक्टिव आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जैसे जैसे हम स्टेप पढ़ते जाएंगे आपको बाद में रियलाइज हो जाएगा फोर्थ फिफ्थ स्टेप में कि हाँ यार वो ऑब्जेक्टिव क्या बोलना चाह रहा है। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि अभी मैं कितना भी इस डेफिनेशन को डिफाइन कर दूं, ये डेफिनेशन को मैं अभी डिफाइन नहीं कर सकता पूरी तरीके से जब तक मैं इसकी बातें खोल खोल के ना बताऊं, जिसमें पीरियड का मतलब क्या होता है, जिसमें राइट टू कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जिसमें आइडेंटिफाइड असेट का मतलब क्या होता है। अंडरस्टूड और नॉट? सो सिंपली रीड दिस वंस अगेन, बस ऐसे ही मैं खुद से रीड करिए, मैं नहीं रीड कर रहा हूं, एक बार खुद से रीड करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। नाउ देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन विच मे टेक सम टाइम, सो शैल वी टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स और नॉट? ओके, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, राइट? ओके, सो गाइस वेलकम बैक। इससे जो पहले सेशन लिया था हमने इंड एस 116 लीजेस का, उसमें हम जितना भी पोर्शन हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं चार्ट बुक से, ठीक है? चार्ट बुक से रिवाइज करते हैं। आपके सामने चार्ट बुक, आपके पास चार्ट बुक है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है, ज्यादा पोर्शन नहीं पढ़ा है इंड एस 116 का, जो भी पोर्शन पढ़ा है हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जब इंड एस 116 का पहला सेशन लिया, पिछले सेशन में हमने जो बात की उसमें हमने बात की थी पार्ट वन में और पार्ट टू की थोड़ी सी। मैंने आपको बताया कि मैंने पूरे इंड एस 116 लीजेस को डिफरेंट 7-8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो द पार्ट वन एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप, अगर हम भूले ना, अगर हम भूले नहीं हो तो मैं बता दूं कि ये इंड एस 116 कब से एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड्स, फाइनेंशियल, कौन से फाइनेंशियल ईयर से? 1920 से ये एप्लीकेबल है, राइट? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, ये एप्लीकेबल कहां पर नहीं है, ये कहां पर एप्लीकेबल नहीं है?
मतलब इंड एस 116 जो है वो कौन सी चीजों पर एप्लीकेबल नहीं है, भले वो चीजें लीजेस की होंगी, वो चीजें कौन सी होंगी, वो चीजें पांच चीजें होंगी। वो चीजें पांच चीजें याद कैसे करनी है, भाई साहब ने बीई किया पर एलआईसी में जॉब कर रहा है, ठीक है ना, बीई करने के बाद एलआईसी में जॉब कर रहा है, तो बीई करने के बाद एलआईसी में जॉब कर रहा है मतलब क्या, बी मतलब बायोलॉजिकल असेट्स, बायोलॉजिकल असेट मतलब लीजेस, बायोलॉजिकल असेट्स का अगर होगा तो यहां पर एप्लीकेबल इंड एस 116 नहीं लगेगा, बीई, बी फॉर बायोलॉजिकल असेट्स, ई, ई मतलब एक्सप्लोरेशन, किस चीज का एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स ऑयल्स एक्सेट्रा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी इंड एस 106 लगता है, मिनरल ऑयल्स का एक्सप्लोरेशन का अगर कुछ आपको राइट्स दिया गया है तो वो राइट्स कवर होते हैं इंड एस 106 में, बीई, बी मतलब बायोलॉजिकल असेट्स, ई मतलब एक्सप्लोरेशन, दो ये हो गया बीई, बीई करने के बाद एलआईसी में एजेंट बन गया, ठीक है, एलआईसी, एल मतलब यहां पर लाइसेंसिंग अरेंजमेंट अंडर पिक्चर फिल्म्स वीडियो रिकॉर्डिंग्स एक्सेट्रा, एल लाइसेंसिंग, लाइसेंस किस चीज का लाइसेंस, पिक्चर फिल्म्स वीडियोस, ये क्योंकि आपके कवर होते हैं इंटेंजिबल असेट्स में इंड एस 38 में, इसीलिए एल। उसके बाद एल के बाद क्या बोला गया, एल आई, आई मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो लाइसेंस होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस मतलब पेटेंट्स ट्रेडमार्क से जो लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं वो भी आपके कवर यहां पर नहीं होंगे, भले वो लीज नेचर दिख रहा है तो भी। एल आई सी, सी मतलब कंसेशन, यहां पर सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, आपको याद होगा हमने सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट पढ़ा हुआ है इंड एस 115 में, कहां पर 115 जहां पर हम पढ़ते हैं बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, गवर्नमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट देती है, आप रोड बनाते हो, रोड बनाने के बाद आप टोल चार्जेस कलेक्ट करते हो पब्लिक से, याद आ रहा है कि नहीं, तो वो भी एक तरीके से लीज एग्रीमेंट हो सकता है, पर वो उसके लिए इंड एस 116 ने अलग से डिफाइन किया हुआ है उसका ट्रीटमेंट। तो कुल मिला के आपको मैं बता दूं कि जो इंड एस 116 है वो पांच चीजों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, कौन सी पांच चीजें, भले वो पांच चीजें लीजेस वाली होंगी तो भी एप्लीकेबल नहीं है, क्या, बीई, एलआईसी, बी मतलब बायोलॉजिकल असेट, ई मतलब एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, एल लाइसेंसिंग अरेंजमेंट फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ठीक है ना, पिक्चर फिल्म्स, आई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लाइसेंसिंग, और सी सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स। अरे मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके अलावा हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, रिकॉग्निशन एंड एग्जम्पशंस टू फॉलोइंग लीजेस, ये दो प्रकार की लीजेस ऐसी हैं जिसके ऊपर आपका इंड एस 116 का रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब आप लीजेस को रिकॉग्नाइज इन दो केसेस में 116 के अकॉर्डिंग नहीं करोगे, मतलब ये लीजेस तो हैं, कोई भी नॉर्मल चीज की लीज हो सकती है, कार का, मशीन का, बिल्डिंग का, पर वो दो केसेस ऐसे जहां पर आपको एग्जम्पशन दिया गया है, मतलब आपकी मर्जी, आप चाहो तो इंड एस 116 लगाओ, आप तो इंड एस 116 ना लगाओ। उसमें पहला क्या है, शॉर्ट टर्म लीजेस, पहला क्या है, शॉर्ट टर्म लीजेस। अब ये शॉर्ट टर्म लीजेस जो होगा आपको इसका एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाए, कौन सी दो कंडीशन, पहला लीज टर्म 12 महीने से कम होना चाहिए, और दूसरा रिन्यू करने का जो मुझे ऑप्शन दिया गया है, अगर देखिए मान लीजिए आपने मुझे लीज पे दिया 8 महीने का लीज पे दिया है और आपने मुझे बोला कि 8 महीने बाद मैं रिन्यू करवा सकता हूं, पर मैं जानता हूं कि रिन्यू मैं नहीं करवाऊंगा, रीजनेबली मुझे सर्टेन लग रहा है कि मैं रिन्यू नहीं करवाऊंगा, मतलब मुझे पता है कि मैं 8 महीने के बाद खत्म कर दूंगा, आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं, तो रिन्यू करने का जो ऑप्शन है इट इज नॉट रीजनेबली सर्टेन, बोला बेटा, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो मैं शॉर्ट टर्म लीजेस मानते हुए इंड एस 116 को अप्लाई नहीं करूंगा। तो सर फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे सर, फिर इंड एस 116 अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे केस में जो भी मैं लीज रेंट पे कर रहा हूं उसको डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज करूंगा, आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं। सो दिस वॉज द शॉर्ट टर्म लीजेस, शॉर्ट टर्म लीजेस के ऊपर एग्जम्पशन दिया गया है। अब आते हैं दूसरा, दूसरा क्या है, ओ सोते जागते बताओ जल्दी जल्दी, लो वैल्यू लीजेस, लो वैल्यू लीजेस मतलब क्या, जहां पर असेट की वैल्यू, असेट की जो वैल्यू है वो बहुत ही लो वैल्यू है, आपको याद होगा हमने सेशन में डिस्कस किया था जनरली लैपटॉप्स, ठीक है ना, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, इनका अगर लीजेस दिया है तो लो वैल्यू लीजेस यहां पर कवर होगा, यहां पर भी दो कंडीशन फुलफिल, तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, असेट मस्ट हैव लो वैल्यू, असेट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, असेट इज नॉट गिवन ऑन सबलीज, असेट आपने सबलीज पर नहीं दिया है, आप लो वैल्यू लीजेस को एग्जम्पशन रख सकते हो, मतलब इंड एस 116 आप अप्लाई नहीं करोगे लो वैल्यू लीजेस पे अगर तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए, पहला असेट का वैल्यू क्या है, लो है, दूसरा असेट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब असेट यू कैन यूज द असेट बाय इट्स ओन,
आप बिना किसी किसी दूसरी एसेट के डिपेंड मतलब हेल्प के आप अपनी एसेट को यूज कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने एक प्लांटर मशीनरी लीज पर लिया, उसके साथ इक्विपमेंट भी आपको लेना पड़ा, पर जो इक्विपमेंट है वो डिपेंडेंट है प्लांटर मशीनरी के ऊपर, आप उसको सेपरेटली नहीं यूज कर सकते। तो ये लो वैल्यू लीज नहीं होगी इक्विपमेंट की। आई मेरी बात समझ की नहीं? बट अगर आपने लीज ही लिया है ऐसा जिस असेट की वैल्यू भी स्मॉल है और वो इंडिपेंडेंट है, आप उसको सेपरेटली यूज कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो? सेपरेटली यूज कर सकते हो। और तीसरा, आपने वो असेट किस पे नहीं दिए? सब लीज पे नहीं दी है, तो ही आप इस केस में लो वैल्यू लीजेस का एग्जम्पशन लगा लोगे। एग्जम्पशन लगाने का मतलब ये कि आप चाहो तो इंड एस 116 की गाइडलाइंस को फॉलो ना करो लो वैल्यू लीजेस के ऊपर और शॉर्ट टर्म लीजेस के ऊपर। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? गाइस टेल मी। सो दिस वॉज द पार्ट वन जो हमने रीड किया था, जो हमने डिस्कस किया था इन आर प्रीवियस सेशन, राइट? नाउ पार्ट टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। पार्ट टू क्या था? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये पार्ट टू हमने सिर्फ दो ही डेफिनेशन पढ़ी थी। पहला हमने पढ़ा था इंसेप्शन वर्सेस कमेंसमेंट। इंसेप्शन ऑफ लीज क्या होता है और कमेंसमेंट ऑफ लीज क्या होता है, अपने अपने नोट्स में आप देख सकते हो, आपके कहीं ना कहीं मिलेगा आपको इंसेप्शन वर्सेस कमेंसमेंट। अगर आपने नोट्स में कुछ अपने नोट्स बनाए हो, ठीक है ना, कौन सा नंबर पेज है? हाँ, इंसेप्शन वर्सेस कमेंसमेंट, इंसेप्शन ऑफ लीज कमेंसमेंट ऑफ लीज। पहली बार पे पढ़ने पे तो ये लगता है कि इंसेप्शन और कमेंसमेंट तो एक ही चीज होगी, बट मैंने आपको बताया था कि इसका रेलेवेंस अलग अलग है। इंसेप्शन ऑफ लीज का मतलब क्या होता है? जब एक्चुअली एग्रीमेंट हुआ दो पार्टीज के बीच में, जब क्या हुआ? एक्चुअल एग्रीमेंट। इसको जनरली क्या बोला जाता है? अर्लियर ऑफ डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ कमिटमेंट बाय पार्टीज। पार्टीज ने एक दूसरे से कमिट कर लिया कि ठीक है अगली महीने से हम लीजेस का कॉन्ट्रैक्ट शुरू करेंगे। आज सिर्फ एग्रीमेंट हो गया। सो डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ कमिटमेंट विच एवर इज अर्लियर, इसको क्या बोलेंगे? इंसेप्शन। इंसेप्शन का रेलेवेंस क्या है? इस डेट पे करते क्या है? इस डेट पे करते क्या है? एट दिस डेट लीज लेसी शेल असेस इज देयर एनी लीज कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। मतलब लेसी को डिसाइड करना है कि मैं 116 अप्लाई करूं कि अप्लाई नहीं करूं। लेसी को इस दिन पे क्या डिसाइड करना है? कि मैं 116 अप्लाई करूं कि नहीं करूं। मतलब इस दिन पे मुझे डिसाइड करना है कि ये लीज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एक और बात, इसी डेट पर एक और चीज डिसाइड होती है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट। असेट की क्या डिसाइड होती है? फेयर वैल्यू। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, अच्छा। कमेंसमेंट ऑफ लीज का मतलब क्या होता है? कमेंसमेंट ऑफ लीज का मतलब क्या होता है? जिस दिन से एक्चुअली असेट को अवेलेबल करवाया गया है लेसी के लिए, मतलब जिस दिन से लेसी एक्चुअली असेट यूज कर रहा है, जिस दिन से एक्चुअली असेट को यूज किया जा रहा है। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? तो कमेंसमेंट ऑफ लीज मतलब जिस दिन से असेट को एक्चुअली अवेलेबल करवाया गया है लेसी के लिए फॉर यूज। डिस्पैच कर देता है। सी दैट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, कि मैंने जिस दिन डिस्पैच कर लिया उस दिन से भैया किराया शुरू हो जाएगा, तो कमेंसमेंट ऑफ लीज डेट ऑफ डिस्पैच माना जाएगा। बट अगर मान लो आपने बोला कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हो सकता है मेरे को माल 15 दिन बाद आए, हो सकता है बीच में ट्रांजिट में अटक जाए, तो तब आपने लेसी ने बोला कि जिस दिन मुझे रिसीव होगा वहां से किराया शुरू हो जाएगा, तो डेट डिपेंड्स, वो फिर आपको अवेलेबल, यहां पर देखो वर्ड क्या लिखा है, एक्चुअली अवेलेबल फॉर लेसी फॉर यूज। तो जनरली अगर देखा जाए तो डिस्पैच डेट विल नॉट बी द कमेंसमेंट डेट। आई वाज़ में अच्छा, इस डेट पे होता क्या है, इस डेट का रेलेवेंस क्या है? एट दिस डेट लेसी लीज अकाउंटिंग स्टार्ट्स बाय लेसी एंड लेसर। इस दिन से लीज अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? इस दिन से आपकी लीज अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। अकाउंटिंग लेसी और लेसर अकाउंटिंग करना शुरू कर लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये तो था इंसेप्शन और कमेंसमेंट, इंसेप्शन और कमेंसमेंट का रिलेवेंस। हमने सेशन के आखिरी आखिरी में एक डेफिनेशन देखी थी, व्हाट इज लीज, लीज होती क्या है, लीज क्या होता है, व्हाट इज लीज, लीज क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस पे मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, आपको याद करो, अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लीज एक फुल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फुल कॉन्ट्रैक्ट का एक पोर्शन हो सकता है, क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूं मैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में लीज एज वेल एज नॉन लीज कॉम्पोनेंट दोनों हो सकते हैं।
बताया था मैंने आपको, एक कॉन्ट्रैक्ट में लीज एज वेल एज नॉन लीज कॉम्पोनेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैंने आपको अपना कार लीज पर दिया और साथ साथ में मैंने आपको ड्राइवर दे दिया सर्विस के, मतलब आपको मैंने बोल दिया कि चलो मेरा ड्राइवर भी ले लो। अब मैंने आपको जो ड्राइवर दिया वो लीज पर नहीं दिया है, ड्राइवर की सर्विसेज आपको दे दी है कि मैं आपको अपनी कार दे रहा हूं 5 साल के लिए, इसके साथ साथ मैं आपको ड्राइवर की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसके लिए मुझे अलग से पे करोगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे केस में सोचो कि अगर मैं आपको कार दे रहा हूं लीज पर तो वो लीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पर ड्राइवर की जो मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं वो नॉन लीज कंपोनेंट हो गया। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका एक पार्ट लीज है और दूसरा पार्ट लीज नहीं है, इसलिए अपन बोल रहे हैं लीज क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो क्या देता है, बोलो क्या देता है, दैट गिव्स राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट, दैट गिव्स राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट, मतलब जिससे लेसी को क्या मिलता है, राइट टू कंट्रोल द यूज, मतलब राइट टू कंट्रोल द यूज मतलब वो जैसा चाहे वैसा यूज कर सकता है, हाउ टू यूज, वेन टू यूज उसके हाथ में है, इकोनॉमिक बेनिफिट उसको कैसे रिसीव करने उसके हाथ में है, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट कितने समय के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। अंडरस्टूड गाइस? एक बार इस डेफिनेशन को फिर से बोलो, क्या है डेफिनेशन, व्हाट इज लीज, लीज मतलब क्या, अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट, दैट गिव्स राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। लेसी मस्ट हैव द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ असेट, अगर लेसी के पास राइट नहीं है मतलब वो चीज लीज नहीं है, लेसी के पास राइट नहीं है मतलब लीज नहीं है, मेरी चलेगी, मैं लेसर हूं, मैंने आपको असेट दे दिया, मेरी चलेगी, आप किसको दे सकते हो, आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कितना चला सकते हो, सब कुछ मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मैक्सिमम राइट्स मेरे पास है, दिया मैंने आपको यूज करने के लिए, पर मेरे मर्जी के बिना आप असेट को यूज नहीं कर पा रहे हो और आप खुल के उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिसीव नहीं कर पा रहे हो, तो माइट नॉट बी लीज, ये लीज हो सकता है, ये लीज ना हो। अंडरस्टूड और नॉट? हमने, मुझे याद आ रहा है पिछली क्लास तक सिर्फ यहीं तक पढ़ा था, व्हाट इज लीज तक, राइट? अपन वापस अपने नोट्स पे ही चलते हैं। वापस नोट्स पे ही चलते हैं, ठीक है? नोट्स नहीं है क्या? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में हमने इंसेप्शन ऑफ लीज, कमेंसमेंट ऑफ लीज पढ़ लिया था और व्हाट इज लीज पढ़ लिया था, ठीक है? अब आते हैं राइट टू कंट्रोल, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन राइट टू कंट्रोल, राइट टू कंट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है? राइट टू कंट्रोल पढ़िए एक बार, राइट टू कंट्रोल क्या लिखा है, ये राइट टू कंट्रोल होता क्या है, लेसी या कस्टमर के पास राइट होना चाहिए। अब ये राइट क्या है, राइट टू कंट्रोल क्या, राइट टू कंट्रोल तभी माना जाएगा जब दो कंडीशन फुलफिल हो। पहला, क्या लेसी सब्सटेंशियल मतलब मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव कर सकता है, क्या उसमें कैपेबिलिटी है कि जब उसको असेट दी जा रही है तो वो असेट को यूज करने के कारण, असेट को लीज पर लेने के कारण असेट से मैक्सिमम सब्सटेंशियल उस पीरियड के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बिल्डिंग लीज पर लिया, बिल्डिंग की लाइफ कितनी होती है, 30 साल 50 साल, पर मैंने आपसे बिल्डिंग सिर्फ 1 साल के लिए किराए पर लिया, पर उस 1 साल में मैं जितने भी, उस 1 साल में मैं जितने भी बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स उस असेट से मुझे मिलने चाहिए, क्या मैक्सिमम बेनिफिट्स मुझे ही मिल रहे हैं कि मुझे और लेसर को, दोनों को मिलके मिल रहे हैं, क्या 1 साल की लीज पीरियड में आई कैन, वेदर
एम आई कैपेबल ऑफ डेराइविंग इंटायर बेनिफिट्स, इंटायर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, पहला. और दूसरा, क्या मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं, पहला. और दूसरा क्या? दूसरा ये, क्या मैं अपनी इच्छा से किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूं बिल्डिंग को, मतलब मेरी मर्जी में उसको अपने बिजनेस में लगाऊं, मेरी मर्जी में उसको पर्सनल यूज में लगाऊं, मेरी मर्जी मैं उसको सबलीज कर दूं, सबलैंड पे दे देंगे, तो क्या मैं उस असेट को किस तरीके से यूज कर सकता हूं, वो भी राइट्स मेरे पास है क्या? अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो मैं बोलूंगा कि राइट टू कंट्रोल मेरे पास है. ये दो चीजें कौन सी बोली मैंने? पहला, मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या मुझे उस पीरियड के लिए मुझे ही मिल रहे हैं, और दूसरा डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसे, मतलब मैं राइट टू डायरेक्ट द यूज, किसी भी तरीके से मैं उसको डायरेक्ट कर सकता हूं, मतलब हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज, है ना, हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज, ये सब मेरे पास है. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है राइट टू कंट्रोल के लिए. कौन सी दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है? राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली, राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स. मतलब क्या मेरे पास सारे के सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन करने का राइट है क्या? फ्रॉम द यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट एंड राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट, हाउएवर इट मे नॉट बी नेसेसरली बी डॉक्यूमेंटेड. जरूरी नहीं कि मतलब एग्रीमेंट में लिखा हो कि तू कैसे यूज करेगा, तेरे को मैं ये तेरे को राइट दे रहा हूं कि तू इसको क्या क्या कर सकता है. ये इंप्लाइड भी हो सकता है कि एक बार असेट मेरे पास आ गई, भले वो एक साल के लिए आई, अब मेरी मर्जी में उसको किसी भी तरीके से यूज करूं, और मेरे पास क्या पूरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहे हैं कि नहीं. तो दो बातें, एक तो सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मुझे रिसीव हो रहे हैं कि नहीं, दूसरा मैं किस तरीके से असेट को यूज कर सकता हूं, इसके राइट्स भी पूरे के पूरे मेरे पास हैं कि नहीं. इसको देखिए इलेबोरेट कैसे करते हैं. आइए, पीछे लिखा हुआ है हाउ टू डिटरमाइन वेदर कस्टमर हैज राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स. ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे पास, मतलब लेसी के पास, मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव करने का राइट है? Having right to obtain substantially all the economic benefits means customer can exclusively use the asset throughout that period. Obviously, यार मैं economic benefit सारे के सारे तो तभी derive कर पाऊंगा ना जब मेरे पास exclusive uses के right है. अगर मान लो मैं मिलके use कर रहा हूं, किसी के साथ मिलके use कर रहा हूं, या lesser और lessee दोनों मिलके asset को use कर रहे हैं, that means क्या हुआ? That means हो सकता है I may not be able to generate the maximum economic benefits for me. For example, lesser ने मुझे ना कार दे दी. For example, मैंने अपनी कार आपको दी, पर मैंने साथ साथ बोल दिया कि ना हफ्ते में 3 दिन मैं भी चलाऊंगा. मैंने अपनी कार आपको दी लीज पर, किराए पर दी, और मैंने बोल दिया कि हफ्ते में 3 दिन मुझे लगेगी कार, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप चलाओ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये कार मैं भी यूज करूंगा. तो मुझे बताओ ये लीज पीरियड अगर मान लो एक साल का है, तो इस पूरे एक साल में क्या सामने वाले कस्टमर को, जिसको मैंने राइट दिया है, क्या कस्टमर उस असेट के रिगार्डिंग जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए क्या वो पूरे डिराइव कर पाएगा? कि कहीं ना कहीं लेसर को भी इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं, मतलब सब्सटेंशियल बेनिफिट, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर नॉट ट्रांसफर टू लेसी. ऐसे केस में हम दोनों कंबाइन करके यूज कर रहे हैं, मतलब दोनों हम मर्ज करके यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में यहां कहा जा सकता है कि लेसी बेचारे के पास मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करने का राइट नहीं है. समझ में आई बात की नहीं? इसका मतलब जनरेट करने का राइट नहीं है, मतलब क्या हुआ? राइट टू कंट्रोल नहीं है. राइट टू कंट्रोल नहीं है मतलब लीज नहीं है. तो लीज कब होगी? जब राइट टू कंट्रोल द यूज हो. राइट टू कंट्रोल द यूज कब होगा? जब दो कंडीशन फुलफिल हो. पहला, मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या लेसी के पास जा रहे हैं. अब कब जाएंगे? जब उसके पास एक्सक्लूसिव यूज करने के राइट हो. कौन सा यूज करने के राइट हो? एक्सक्लूसिव. तो यहां पर इससे जुड़ा हुआ एक वर्ड याद कर लीजिएगा, एक्सक्लूसिवली क्या लेसी के पास अधिकार है कि नहीं? हफ्ते में 4 दिन सर मेजर काम रहता है, बाकी 3 दिन काम ज्यादा रहता नहीं है. सो नाउ इट इज जजमेंटल बेसिस बेसिकली. नाउ यहां पर लेसी हैज टू असेस
कि जो 3 दिन जिस टाइम पे वो उससे लेसर वापस कार ले रहा है, क्या वो 3 दिन में वैसे भी कोई ऐसा इकोनॉमिक बेनिफिट होते होंगे क्या? अगर लेसी कैन डिटरमाइन कि यस इकोनॉमिक बेनिफिट अच्छे खासे उसमें होते होंगे, दैट मीन्स यहां पर मैक्सिमम रिस्क, मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट तुम्हें नहीं दिए जा रहे हैं। हाँ, ज्वाइंट कंट्रोल जैसा हो गया, बिल्कुल। अ कस्टमर कैन ऑप्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल बाई यूजिंग, होल्डिंग और सब लीजिंग द असेट। इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ एन असेट इंक्लूड्स प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स फ्रॉम आइडेंटिफाइड असेट। भाई मशीन होगी तो आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। ये बता रहा है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स किस टाइप के हो सकते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं कि आपको अगर कोई मशीन मिला है या आपको ऐसा कुछ मिला है तो आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको बिल्डिंग मिला है तो आप फैक्ट्री बिल्डिंग बना के आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप किसी भी तरीके से अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, या फिर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट जिससे आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, या तो फिर आपने सबलीज कर दिया और सबलीज करने से आपको क्या मिल रहा है? लीज रेंट मिल रहा है, इससे भी आपका इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया। तो इकोनॉमिक बेनिफिट आप किसी भी तरीके से जनरेट कर सकते हो, बस आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं। बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? पहला पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में? राइट टू कंट्रोल द यूज पे दो पॉइंट होने चाहिए, दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। पहली कौन सी कंडीशन? क्या मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके ऊपर पास ऑन हो रहा है कि नहीं? क्या लेसी को पास ऑन मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहा है कि नहीं? वो कब होंगे? जब लेसी के पास एक्सक्लूसिव यूज करने का राइट होगा। समझ आया कि नहीं? गाइस टेल मी, क्लियर? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? हाउ टू डिटरमाइन द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट। पहला क्या था? हाउ टू डिटरमाइन वेदर द कस्टमर हैज राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट। पहला पॉइंट था इकोनॉमिक बेनिफिट का। अब दूसरा पॉइंट क्या है? राइट टू डायरेक्ट द यूज, मतलब मेरी मर्जी में कैसे भी यूज करूं, मैं उसको अपने ए बिजनेस में यूज करूं, मैं उसको अपने बी बिजनेस में यूज करूं, मैं उसको पर्सनल यूज करूं, मैं उसको सबलीज कर दूं, अगर ये सब मेरी मर्जी से चलेगा, मतलब स्टिल आई कैन से राइट टू कंट्रोल मेरे पास है। अरे मेरी बात समझ आएगी नहीं? अब राइट टू कंट्रोल मेरे पास होने के लिए राइट टू डायरेक्ट द यूज होना चाहिए, और राइट टू डायरेक्ट द यूज का मतलब होता है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द असेट इज यूज्ड। ये सब लेसी को पता होना चाहिए, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। इस पॉइंट को पढ़ लीजिए एक बार प्लीज। A customer has the right to direct the use of an identified asset whenever it has the right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period of use. क्या हो गया भाई? How and for what purpose the asset is used? यहां पर important है how and for what purpose, मतलब मैं कैसे use करूंगा और किस तरीके से use करूंगा। ये पूरे rights अगर किसके पास है? लेसी के पास है, तो ही माना जाएगा लेसी के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज है। अब राइट टू डायरेक्ट द यूज एंड राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, दोनों चीजें होंगी तब माना जाएगा राइट टू कंट्रोल। इफ द लेसी हैज राइट टू कंट्रोल देन देयर मस्ट बी अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। हाउ टू ट्रीट द राइट टू कंट्रोल, उसके लिए दो चीजें, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेसी को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अब यहां पर बहुत सारे लोग गलत मान लेते हैं सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मैं बता रहा हूं इसका एग्जाम्पल, बिल्डिंग है 30 साल की लाइफ, उसकी इकोनॉमिक लाइफ होनी चाहिए। मैंने आपको बिल्डिंग 1 साल के लिए दे दी, तो सोचते हैं यहां पर गलत इंटरप्रिटेशन, इंसान सोचता है सर 30 साल के इकोनॉमिक बेनिफिट्स में से आपको तो सिर्फ 1 साल के इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं, तो सर सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे मिले आपको?
बात यहां पर आउट ऑफ 30 नहीं है, यहां पर बात यह है आउट ऑफ 1 ईयर, मतलब जितना लीज टर्म है उस लीज टर्म में जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्या वो मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट लेसी को दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे? हाँ, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? जितना पीरियड कवर हो रहा है लीज में, उस पीरियड में जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, क्या वो लेसी को मैक्सिमम प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नहीं? और उसी पीरियड में मैक्सिमम, उसी पीरियड में क्या लेसी के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज है कि नहीं? मतलब उस पीरियड में लेसी कैसे भी यूज असेट करे, हाउ एंड फॉरवर्ड फॉरवर्ड पर्पस, वो लेसी के पास है कि नहीं? हाँ, एक गिवन पीरियड में, एक गिवन लीज टर्म में जितना भी बेनिफिट्स इकोनॉमिक होने चाहिए, क्या उसका सब्सटेंशियल पोर्शन हमारे पास है कि नहीं? आई बात समझ में? टेल मी गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? एक काम करते हैं, पहले आप एक काम करिए, इस पॉइंट को पढ़ लीजिए, यहां पर एग्जांपल है, फिर अपन इसका एक दो क्वेश्चंस करते हैं। ये मैं आपको इसलिए पढ़वा रहा हूं, ये केस ऐसा बनता है कि भाई मैंने आपको बोला कि ठीक है तुम 1 साल के लिए यूज करो कार, ठीक है, मुझे तुम एक फिक्स पेमेंट करोगे, मुझे तुम एक फिक्स पेमेंट करोगे, ठीक है, इसके अलावा जितना भी तुम्हारा इस कार से टर्नओवर होगा उसका मुझे 10% चाहिए कमीशन, या मुझे उसका 20% कमीशन चाहिए। क्या 20% कमीशन पास ऑन करना का मतलब यह हुआ कि लेसी के पास इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ 80% क्योंकि आ रहे हैं, तो इसका मतलब लेसी इज नॉट हैविंग सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स? बेनिफिट्स तो मुझे पूरे 100 मिल पा रहे हैं ना, और ये तो लेसी के ऊपर है कि वो हो सकता है पहले हो सकता है 1 लाख रुपए का टर्नओवर करे, हो सकता है वो 10 लाख का टर्नओवर करे, वो तो उसकी उसके कैपेबिलिटी के ऊपर रहता है। हाँ, उसमें से वो कितना पोर्शन एज ए कमीशन दे रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लीज रेंट, बट कंसिडरिंग दिस लाइक कि मतलब नहीं, उसका 20% मुझे कमीशन देना पड़ रहा है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो मैं सिर्फ 80% ले रहा हूं, मतलब सब्सटेंशियल तो नहीं है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितना होगा वो डिफाइंड नहीं है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स तेरा 100 रुपए भी हो सकता है, तेरा 1 करोड़ रुपए भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है तेरे ऊपर कि तू उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने जनरेट करवा सकता है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो ये कहना कि आप उसको कुछ कमीशन दे रहे हो उस अपनी टर्नओवर में से, दैट डजंट मींस कि आपके पास सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? इस चार्ट को देखते हैं पहले, इस चार्ट को देखते हैं, आइए। आइडेंटिफाई द राइट्स दैट आर मोस्ट रेलेवेंट, identify the rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used, that is those that affect the economic benefits to be derived from the asset. Ab ye jitne bhi rights hain, are the decisions made related to the rights identified above predetermined? No, yahan aapko no likhna padega, actually skip ho gaya no likhna, idhar are the decisions made related to the rights identified above are predetermined, matlab jo decisions, kaun sa wala decision, decision made related to the rights identified above, matlab kaun kaun se rights hain, kaise use karna hai, kya use karna hai, wo pehle se hi kya predetermined ho chuke the, wo predetermined nahi the,
तो क्या कस्टमर को स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट में राइट दिया गया? डज द कस्टमर होल्ड द राइट? इफ यस, अगर हाँ, यस है, द कस्टमर हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज. और इफ नो, यहां नो कर दीजिए, कस्टमर के पास राइट नहीं है, कस्टमर के पास राइट नहीं है. नो मैंने यहां करवाया और यहां करवाया. फिर से पढ़ते, देखो, सबसे पहले आपको, पहले तो असेट जो आप दे रहे हो उसके रिस्पेक्ट में राइट्स, कौन से राइट्स दैट आर मोस्ट रेलेवेंट टू चेंजिंग हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द असेट इज यूज्ड, मतलब असेट कैसे यूज होगी, असेट किस तरीके से यूज होगी, है ना, कौन से पर्पस के लिए यूज की जाएगी, क्या ये पहले से ही प्री डिटरमाइंड है क्या? नहीं, ये प्री डिटरमाइंड नहीं है, मतलब एग्रीमेंट में प्री डिटरमाइंड नहीं है, बट ऐसा लगता है कि कस्टमर के पास सारे राइट्स हैं. बाय डिफॉल्ट कस्टमर अपने हिसाब से यूज कर सकता है. दैट मींस इफ दिस इज द केस कि कस्टमर के पास खुद ही राइट्स हैं, मतलब ये माना जाएगा लीज कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि राइट टू डायरेक्ट द यूज कस्टमर के पास है. पर अगर कस्टमर, यहां पर राइट्स प्री डिटरमाइंड पहले से ही थे, डज द कस्टमर हैव द राइट टू ऑपरेट? कस्टमर को क्या दिया गया है? राइट टू ऑपरेट द असेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज विदाउट सप्लायर हैविंग राइट टू चेंज दूज ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस. मतलब कस्टमर को बोल दिया कि तू कैसे यूज कर सकता है, ऑपरेट किस तरीके से कर सकता है, वो कस्टमर को पहले से ही दिए गए, कस्टमर को पहले से दिए गए, यस दिए गए, तो भी कस्टमर के पास राइट है, माना जाएगा कि कस्टमर के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज है. पर अगर कस्टमर को ऐसे ऑपरेटिंग राइट्स नहीं दिए गए तो क्या फिर भी एक और लेयर देखी जाएगी? क्या कस्टमर के पास स्टिल डिजाइनिंग के राइट्स हैं? डिड द कस्टमर डिजाइन द असेट इन अ वे दैट डिटरमाइंड हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द असेट विल बी यूज? क्या डिजाइन ही इस तरीके से किया गया, क्या मॉडिफाई, कि ये सिर्फ असेट कस्टमर के वाले कस्टमर के हिसाब से ही बनेगी? अगर ऐसा है तो भी राइट किसके पास है? कस्टमर के पास है. पर डिजाइनिंग भी कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है, ना ही पहले से ही प्री डिटरमाइंड कस्टमर को बोला गया था, ना ही ऑपरेटिंग के राइट्स कस्टमर को दिए गए, तो डेफिनेटली यहां पर राइट्स किसके पास है? सप्लायर के पास है. समझ में आ रही मेरी बात? हाँ बिल्कुल. मैंने एक शॉप रेंट पे लिया, अब मेरा बिजनेस ही ऐसा है कि मुझे उस शॉप का स्ट्रक्चर मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे बनाना पड़ेगा, और एक बार अगर मैंने उसका डिजाइन मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना दिया तो बाय डिफॉल्ट उसको सिर्फ मैं ही यूज कर पाऊंगा, उसको कोई और यूज कर भी नहीं पाएगा. हाँ, तो ऐसे केस में क्या माना जाएगा? राइट टू कंट्रोल कस्टमर के पास है. पर अगर डिजाइनिंग कस्टमर की अकॉर्डिंग नहीं हुई है, लेसर ने बोल दिया तू एक भी चीज इधर उधर नहीं करेगा, डिजाइनिंग कस्टमर की अकॉर्डिंग नहीं हुई है, नॉट इवन कस्टमर को ऑपरेटिंग राइट्स दिए गए, कस्टमर को ऑपरेटिंग राइट भी नहीं दिए गए, कस्टमर को यह बोला गया कि तू हमारे हिसाब से ऑपरेट करेगा. आई बात समझ में कि नहीं? तो ना ऑपरेटिंग राइट कस्टमर के पास है, ना डिजाइनिंग कस्टमर की अकॉर्डिंग हुई है. इसका मतलब राइट्स किसके पास है? सप्लायर के पास. मतलब ये राइट टू कंट्रोल नहीं है, राइट टू कंट्रोल नहीं है मतलब ये लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. समझ आया कि नहीं? लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स, मतलब क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्योंकि क्या है, डिस्कस करते करते तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी. कुछ क्वेश्चंस पे चल के देखते हैं इसको एक्चुअली में किस सेंस में किया जाएगा. और दरवाजा बंद करना है. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पांच छह क्वेश्चंस हैं अपने पास, पहले इन्हीं पॉइंट्स पे जितना अपन ने अभी तक पढ़ा है फिर अपन आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर वन पढ़िए. अ लेसी इंटर्स इनटू अ लीज विद अ 9 month नॉन कैंसिलेबल टर्म. 9 महीने तो तुम कैंसिल कर ही नहीं सकते हो. शॉर्ट टर्म में लिए कितना होना तो कितना होता है? 12 महीने से कम. विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर 4 months. 9 + 4 13.
द लेसी डज नॉट हैव अ परचेज ऑप्शन, हाँ उसको परचेज ऑप्शन नहीं दिया गया। एट द लीज कमेंसमेंट डेट द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन। ओ हो, रिन्यूएबल ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर सकता है, ये रीजनेबल सर्टेनिटी है। मैंने आपको क्या बताया था, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो लीज टर्म 12 महीने से कम, और दूसरा जो ऑप्शन है रिन्यू करने का वो रीजनेबली नॉट सर्टेन होना चाहिए, मतलब मैं रिन्यू नहीं करूंगा। यहां क्या लग रहा है, रिन्यू करने का सर्टेनिटी है, बिकॉज द मंथली वो बोल भी रहा है कि ऐसा क्यों, क्योंकि जो मैं पे कर रहा हूं ना किराया वो बहुत ही कम है। बिकॉज द मंथली लीज पेमेंट ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड आर सिग्निफिकेंटली बिलो द मार्केट रेट, मतलब जो मुझे बोला गया ना रेंट पे करने को वो बहुत ही कम रेंट है, मुझे पता है मैं कर लूंगा। अरे बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? सीधी बात यार, किसी को भी बोला जाए कि 9 महीने बाद तू 4 महीने और बढ़ा सकता है और मैं तेरे से रेंट 9,000 रुपए लूंगा, जबकि मार्केट का रेंट चल रहा है 15,000 रुपए, तो ये क्या लग रहा है कि यार चांसेस है कि मैं रिन्यू करवाऊंगा, और रिन्यू करवाऊंगा तो इसका मतलब बताओ क्या ये शॉर्ट टर्म लीज हुई, ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं हुई। शॉर्ट टर्म लीज के लिए दो कंडीशन, कौन सी, लेस देन 12 मंथ्स, और दूसरा देयर शुड नॉट बी अ रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ रिन्यू द ऑप्शन। सिनेरियो बी, इसी का सेकंड, अज्यूम द सेम फैक्ट एट सिनेरियो ए एक्सेप्ट एट द लीज कमेंसमेंट दैट द लेसी इज नॉट रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन बिकॉज द मंथली लीज पेमेंट ड्यूरिंग द ऑप्शनल एक्सटेंशन पीरियड आर एट वॉट द लेसी एक्सपेक्ट्स टू बी मार्केट रेट्स एंड देर आर नो फर्दर फैक्टर्स विच वुड मेक एक्सरसाइज ऑफ रिन्यूअल ऑप्शन। मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं ऑप्शन रिन्यू करूंगा क्योंकि रेंट पे तो मुझे कहीं और से भी मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट में ऐसी असेट का रेंट जितना मुझे मिलेगा उतना ही सामने वाला ले रहा है, तो मैं ये असेट तुमसे रिन्यू ना करवा के कहीं और से नई नवेली असेट ले लूं, वो ज्यादा अच्छा है। अरे बोलो ना, तो ये क्या हो गई, शॉर्ट टर्म लीज मान सकते हैं, मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अरे बोलो यार। क्वेश्चन नंबर टू, नहीं क्वेश्चन नंबर टू पे मत आओ, 2 मिनट रखो, राइट टू कंट्रोल, 1 सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7, ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आईसीआई मॉड्यूल से लिए, सिर्फ लास्ट के एक दो क्वेश्चंस मैंने अपने जोड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एबीसी लिमिटेड इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ एक्स वाई जेड लिमिटेड विच ग्रांट्स एबीसी लिमिटेड एक्सक्लूसिव, कुछ याद है ये वर्ड कहां पर था? राइट टू कंट्रोल की दो कंडीशन थी, पहला राइट टू ऑप्टेन मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो तभी मिलेगा जब तेरे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हो उस पीरियड के लिए, और दूसरा राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ असेट, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। तो यहां बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सवाईजेड व्हिच ग्रांट्स, एक्सवाईजेड ने एबीसी को क्या ग्रांट किया है, एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द स्पेसिफिक ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी ओवर अ 5-year पीरियड इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। अच्छा, सिर्फ मई जून के मंथ में मैं तेरे को स्टोरेज फैसिलिटी दे रहा हूं, पूरे साल भर नहीं दे रहा हूं, पूरे साल भर में सिर्फ 2 महीने दे रहा हूं, क्या स्टिल ये लीज माना जाएगा? मैंने पिछले सेशन में बोला भी था, आप याद करो, एक ग्राउंड क्रिकेट मैंने आपको बोला था, याद करो, एक ग्राउंड में आपको सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च में देता हूं, तो पार्ट ऑफ द पीरियड के लिए भी अगर मैं आपको दे रहा हूं कंसेक्यूटिवली हर साल में, तो भी वो लीज टर्म माना जाएगा। तो यहां पर मैं हर साल आपको कब कब दूंगा, सिर्फ मई जून में, क्योंकि मई जून में मुझे ग्रेन को स्टोरेज करना पड़ता है और मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट है, मैं स्टोर करूं नहीं करूं, क्या करूं, कितना करूं, मेरे ऊपर है। आई बात समझ में कि नहीं? ड्यूरिंग दीज मंथ्स एबीसी हैज द राइट टू डिसाइड विच क्रॉप्स आर प्लेस्ड इन स्टोरेज, मेरी मर्जी में कुछ भी रखूं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड वेन टू रिमूव देम, और मेरी मर्जी में उसको यहां से कब हटाऊं, सिंपल सी बात है, मई जून में मेरा हिस्सा है, मेरे को पता है मेरे को कैसे करना है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोवाइड्स द लोडिंग एंड अनलोडिंग सर्विस, हाँ लेसर जो है वो उसको लोडिंग अनलोडिंग सर्विसेज दे रहा है, क्या दे रहा है वो उसको, वो तो अलग से सेपरेट सर्विस दे रहा है फॉर वेयरहाउसिंग एक्टिविटीज। ड्यूरिंग द अदर 10 मंथ्स ईच ईयर एक्स वाई जेड हैड द राइट टू डिटरमाइन हाउ द वेयरहाउस विल बी यूज, अदर 10 मंथ के लिए एक्स वाई जेड के पास राइट है। Which party has right to control the use of identified asset during the period of use? Tell me.
हम बोलेंगे इन द मंथ ऑफ मे जून फॉर कंसेक्यूटिव 5 years एबीसी लिमिटेड हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ दैट असेट. दैट मींस एबीसी लिमिटेड कैन डिसाइड हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द असेट विल बी यूज्ड. दैट मींस हेयर इट इज कंक्लूडेड दैट राइट टू कंट्रोल एग्जिस्ट विद द एबीसी फॉर अ मंथ ऑफ मे एंड June, and therefore if the right to control exists with the ABC for 2 months, it will be a lease contract for 2 months every year. Understood or not? For remaining 10 months right to control nahi hai uske paas, to remaining 10 months ke liye lease term nahi hoga, lease contract nahi hoga. Lease contract sirf kitne mahine ka hoga? 2 mahine har saal ke liye. Lease contract kitne hoga? 2 mahine har saal ke liye, kyunki us 2 mahine mein exclusive right diye gaye. मतलब इंटायर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तू कैसे जनरेट करेगा वो तेरी मर्जी, और पूरा बेनिफिट्स तेरे को ही मिलेगा. राइट टू डायरेक्ट भी तू ही करेगा, कैसे यूज करना है, कौन सी क्रॉप स्टोर करनी है, कब उसको रिमूव करना है, वो सब तेरे को राइट्स दिए गए. आई मेरी बात समझ में? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियर बेटा. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी एमएनओ इंटर्स इनटू अ 15 ईयर contract with power company PQR to purchase all of the electricity produced by new solar farm. MNO ने 15 साल के लिए PQR से power purchase करने का agreement कर लिया है. Power company PQR to purchase all of the electricity produced by new solar farm. उसका जो new solar farm है ना, वो जितनी भी electricity produce करेगा वो पूरा किसको मिलेगा? MNO को मिलेगा. 15 साल तक जो उसका न्यू सोलर फार्म है. PQR owns द सोलर फार्म. सोलर फार्म किसका है? PQR का. मतलब असेट किसकी है? PQR की. पर असेट से रिलेटेड जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी 15 साल तक, वो किसको मिलेगी? MNO को. बोलो ना यार, PQR की असेट है. PQR विल रिसीव द टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन एंड ओनरशिप ऑफ सोलर फार्म. सोलर फार्म को कि उसने खुद का उसका ओनरशिप है, तो टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा? PQR को, लेसर को. MNO विल रिसीव रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स दैट अकर फ्रॉम द यूज ऑफ सोलर फार्म. सोलर फार्म के यूज से जो भी रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स मिलते हैं वो किसको मिलेंगे? देखो, समझो बात को. सोलर फार्म से दो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं. पहला, टैक्स क्रेडिट, वो किसको मिल रहा है? PQR को. और दूसरा, सोलर फार्म यूज करने से जो भी रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स मिलते हैं. सर ये क्या होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स? हाँ, कार्बन क्रेडिट्स. यस, एक्चुअली जब जो अभी निकल चुका है अपने कोर्स से, कार्बन क्रेडिट्स वाला पॉइंट है ये. बेसिकली जब हम हमें कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, हमें मतलब सरकार से क्या होता है, क्रेडिट्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे हमें बेनिफिट्स मिलता है. तो यूज करने से जो भी क्रेडिट्स हैं वो किसको मिलेंगे? MNO को. हु हैज द राइट टू सब्सटेंशियल बेनिफिट्स? सी, सोलर फार्म को यूज करना इंपॉर्टेंट है. सोलर फार्म की ओनरशिप के चक्कर में जो टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं वो इकोनॉमिक बेनिफिट उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के नहीं है. इकोनॉमिक बेनिफिट को भी बाइफर्केट करना पड़ेगा. कौन से वाले इकोनॉमिक बेनिफिट तेरे को मिल रहे हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट PQR को कौन से मिल रहे हैं? टैक्स क्रेडिट्स. वो तो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो ओनर है. क्या यूज करने के बेनिफिट्स PQR को मिल रहे हैं क्या? मेन यहां पर मुद्दा क्या है? यूज करने से बेनिफिट्स किसको मिलेंगे? आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? तो यहां पर यूज करने के बेनिफिट्स किसको मिल रहे हैं? MNO को. तो ये होल माना जाएगा कि MNO हैज राइट टू कंट्रोल द असेट बिकॉज इट हैज राइट टू ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स. Guys, understood or not? क्योंकि MNO को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस प्रोडक्शन मिल रहा है और जो बाय प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है जो रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स हैं वो भी उसको मिल रहा है. सिर्फ टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है, और टैक्स क्रेडिट यूज करने पर नहीं मिलते, टैक्स क्रेडिट तो ओनरशिप के चक्कर में मिल रहे हैं.
ऑपरेशनल बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं, और क्योंकि ऑपरेशनल बेनिफिट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो यहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑपरेशनल मिल रहे हैं, तो यहां पर माना जाएगा कि राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर हुआ? ये वाला पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। देखो, सबसे पहले जो आप मुझसे डाउट पूछ रहे हो कि सर ये लिखा है विद इन कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशन, तो सर इससे एक डाउट क्रिएट होता है कि उसके पास राइट टू यूज, राइट टू डायरेक्ट द यूज है कि नहीं। मैं आपको बोलूं मैम कि ना आप मुझे अपनी कार दीजिए प्लीज किराए पर 5 साल के लिए, आप मुझे बोलोगे ठीक है सर आप लीजिए कार, तो आप मुझसे पूछोगे कि ये कार आप कहां यूज करेंगे। मैंने आपको बोला कि मेरा बिजनेस है मैं उसमें यूज करूंगा, आपने मेरा बिजनेस पूछा मुझसे, मैंने आपको बोला कि मेरा बिजनेस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है बेसिकली, मैं उसमें यूज करूंगा, ठीक है। तो आपने मुझे बोला सर आप ट्रांसपोर्टेशन में यूज करो, आपको जहां गाड़ी ले जानी है ले जाओ, ट्रेवलिंग में जहां ले जानी है पूरी इंडिया में कहीं पे भी ले जाओ, बट ट्रांसपोर्टेशन में का बिजनेस है ना, तो आप फिर ट्रांसपोर्टेशन में ही करोगे, आप इसको लोडिंग अनलोडिंग में मत नहीं करोगे फिर, मतलब आप इस गाड़ी को फिर ट्रांसपोर्टेशन वाले काम में ही करोगे, फिर आप इस गाड़ी को सबलीज नहीं करना, आप ही यूज करोगे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशंस क्या है कि मुझे सबलीज नहीं करनी, पर ऑपरेशनली मैं इस एसेट को यूज कर सकता हूं कि नहीं अपने बिजनेस में। मेरा बिजनेस कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन। अरे बोलो ना यार, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर रहा हूं। आपने मुझे अपनी एक लग्जरी कार दी 5 साल के लिए, और आपने मुझे बोला कि सर मैंने आपसे ये लीज पर ली, आपने बोला कि सर ये आप लीज पे क्यों लेना चाह रहे हो, आप इसको कैसे यूज करोगे? मैंने बोला ये ना मेरा ना ट्रेवलिंग का बिजनेस है, जो मेरे
लग्जरी क्लाइंट्स होंगे, मैं उनको ये कार दूंगा घुमाने के लिए। आपने बोला सर जितना करना है करो, कोई भी कहीं भी जाना है जाओ, बट ये कार में गुड्स नहीं रख सकते आप, लोडिंग अनलोडिंग के लिए कार यूज नहीं करोगे। मतलब कल को ऐसा नहीं कि लग्जरी कार है और आप उसको यूज करो ट्रैक्टर की तरह, ट्रक की तरह, आप ये सब नहीं करोगे। आपको जितना यूज करना है आप करो, ट्रेवलिंग में, पैसेंजर ट्रेवलिंग में यूज करना है करो, गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग में यूज नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशन क्या है कि मैं उसको गुड्स में यूज नहीं करूंगा, मैं उसको पैसेंजर में तो कर सकता हूं ना। क्या इसका मतलब ये हुआ क्या कि मेरे पास राइट टू डायरेक्ट द यूज नहीं है? भाई इन द सर्कल ऑफ दिस पैसेंजर ट्रेवलिंग मैं किसी भी तरीके से यूज करूं, मेरी मर्जी। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये विथ कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हाँ, मैंने वही बोला ना, वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना पड़ेगा। हाँ भाई, आपने मुझे बोल दिया कि आप सर अपने बिजनेस में जैसा यूज करना चाह रहे हो, जैसा जिस तरीके से करना चाह रहे हो, जहां यूज करना चाह रहे हो करो, आप सब लीज नहीं कर सकते बेटा, रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब एक बात बताओ, तेरा इंटेंशन है तू खुद ही यूज करेगा, पहली बात तो इससे समझो इसमें इंटेंशन क्या है। अगर कस्टमर का इंटेंशन था कि नहीं यार मैं तो सबलीस ही करने वाला था, मैं डायरेक्ट खुद इकोनॉमिक बेनिफिट तो जनरेट कर ही नहीं पाऊंगा, तो फिर यहां पर राइट टू कंट्रोल वाली बात नहीं आती। पर तू जानता है कि सबलीस वाला केस तो वैसे भी कभी नहीं आएगा, अंडरस्टूड और नॉट? यहां पर तू जानता है कि तू असेट को खुद ही यूज करेगा, सबलीस की तो एक कंडीशन लगा दी गई है, अंडरस्टूड और नॉट? तू कभी उसको सबलीस पे वैसे भी नहीं करेगा क्योंकि तू जानता है कि तू उसको कैसे यूज करना चाह रहा है, ठीक है? सब्जेक्टिव हो सकता है। आते हम नीचे, ऊपर सब लिख दिया कस्टमर के फेवर में, नीचे क्या बोल? सप्लायर वाय प्रोहिबिट सर्टेन यूज ऑफ व्हीकल, क्या क्या? मूविंग इट ओवरसीज, मतलब देश के बाहर नहीं भेजोगे। दूसरा मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन नहीं करवाओगे भाई, मॉडिफिकेशन नहीं करवाओगे और देश के बाहर नहीं भेजोगे। इसको कहते हैं कहीं ना कहीं दीज आर एज गुड एज योर प्रोटेक्टिव राइट्स। मतलब इससे क्या मैं देश के बाहर ना भेजने से क्या मेरा यूज करने का तरीका बदल जाएगा क्या? कार को मॉडिफाई नहीं करवाओगे, जैसी कार है वैसी की वैसी चलेगी, तो तुम कहीं पे भी यूज करो ना, मैंने मना थोड़ी किया। तुम उसको किसी भी स्टेट में जाके घुमाओ, तुम उसको जैसे यूज करना है जहां यूज करना है परमिट ले लो, स्टेट परमिट ले लो, नेशनल परमिट ले लो, जैसे यूज करना है करो, बस मॉडिफिकेशन नहीं करोगे। तो स्टिल इट इज नॉट लाइक कि मतलब मैंने कस्टमर को रेस्ट्रिक्ट कर लिया कि तू कैसे इसको यूज करेगा, उसके डायरेक्शन में मैंने रेस्ट्रिक्ट किया। दीज आर सच प्रोटेक्टिव राइट्स। हाँ ऑब्वियसली, अभी अगेन वही वाली वो हो गई, तो सब्जेक्टिव हो गई। हाँ जनरल है। सी, आपको रेस्ट्रिक्शन दो टाइप की देखनी है। क्या रेस्ट्रिक्शन यूज करने पर की जा रही है कि मेंटेन करने पर की जा रही है? अगर यूज करने पर रेस्ट्रिक्शन है तो सही में वो रेस्ट्रिक्शन है, तो राइट टू डायरेक्ट द यूज नहीं है। पर अगर मेंटेनेंस पे रेस्ट्रिक्शन है, किस पे? मेंटेनेंस पे रेस्ट्रिक्शन है, तो वो माइट बी प्रोटेक्टिव राइट्स हो सकते हैं प्राइमा फेसी। बाकी डिपेंड करता है केस टू केस। ये तो बात आपने सही बोली, लॉजिकल थिंकिंग है। मतलब पहले वाले में क्या था, रूल बेस्ड था, ये होगा तो ये कर लेना, ये होगा तो ये कर लेना, रूल बेस्ड था। अभी सब्जेक्टिव मैटर बेस्ड हो गया, मतलब कि यार इट डिपेंड्स, जजमेंटल। और इससे कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशनल की वैल्यू बढ़ जाती। तो मैं एग्जाम के मैं काम में मैं कमेंट नहीं करूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बोलूंगा ही नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर सब्जेक्टिव काम नहीं आता, फिर काम आता है कि ये या तो ये बस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ
हाँ, उसके अंदर भी है सेम कंसेप्ट. एंटिटी ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद सप्लायर एच टू मैन्युफैक्चर पार्ट्स इन अ फैसिलिटी. एंटिटी ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद सप्लायर एच टू मैन्युफैक्चर पार्ट्स इन अ फैसिलिटी. एंटिटी ए डिजाइंड द फैसिलिटी. डिजाइन, अभी एक चार्ट बनाया था अपन ने, अपन एक चार्ट डिस्कशन किया था, याद है आपके कंसेप्ट वाली बुक के, उसमें क्या डिजाइनिंग कस्टमर के अकॉर्डिंग की गई है या ऑपरेटिंग राइट्स कस्टमर को दिए गए, तो फिर कस्टमर के पास राइट है, पर डिजाइनिंग कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं की गई है. आइए देखो, पढ़ते हैं फिर से. एंटिटी ए डिजाइंड द फैसिलिटी एंड प्रोवाइडेड इट्स स्पेसिफिकेशंस. सप्लायर एच ओन्स द फैसिलिटी एंड द लैंड. एक बात बताओ, यहां पर फैसिलिटी को आप समझ सकते हो एक तरीके से बिल्डिंग. फैसिलिटी को आप समझ सकते हो बिल्डिंग. बिल्डिंग किसके नाम पर है? एच. हाँ, डिजाइनिंग किसने किया उस चीज का? नहीं, ए ने किया है. डिजाइनिंग किसने किया है? एंटिटी ए डिजाइंड द फैसिलिटी. स्ट्रक्चर किसने तैयार किया है? एंटिटी ए ने. एंड प्रोवाइडेड इट्स स्पेसिफिकेशन, और उसने या तो स्पेसिफिकेशन दे दिया एच को कि मेरे इस अकॉर्डिंग होगा, ठीक है. एंटिटी ए स्पेसिफाइज हाउ मेनी पार्ट्स इट नीड्स एंड व्हेन इट नीड्स. मुझे कितने चाहिए, कब कब चाहिए द पार्ट्स टू बी अवेलेबल. ये पार्ट्स की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले लाइन में लिखा था एंटिटी ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद सप्लायर एच टू मैन्युफैक्चर द पार्ट्स इन अ फैसिलिटी. सप्लायर एच ऑपरेट्स द मशीनरी एंड मेक्स ऑल ऑपरेटिंग डिसीजंस इंक्लूडिंग हाउ एंड व्हेन द पार्ट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड. डिजाइनिंग किसने किया? ए ने. उसको पार्ट्स कितने कितने चाहिए, कब कब चाहिए, ये उसके अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है. बट मशीन को ऑपरेट कौन कर रहा है? एच. दादा क्या है? हाँ? मशीन को ऑपरेट कौन कर रहा है? एच. ऑपरेटिंग डिसीजंस मशीन के रिस्पेक्ट में इंक्लूडिंग हाउ एंड व्हेन द पार्ट्स आर टू बी प्रोवाइडेड. एच. एज लॉन्ग एज इट मीट्स द कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स टू डिलीवर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ नंबर ऑन द स्पेसिफाइड डेट्स. अज्यूमिंग सप्लायर एच कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द फैसिलिटी एंड हेंस इट इज एन आइडेंटिफाइड असेट. विच पार्टी हैज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट. किस पार्टी के पास राइट है? क्यों? हाँ, हाउ मेनी पार्ट इट नीड्स एंड वेन इट नीड्स द पार्ट टू बी अवेलेबल. और आगे लिखा है सप्लायर एच ऑपरेट द मशीनरी मेक्स ऑल ऑपरेटिंग डिसीजन इंक्लूडिंग हाउ एंड वेन द पार्ट आर टू बी प्रोड्यूस्ड. आर टू बी प्रोड्यूस्ड नहीं ना, यही तो दिक्कत है. वेन द पार्ट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, मैं कब प्रोडक्शन करूंगा वो मेरे ऊपर है, उसके बाद तू जब बोल सर को दे दूंगा. हाउ इट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड वेन द प्रोडक्शन विल बी वेन द पार्ट्स विल बी प्रोड्यूस्ड मेक्स ऑल ऑपरेटिंग डिसीजंस. इसका मतलब कस्टमर के पास पार्शियल राइट्स हैं, समझो बात को. कस्टमर के पास फुल राइट्स नहीं है. पार्शियल राइट्स कौन कौन से हैं? उसके हिसाब से डिजाइनिंग की गई है, कस्टमाइज उसके हिसाब से. बट चलेगी किसकी? ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग किसकी है? एच की है. प्रोडक्शन कब कब होना है ये कौन डिसाइड करेगा? एच. हाँ, एक बार प्रोडक्शन हो गया, अब तू बता तेरे को कितना चाहिए, अब तू बता तेरे को कब कब चाहिए, पर प्रोडक्शन होना कब है? एच के. तो सी, आई डोंट नो द आंसर,
बट द पॉइंट इज कि हेयर द कस्टमर इज नॉट हैविंग फुल राइट्स, कस्टमर इज हैविंग पार्शियल राइट्स, बोलो ना यार। और जहां उसके पास पार्शियल राइट्स है मतलब राइट टू कंट्रोल पूरा तो नहीं है, पार्शियल राइट्स है मतलब राइट टू कंट्रोल फुल है ही नहीं, और राइट टू कंट्रोल फुल है नहीं मतलब टेक्निकली ये वाला चीज यहां पर राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ असेट कस्टमर के पास नहीं है, क्योंकि असेट का कैसे यूज होगा वो सप्लायर एच की भी ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग लगेगी। देखिए आंसर क्या लिखा है, यस कह सकते हैं, बट यहां पर हाँ मतलब केटरिंग केटरिंग बिजनेस सॉर्ट ऑफ, बिल्कुल, कि एक बार मैंने केटरर से बोल दिया कि मुझे क्या चाहिए, अब वो उसका हेड है कि वो कैसे बनाए, किस टाइम पे कौन सी चीज तैयार करके रखे। हाँ तेरे को किस टाइम पे चाहिए वो मेरे को पता है, बाकी मैं कैसे बनाऊंगा किस तरीके से बनाऊंगा लिस्ट ऑफ, हाँ एग्जैक्टली, तूने मुझे क्वांटिटी बोल दिया मुझे 300 लोगों के हिसाब से चाहिए, अब तेरे को 300 लोगों के हिसाब से प्रोवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मैंने 500 बनाए तो मेरा नुकसान, मैंने 200 बनाया तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा बना के दूंगा, वो डिसीजन मेरा रहेगा कि मैं कितना बनाऊं, वो कितना बनाऊं। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है जहां पर सप्लायर मतलब केटरर के पास राइट है कि वो कितना बनाए कैसे बनाए वो उसके पास राइट है। क्या है आंसर, क्या है? एंटिटी ए डज नॉट डायरेक्ट द यूज, मैंने बोला था ना मतलब लग नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास पार्शियल राइट है। Asset that most significantly derives the economic benefit because supplier H determines how and when the equipment will be operated once the contract is signed. Therefore, supplier H has the right to control the use of identified asset during the period of use. Although entity A stipulates the product to be provided and has input into the initial decision regarding the use of asset through its involvement in design of the asset, it does not have decision making rights over how and for what purpose the asset will be used. This arrangement is a supply arrangement, not a lease. एच के पास डिसीजन नहीं होता, कस्टमर ने बोल दिया तेरे को कितना प्रोड्यूस करना है वो मैं बताऊंगा, तेरे को कितने जनवरी में कितना करना है फरवरी में कितना करना है वो मैं बताऊंगा। आई मेरी बात समझ में? मशीन को किस कैपेसिटी पे ऑपरेट करना है वो मैं बताऊंगा। तो फिर यहां पर एंटिटी ए के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज हो जाता, क्योंकि वो फैसिलिटी को यूज करने का डायरेक्शन एंटिटी ए दे रही है। अब यहां पर सप्लायर एच बोल रहा है कैसे यूज करूंगा वो मेरी मर्जी है, तू बोल तेरे को कितना चाहिए, तेरे को इतना चाहिए ना मिल जाएगा, कैसे करूंगा क्या करूंगा वो मेरी मर्जी, प्रोडक्शन कितना करूंगा वो मेरी मर्जी। समझ आएगी नहीं? तो ये एक सिंपल सेल परचेज का एग्रीमेंट हो गया, ये लीजेस का एग्रीमेंट नहीं है। समझ में आया? हाँ हाँ वो तो वही ना, क्योंकि अगर नहीं नहीं समझिए बात को, अगर एंटिटी ए के पास राइट टू कंट्रोल होता तो ये लीज एग्रीमेंट होता। वो बताने के बाद उसने आंसर भी दे दिया कि ये लीज एग्रीमेंट नहीं है। हाँ नहीं ना, पर सही तो है ना, आप उसको गलत ले रहे हो, किसी ने किसी पास राइट टू कंट्रोल है, यहां पर सप्लायर एच के पास राइट टू कंट्रोल है। हाँ पर वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, कंक्लूजन तो लिखना ही पड़ेगा। हम तो ये लिखेंगे ना, इफ ए हैज राइट टू कंट्रोल दैट मीन्स इट इज अ लीज एग्रीमेंट, इफ A does not have right to control, that means H has right to control. मतलब lesser के पास right to control है, lessee के पास है ही नहीं, तो ये lease agreement नहीं। अब lease agreement नहीं हो तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना मुझे कि ये कौन सा arrangement है। हाँ lease नहीं है तो फिर क्या है? Lease नहीं है तो फिर supply agreement है, India's 115। मैं तो होता तो और दो लाइनें और लिखवाता कि भाई India's 115 लगेगा यहां पर तो। हाँ
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एंटिटी एल इंटर्स इनटू अ 5-year कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी ए, अ शिप ओनर, कंपनी ए शिप ओनर है, फॉर यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड शिप, शिप आइडेंटिफाइड है, कौन सी वाली शिप मुझे चाहिए वो बता दिया. एंटिटी एल डिसाइड्स वेदर एंड व्हाट कार्गो विल बी ट्रांसपोर्टेड एंड व्हेन एंड टू विच पोर्ट द शिप विल सेल थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज. क्या क्या एंटिटी एल के पास क्या क्या है? कार्गो जाएगा कि नहीं जाएगा, कौन सा कार्गो जाएगा, व्हाट कार्गो, कौन सा सामान जाएगा, है ना, कब जाएगा, किधर वाले पोर्ट पे जाएगा, चेन्नई पोर्ट पे जाएगा, इधर पोर्ट पे जाएगा, उधर पोर्ट पे जाएगा, मुंबई पोर्ट पे जाएगा, ये सब किसके पास राइट, और कौन सा सामान जाएगा वो भी एल के पास है. जाएगा कि नहीं जाएगा वो भी मैं बताऊंगा. सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दीज रेस्ट्रिक्शन प्रिवेंट एंटिटी एल फ्रॉम सेलिंग द शिप इन टू वॉटर एट अ हाई रिस्क ऑफ पायरेसी और कैरिंग एक्सप्लोसिव मटेरियल. अब ये तो एक जनरल चीज है ना, ये प्रिवेंटिव है ताकि उसकी एसेट खराब ना हो. फॉर फ्रॉम सेलिंग द शिप इन टू वॉटर एट अ हाई रिस्क ऑफ पायरेसी और कैरिंग एक्सप्लोसिव मटेरियल से करो. मैंने बोला भाई तू जो भेजना चाहे भेज दे, पास एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं भेजेगा. आई वाज समझ में कि नहीं. कंपनी ऑपरेट्स एंड मेंटेन्स द शिप, बताओ ऑपरेटिंग राइट भी किसके पास हो गए? अच्छा ए के पास है, ऑपरेट्स, ठीक है, ऑपरेट्स कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ पैसेज, ठीक है. हु हैज द राइट, जनरली क्या लग रहा है? एल के पास, एल हैज द राइट. हाँ, एल हैज द राइट. यहां पे डिजाइनिंग की बात तो आती नहीं है, बट यहां पर बात आती है कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस जो हम बात कर रहे थे. हाँ, इंडेस 116 के फर्स्ट टू अटेम्प्ट में क्वेश्चंस इजी आएंगे. आई पर्सनली बिलीव कि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो भी है, और हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये नहीं आएंगे ज्यादा. आई पर्सनली बिलीव. चलो ओके, सो कहां तक पहुंच गया अपन? नाइन्थ हो गया, टेंथ हो गया, टेंथ हो गया बस, है ना, नहीं इलेवेंथ हो गया. अब रुक जाइए, इलेवेंथ के आगे मत बढ़िए, और हमने बीच में हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं किए. बीच में हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस की नहीं किए, ठीक है ना. हमने क्या क्या कर लिया डेफिनेशन में, हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिए. वॉट इज लीज, लीज क्या होती है, इंसेप्शन लीज, कमेंसमेंट लीज. अब लीज के अंदर कौन कौन से पॉइंट थे, कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा, इसका रिलेवेंस क्या था, लीज एंड नॉन लीज कॉम्पोनेंट, लीज एंड दूसरा राइट टू कंट्रोल, अभी हमने देखा, याद है राइट टू कंट्रोल, दो कंडीशन, कौन सी, राइट टू ऑब्टेन मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब एक्सक्लूसिव राइट्स, दूसरा राइट टू डायरेक्ट द यूज, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, उसमें क्या डिजाइनिंग तेरे अकॉर्डिंग हुई है, दूसरा ऑपरेशन तू कर रहा है, कैसे ऑपरेट करना है तू कर रहा है, बोल बेटा, ठीक है. अब है आइडेंटिफाइड असेट, ये आइडेंटिफाइड असेट क्या होती है, अब हम पढ़ने वाले आइडेंटिफाइड असेट के बारे में. आइडेंटिफाइड असेट, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफाइड असेट, कौन सी वाली असेट दे रहा है लीज पर, या तो तू स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में लिख दे. एक काम करते हैं, मेरे पास चार कार है, चारों स्विफ्ट है, चारों स्विफ्ट कार है, मैंने एग्रीमेंट किया गौरव के साथ, मैं अपनी स्विफ्ट कार तेरे को लीज पे दूंगा, पर मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन सी वाली दूंगा, क्योंकि एक मॉडिफाइड स्विफ्ट है, एक पेट्रोल वाली है, एक डीजल वाली है, सबके स्पेसिफिकेशंस अलग अलग है, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने बोला बस मैं तेरे को एक साल के लिए कार दूंगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, कार दूंगा,
गौरव समझ गया कि जय सावला सर के पास चार कार है, मुझे कार मिलेगी, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? पर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि डीजल वाली दूंगा कि पेट्रोल वाली दूंगा, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से गौरव के खर्चे पर असर पड़ सकता है। डीजल वाली कार से पेट्रोल और दूसरी कौन सी, पेट्रोल वाली कार से गौरव के असर खर्चे पर असर पड़ सकता है कि नहीं? हाँ, एक इलेक्ट्रिक वाली भी है। मैंने ये डिसाइड ही नहीं किया, मैंने एक्सप्लिसिटली बताया नहीं एग्रीमेंट में कि कार हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर MH12-, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला ही नहीं एग्रीमेंट में। मैंने कार कौन सी वाली दूंगा TI नहीं बताया ही नहीं। अरे नहीं आ रहा क्या समझ में? हाँ, बस कार दूंगा। आउट ऑफ द ट्रैक, छोड़ो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आइडेंटिफाइड मतलब असेट आइडेंटिफाई होना जरूरी है। कौन सी असेट दोगे, या तो ये इंप्लाइड होना चाहिए या तो ये एक्सप्लिसिटली लिखा होना चाहिए। मेरी बात समझना, अगर जय सर के पास कार ही एक है तो एग्रीमेंट में नहीं भी लिखा तो भी इंप्लाइड है ना यार, कौन सी कार दूंगा। पर मेरे पास चार कार है, अब इंप्लाइड इंप्लाइड से काम नहीं चलेगा, अब क्या होगा? एक्सप्लिसिटली एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि कौन सी वाली कार। क्योंकि सुनो क्या हुआ, स्टार्टिंग के 2 महीने में मैंने गौरव को इलेक्ट्रिक कार दे दी, गौरव को मजा आ गया, बस खर्चा ही नहीं इलेक्ट्रिक कार में। तो उसके बाद मैंने 2 महीने बाद गौरव को बोला, गौरव कार वापस कर, दूसरी ले जा, दूसरी ले जा। गौरव ने बोला, सर ऐसा थोड़ी होता है। मैंने देख ले एग्रीमेंट में, देख ले, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कि मैंने तेरे को इलेक्ट्रिक वाली देनी है, कार नंबर तो लिखा ही नहीं है, ये वाली दूसरी वाली लेके जानी पड़ेगी। मेरी बात समझ में कि नहीं? पता है ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि एक्सचेंज करने से मुझे इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है, मैं अपना बेनिफिट देख रहा हूं कि मैं रिप्लेस करता रहूंगा, बीच में सब्स्टिट्यूट बदलता रहूंगा, ऑल्टरनेटिव चेंज करता रहूंगा। ऐसे केस में क्या कार आइडेंटिफाइड है? कार आइडेंटिफाइड नहीं है। योर असेट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। नाउ योर असेट मस्ट बी आइडेंटिफाइड, उसके लिए या तो इंप्लाइड या तो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। अरे समझे कि नहीं? पढ़ो इसको पहले। अरेंजमेंट ओनली कंटेन्स अ लीज, ओनली कंटेन्स अ लीज। देखो हर पार्ट पे ऊपर था राइट टू यूज होगा तो ही लीज माना जाएगा, आइडेंटिफाइड असेट होगी तो ही लीज माना जाएगा। मतलब उधर राइट टू यूज है पर आइडेंटिफाइड असेट ही नहीं है तो भी लीज नहीं है। हाँ, अरेंजमेंट ओनली कंटेन्स अ लीज इफ देयर इज अ आइडेंटिफाइड असेट अंडर 116 एन असेट आइडेंटिफाइड असेट कैन बी क्या एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड। भाई मैंने कार नंबर लिख दिया, अब मैंने कार नंबर लिख दिया मैं फंस गया, मतलब अब यही मुझे कार देनी पड़ेगी। और implicitly specified, implicitly specified मतलब implied, at the time the asset is made available for use। कुछ आया समझ में? क्या होना चाहिए asset आपकी? explicitly identified asset क्या होती है? क्या, what do you mean by identified asset? either your asset must be explicitly specified in the contract or implicitly specified मतलब implied होनी चाहिए। आइडेंटिफाइड असेट मस्ट बी फिजिकली डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब याद है, डिस्टिंक्ट को हम पढ़ते हैं इंडेस 115 में। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए, वो तो 115 पढ़ चुके हैं। डिस्टिंक्ट याद करो, डिस्टिंक्ट वर्ड हमने 115 में पढ़ा हुआ है। सेपरेबल, सेपरेबल व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट मतलब क्या गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट है। तो गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट कब माने जाएंगे? जब उसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट रखा गया और वो वैसे भी अवेलेबल, मतलब आप उसको इंडिविजुअली यूज कर सकते हो। तो क्या असेट फिजिकली डिस्टिंक्ट है, बीट इंटायरली और इन सम पोर्शन? फॉर एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग इज जनरली ट्रीटेड एज अ फिजिकली डिस्टिंक्ट, बट वन फ्लोर मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फिजिकली डिस्टिंक्ट इफ द सेम कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली। अच्छा एक बात बताओ, बिल्डिंग में 2 फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर का रास्ता बाहर से ही निकलता है, अंदर से होके नहीं जाना पड़ता। अब मैं फर्स्ट फ्लोर आपको किराए पर दे रहा हूं, फर्स्ट फ्लोर मैंने आपको किराए पर दे दिया, क्या ये आइडेंटिफाइड है? एक पर्टिकुलर फ्लोर आइडेंटिफाइड है, क्यों? उसका रास्ता अलग से रखे निकलता है, उसका कंट्रोल भी उसके पास चला गया। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर? सो योर असेट मस्ट बी आइडेंटिफाइड।
आइडेंटिफाइड नहीं है मतलब ये लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लीज नहीं होगा तो अदर स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा मतलब इंडेस 115, भाई जहां रेवेन्यू आ जाए वहां पर 116 नहीं है तो 115। हाँ पर उसमें एडिशनल कंडीशंस क्या है? हाँ मतलब लीज एग्रीमेंट हो सकता है वो जनरली, कि अगर मान लो मेरे पास कई सारी गाड़ियां हैं और मैंने किराए पर दे रखी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए दे के रखी हैं, उस पर्टिकुलर रूट पे चलती है, तो ये लीज एग्रीमेंट हो सकता है, लीज एग्रीमेंट। अब इसमें इसमें ये बोल रहा हूं, इसमें ये बोल रहा हूं कि मान लो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ जो लीज एग्रीमेंट हुआ है उसमें स्पेसिफाइड है कि मुझे उनको एम्बेसडर गाड़ी ही देनी पड़ेगी और ये गाड़ी एम्बेसडर ही दे, वो स्पेसिफाइड होगा एक तरीके से इम्प्लाइड, दैट शुड नॉट बी लेस देन मोर देन 5 ईयर्स लाइफ, मुझे पुरानी गाड़ी नहीं देनी, मुझे 5 साल के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड हो गया ना। एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड का मतलब ये जरूरी नहीं कि यही की यही कार देनी पड़ेगी, इसी टाइप की कार देनी पड़ेगी। मैंने लिया था ये एग्जाम्पल इंडेस 16 में, मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मेरा ट्रेवलिंग का धंधा है और मैं 5 साल, मतलब मेरा कार किराए पर देने का धंधा है और मैं कार मैक्सिमम 5 साल तक ही अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देता हूं, 5 साल के बाद वो मैं बेच देता हूं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से मैं 5 साल के लिए उनको किराए पर दे रहा हूं, चलाने के लिए दे रहा हूं, तो यहां पर माना जाएगा कि मैं उनको उनके साथ, क्योंकि मेरी कंडीशन ही वैसी है कि उनको पुरानी कार चाहिए ही नहीं, एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड कार कौन सी दे रहा हूं, मॉडल भी उन्होंने बता दिया, पर यही नंबर वाली चाहिए ये जरूरी थोड़ी है। समझ में आया कि नहीं? हाँ माना जा सकता है बिल्कुल। क्या मैं कार को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? अगर ऐसा है मैं तेरे को जो कार दे रहा हूं उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरी दे दूं तो भी क्या असेट आइडेंटिफाइड है, मानी जाएगी? मेरा कहने का मतलब, थोड़ी देर पहले अभी मैंने बोला कि मेरे पास 4 कार है, मैंने गौरव को सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार दी, फिर जैसे ही मुझे मालूम पड़ा और यार इलेक्ट्रिक कार के रेंट रेंट बढ़ गए, मुझे मेरे को किसी और कस्टमर को देनी है और वो मुझे हायर रेंट दे रहा है, तो मैंने गौरव से वो इलेक्ट्रिक कार ले ली और मैंने दूसरी कार डीजल कार दे दी, सीएनजी दे दी, पेट्रोल दे दी, डीजल कार दे दी, ठीक है वो ले ली। क्या ये करने का राइट अगर मेरे पास है तो इसको बोलते हैं सब्सटेंटिव राइट। क्या बोलते हैं? एक वर्ड है, देखिए क्या लिखा है, सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट, सब्स्टिट्यूट क्या मेरे पास विद द सप्लायर, विद द सप्लायर, क्या सप्लायर के पास असेट को सब्स्टिट्यूट करने के सब्सटेंशियल राइट है? सप्लायर अपनी इच्छा से बिना कस्टमर के क्या बोलते हैं कंसेंट के, सप्लायर असेट को सब्स्टिट्यूट करने का दम रखता है? इफ यस, इसका मतलब असेट आइडेंटिफाइड नहीं है। नहीं ऐसा में, हाँ आइडेंटिफाइड नहीं है मतलब ये लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? सप्लायर अपने दम पे असेट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जब चाहे मैं असेट को सब्स्टिट्यूट करके तेरे को दे सकता हूं। यहां पर डायरेक्ट हुई, यहां पर जो भी कार दूंगा तू अपने हिसाब से यूज कर, बट क्या कार आइडेंटिफाइड है कि नहीं, असेट आइडेंटिफाइड है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आइडेंटिफाइड कब होगी? जब सप्लायर के पास सब्स्टिट्यूट करने के राइट, सब्सटेंशियल राइट ना हो। पढ़ो इसको, सप्लायर सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट, सब्सटेंटिव मतलब मैक्सिमम, सब्स्टिट्यूशन ऑल्टरनेट देने के राइट्स किसके पास है? सप्लायर के पास है। इवन इफ द असेट इज स्पेसिफाइड, मतलब मैंने इंप्लाइड कर दिया, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में लिख दिया कि यही असेट दूंगा, इवन इफ द असेट इज स्पेसिफाइड, अ कस्टमर डज नॉट हैव द राइट टू यूज एन आइडेंटिफाइड असेट इफ एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर हैज सब्सटेंटिव राइट
टू सब्सटीट्यूट द असेट थ्रू आउट द पीरियड. पूरे राइट्स किसके पास है सब्सटीट्यूट करने के? आपको मेरी बात का मतलब समझा रहे? सब्सटीट्यूट मतलब क्या? सब्सटीट्यूट मतलब क्या? इसके बदले तो वो यूज कर लेना. असेट आइडेंटिफाइड भी है अगर एक्सक्लूसिवली एग्रीमेंट में लिखा है कि ये असेट होगी, उसके बावजूद सप्लायर चाहे तो अपनी इच्छा से असेट बदल के दूसरी दे सकता है. एग्जैक्टली जोड़ के देखना है कि असेट आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, मतलब असेट एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड या इंप्लाइड होनी चाहिए, और सप्लायर शुड नॉट हैव क्या? सब्सटेंशियल सब्सटीट्यूशन राइट्स. हाँ, अ सप्लायर्स राइट टू सब्सटीट्यूट एन असेट इज सब्सटेंटिव व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. अब उसके राइट सब्सटेंटिव कब होंगे? पहला, कब माना जाएगा कि सप्लायर के पास जो सब्सटीट्यूट करने के जो राइट्स हैं वो सब्सटेंटिव है, मतलब मैक्सिमम राइट्स उसके पास हैं, कब माना जाएगा? पहला, सप्लायर हैज प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट द ऑल्टरनेट असेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज. दिस मीन्स सब्सटीट्यूटिंग द असेट फॉर रीजंस अदर देन ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी एंड एनी अदर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. थोड़ी देर पहले अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, देखो बता रहा हूं, एक क्वेश्चन था हाँ ये देखो लिखा गया है, ये 9th क्वेश्चन, सप्लायर वाई कैन नॉट सब्सटीट्यूट अनदर व्हीकल अनलेस स्पेसिफाइड व्हीकल इज नॉट ऑपरेशनल, फॉर एग्जांपल इफ इट ब्रेक्स डाउन. जब तक खराब नहीं होगी गाड़ी तब तक मैं सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, मतलब आई डोंट हैव सब्सटीट्यूशन राइट्स, सब्सटेंशियल सब्सटीट्यूशन राइट्स. अब वो वाला पॉइंट पढ़ना जो अपन अभी पढ़ रहे थे, सब्सटेंशियल सब्सटीट्यूशन राइट कब माना जाएगा? जब पहला, सप्लायर हैज प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट द असेट थ्रू आउट द पीरियड, मतलब जब चाहे जैसे चाहे मैं चेंज कर सकता हूं, भले ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी हो गई तो उसके बिना भी कर सकता हूं, मैं सिर्फ ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी पे ही कर सकता हूं, फिर मेरे पास सब्सटीट्यूशन राइट सब्सटेंशियल नहीं है. सब्सटेंशियल राइट्स सब्सटीट्यूशन राइट होते हैं हर व्यक्ति के पास. अरे सीधी बात है ना यार, मैंने तेरे से टीवी किराए पर ली, तूने बोला यार खराब हो गए हो जाएगी तो आपको बदल के देनी पड़ेगी. हाँ बिल्कुल बदलूंगा, टेंशन मत ले. हाँ आई बात समझ में कि नहीं? कंपनी भी स्पेसिफाइड नहीं है, तू सैमसंग वाली दे दे, तू सैमसंग वाली दे दे, तू ओनिडा दे दे, तू एलजी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है. पर स्पेसिफाइड क्या होना चाहिए? कितने इंच की एलईडी होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए. मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब वो जब चाहे तब देखो तो चेंज कर रहा है, टीवी खराब नहीं भी हुई तो भी वो चेंज कर रहा है, मतलब उसके पास एबिलिटी है चेंज करने की, और कस्टमर कुछ कह नहीं पा रहा है, कस्टमर के पास राइट नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कस्टमर के पास राइट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? कस्टमर के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज, ये राइट टू कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. हाँ, दो कंडीशन क्या है? पहला क्या? प्रैक्टिकली वो कर लेगा सब्सटीट्यूट, उसके पास एबिलिटी है. और दूसरा क्या है? ये करने से उसको फायदा होगा क्या? यस, एक्चुअली उसको फायदा होगा, तभी तो वो कर पा रहा है, तभी माना जाएगा कि सप्लायर के पास जो सब्सटीट्यूशन के राइट्स हैं वो क्या है? सब्सटेंशियल है. तुम दूसरा वाला ले लो. हाँ, और आज एक काम करो, आज छुट्टी कर लो. आज छुट्टी कर लो, आज हमारी दूसरी एक स्पेशल क्लास होगी, आज सेमिनार होना है. हाँ, तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना करो, आज तो नहीं लेने देंगे. क्यों? प्रैक्टिकल एबिलिटी प्लस वी स्मार्ट को इकोनॉमिकली बेनिफिट भी मिल रहा है. मैं पेन ड्राइव स्टूडेंट्स को बता देता हूं कि मैम ने क्या एग्जांपल दिया, कि जिस रूम में हम पढ़ रहे हैं ये वी स्मार्ट की प्रॉपर्टी है, वी स्मार्ट ने मैम को ये किराया, ये कमरा किराए पर दे दिया, कि मैम अपने हिसाब से
पढ़ाएंगी, सीए इंटर वालों को पढ़ाएंगी, फाउंडेशन वालों को पढ़ाएंगी, जिसको पढ़ाना है पढ़ाए। पर वी स्मार्ट के पास राइट है कि जब उसके पास बच्चे ज्यादा होंगे इस रूम की कैपेसिटी के हिसाब से, तो वो मैम को बोलेंगे मैम आज क्लास नहीं लेने का, आज हम अपनी क्लास लेंगे, ठीक है, या एक काम करिए हम आपको एक दूसरा रूम दे देते हैं छोटा वाला, उसमें पढ़ा लो, वैसे भी आपके पास उतने बच्चे नहीं है जितने हमारे पास ज्यादा है, तो एक काम करो आप दूसरे वाले रूम में पढ़ा दो, एक काम करो मैम आज मत आना, आज आपकी छुट्टी। तो अगर ऐसा कुछ राइट्स है वी स्मार्ट के पास, तो क्या वी स्मार्ट के पास ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है? मेरा कहना है बिल्कुल हो रही है। क्यों? एक तो वी स्मार्ट के पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है, वी स्मार्ट अपनी चला रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है, किसके ऊपर? लेसी के ऊपर। लेसी ना बोलेंगे, कस्टमर बोलेंगे, क्योंकि यहां पर तो लीज एग्रीमेंट होगा ही नहीं, ठीक है ना। और दूसरा, कहीं ना कहीं वी स्मार्ट को इससे क्या हो रहा है? इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है। आई बस में तो फिर वी स्मार्ट के पास क्या है? सब्स्टिट्यूशन राइट। कौन से? सब्सटेंशियल। छोटे मोटे सब्स्टिट्यूशन राइट अगर है कि कल को बारिश के टाइम में छत टपकने लगी, छत में से पानी टपकने लगा, तो फिर हम आपको रूम बदल के देंगे, नहीं तो आपका ये रूम हमेशा रहेगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, वो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी हो गया। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी के केस में अगर सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो फिर ये सब्सटेंटिव राइट्स नहीं है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? असेट आइडेंटिफाइड होना भी जरूरी है, प्लस सब्स्टिट्यूशन राइट सब्सटेंटिव नहीं होने चाहिए। अच्छा, किसके पास? सप्लायर के पास। इसका मतलब असेट आइडेंटिफाइड कब मानी जाएगी? जब या तो असेट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड हो या तो इंप्लाइड हो, पहला। दूसरा, सप्लायर के पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होने चाहिए। हाउएवर, यहां इसका एग्जांपल पढ़ो पहले, ये वाला। वन हाई कॉस्ट मशीनरी विद अनदर सिमिलर कॉस्ट लो कॉस्ट मशीनरी, सो दैट सप्लायर कैन अर्न मोर फ्रॉम हाई वैल्यू मशीनरी बाय लीजिंग इट और सेलिंग इट टू द थर्ड पार्टी। मतलब मैंने तेरे को एक अच्छी एसेट, वही वही यार इलेक्ट्रिक कार, मुझे पता यार कोई दूसरे से, मैं दूसरे को दूंगा तो उसमें मुझे ज्यादा किराया मिलेगा, तो मैंने तेरे से लेके मैंने दूसरे को दे दी कि मेरे पास ये प्रैक्टिकल एबिलिटी भी है और मेरे को बेनिफिट भी ज्यादा मिल रहा है, मेरे पास सब्सटेंशियल राइट सब्सटेंटिव है, सब्स्टिट्यूशन राइट सब्सटेंशियल है। However, if a supplier has the right or obligation to substitute the asset only on or after either a particular date or the occurrence of a specified event, the supplier's substitution right is not substantive because the supplier does not have the practical ability to substitute the alternate asset throughout the period. एक particular period तक मैं substitute नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद कर सकता हूं। हाँ, या फिर स्पेसिफाइड इवेंट जब तक नहीं हो जाता, मतलब तू किराया नहीं देगा तो मैं तू कम किराया देगा तो मैं तेरे को सस्ती वाली एसेट दे दूंगा, तू टाइम पे नहीं देगा तो मैं तेरे को दूसरा वाला एसेट पकड़ा दूंगा। अरे आया समझ में कि नहीं मैम? अपन इसको ले सकते हैं ना भाई, कि अगर आपने टाइम पे किराया नहीं दिया तो मैं एक काम करूंगा, फिर आपको बोल दूंगा कि एक काम करो दूसरा ना एक केबिन है छोटा सा उसमें पढ़ा लो। आया समझ में कि नहीं? स्पेसिफाइड इवेंट होने पर अगर मैं कर रहा हूं तो फिर सब्सटेंटिव राइट्स, सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं होंगे। सब्सटेंटिव राइट्स मस्ट बी चेक्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अवेलेबल। कौन सी डेट पे देखने? इंसेप्शन ऑफ द लीज। लीज इंसेप्शन पे ही चेक करना है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? लीज इंसेप्शन पे ही चेक करना है क्या कि सप्लायर के पास जो सब्स्टिट्यूशन राइट है वो सब्सटेंटिव है कि नहीं है। अगर है, अगर है तो ये लीज नहीं है। वैसे भी इंसेप्शन पे तो चेक करते हैं कि लीज है कि नहीं है, टू असेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज लीज और नॉट। तो ही हैज टू चेक, वी हैव टू चेक द सब्सटेंटिव राइट्स ओनली एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन। हाँ, सप्लायर्स राइट ऑब्लिगेशन टू सब्स्टिट्यूट असेट फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इन केस ऑफ असेट डजंट वर्क प्रॉपरली और फॉर अपग्रेड डज नॉट अमाउंट टू सब्स्टिट्यूशन राइट्स एज अबव। ऑब्वियसली असेट किसी को खराब हो गई या एक काम करना, रिपेयर चली गई तो तब तक मैं दूसरी असेट को दे दूंगा। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पढ़ो एक बार। इंडियस 116 फर्दर क्लैरिफाइज दैट विदाउट सफिशियंट एविडेंस A customer should presume that a supplier substantive right is not substantive.
Substitution right is not substantive if it is not possible to readily determine whether the supplier has substitution right. अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो हमेशा मान के चलेंगे कि सप्लायर के पास सब्स्टिट्यूशन जो राइट है वो सब्सटेंटिव नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये लीज एग्रीमेंट माना जाएगा. एग्जैक्टली, सब्स्टिट्यूशन राइट सब्सटेंटिव तभी होंगे जब एक्सप्लिसिटली ये कंडीशंस इंसेप्शन ऑफ लीज पर दिख रही हो, ठीक है ना, मतलब सीधी बात है वो एग्रीमेंट का कहीं ना कहीं पार्ट होना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए. अगर उसने क्लियर रखे हैं और उसने अपने राइट सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट सब्सटेंटिव रखे हैं तो ये लीज एग्रीमेंट नहीं हो सकता. गाइस अंडरस्टूड और नॉट? हाँ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. मुझे टेंशन हो रहा है कि मैं आगे का लेक्चर कैसे रखूंगा बिना तुम लोगों के. मैकेनिकल हो जाएगा, वन वे कम्युनिकेशन होता है ना, बस वही है. बस एक काम करें, अरेंज करते हैं अपन, यही अरेंज करते करते हैं कुछ, अरेंज करते हैं अपन, देखते नहीं नहीं ठीक है, मतलब करते हैं अपन सुबह सुबह के टाइम पे करते हैं, करें. गिव मी सम टाइम टिल नाइट, मैं थोड़ा सा टाइम स्लॉट पूछ लूँ कि क्या डिस्कस हुआ है. हाँ नहीं नहीं वो हो जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है. फॉर द पेंट्राइव स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली ये सब क्या डिस्कशन चल रहा है वो वैसे मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बट डिस्कशन ये चल रहा है कि जो मेरे सामने अभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिस टाइम पर मैं ये क्लास ले रहा हूँ उस टाइम पर पुणे में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है, और हमारे यहाँ फिलहाल अनाउंसमेंट आ चुकी है, हम इधर जहाँ क्लासेस लेते हैं प्रेस्टीज पॉइंट पर, कि आने वाले 5 से 6 दिन तक हम क्लासेस एक भी ना लें, क्योंकि दिक्कत बहुत बढ़ सकती है और बढ़ रही है, जिसकी वजह से कल से लेकर जो मैं इनकी क्लास कंटिन्यू करने वाला था वो मैं कंटिन्यू नहीं शायद कर पाऊंगा, ऐसा मैंने इनको पहले से ही बोल दिया था. तो इन्होंने भी बोला था कि ठीक है सर आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, हम वो देख लेंगे यूट्यूब पे. बट नाउ वेन वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स, और मुझे लगता है तुम्हें भी वही चीज समझ में आ रही होगी कि जब तक मेरा स्टूडेंट के साथ डिस्कशन हो रहा है तो तुम्हें भी वो चीजें ज्यादा क्लियर हो रही होंगी. तो स्टूडेंट्स को एक कंसर्न है जो मेरे सामने बैठे हुए हैं कि सर अगर आप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करोगे तो आपके सामने स्टूडेंट होंगे ही नहीं, और आपके सामने स्टूडेंट नहीं होंगे तो सर एक डिस्कशन नहीं होगा, तो सर आप तो बस एक पढ़ा के छोड़ दोगे, आप एक समझा दोगे छोड़ दोगे, क्वेरीज जनरेट नहीं होंगी, जब तक तब तक तो मजा ही नहीं आएगा, डिस्कशन नहीं होगा मजा नहीं आएगा, तो सर एक क्लैरिटी नहीं आ पाएगी. तो सर इसको कैसे करें क्या करें, तो उसी पर चर्चा चल रही है कि लेट्स डिसाइड कि अपन कंटिन्यू विद द स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. सो माइट बी मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल से जो छुट्टियां अनाउंस हैं वो छुट्टियां का उपयोग करके बल्कि हम ज्यादा पीरियड में ही कंप्लीट कर लें, तो हम लाइव की कोशिश करेंगे. नाउ जो मीटिंग हुई है फैकल्टीज की उसमें मैं शामिल नहीं था क्योंकि मैंने बोल दिया कि मैं क्लास ले रहा हूं, तो उसमें क्या डिसाइड हुआ है आई हैव टू चेक फर्स्ट एंड देन आई विल रिक्वेस्ट कि सर मैं तो फेस टू फेस फाइनल वालों को तो फेस टू फेस लेना चाहता हूं बिकॉज इट इज ओनली अ मैटर ऑफ 2 डेज आई थिंक, है ना, लंबा भी लेंगे अगर 5-5 घंटे तो 2 दिन में आई थिंक हो जाना चाहिए. तो अभी के लिए अपन सेशन को वाइंड अप करते बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट, अभी 9:30 रात के बज चुके हैं, ठीक है ना. अभी के लिए अपन सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं, अपन इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट डे, मतलब कल. प्रोबेबली आई विल बी एबल कि मैं आपके साथ कर लूं जैसा भी होगा, ठीक है. चलिए सो गाइस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू.